नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल है आपके सर हम बहुत बढ़िया हैं आप सुनाइएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे स्टार्ट करें हाँ सर जी इस समय हमारे साथ में कई सारे लोग जुड़ चुके हैं दीपक हैं तपस्या हैं रावत हैं नेहा हैं कनु है रविका हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर नंबर आठ रेगुलर बैच फॉर मे 2021 एंड नवंबर 2021 एग्जाम्स में ठीक है यस yes, सर तो बात को आगे बढ़ाने से पहले आपके मन में कुछ एक छोटे मोटे सवाल हैं तो पहले मैं उनका आंसर कर देता हूं ठीक है ना तभी बात को हम आगे बढ़ा के चलेंगे ठीक है सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो कर लेते हैं बात यहां पर आकर ठीक है जी तो भाई सबसे पहली बात यह है कि अभी हमने पीछे नवंबर 2000 नवंबर 2020 ट्वेंटी के लिए एक बैच रिकॉर्ड किया था और ये जो बैच था हमारा ये हंड्रेड परसेंट फ्रेश रिकॉर्डिंग्स इसके अंदर थी ठीक है सर जी जो कि बैच कंप्लीट हुआ है अपना जुलाई 2020 में ये बैच अपना कंप्लीट हुआ था जो टारगेट करता था नवंबर 2020 को ठीक है तो जिन बच्चों ने ये बैच ले रखा है और उनका एग्जाम मई 2021 में है तो क्या उनके लिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है द आंसर इज नो 22 सितंबर को मैंने एक वीडियो डाला था उसमें यह बताया था कि नवंबर 2020 और मई 2021 के बीच में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है कस्टम्स के अंदर मात्र दो सेक्शंस में अमेंडमेंट है और ऐसे ही जीएसटी के अंदर भी अभी तक मोटा मोटी चार पांच अमेंडमेंट ही देखने को मिली है यानी कि अमेंडमेंट शायद हिस्ट्री में सबसे कम है इस बार तो जिन्होंने ये वाला बैच ले रखा है जो नवंबर 2020 को टारगेट करता था तो उन्हें डरने की कोई किसी प्रकार की बात नहीं है ठीक है अब हम बात करते हैं आगे की कि मई 2021 एंड नवंबर uh, 2021 का ये जो बैच जिसकी आज हम पहली क्लास यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं इसमें क्या होगा किस तरह से किया जाएगा कितने क्लासेस होंगी, सिलेबस में क्या है बुक्स कौन कौन सी और कैसे कैसे मिलेंगी वो पहले चर्चा आपसे बेसिक में कर लेता हूं पढ़ना एक और पढ़ाने का तरीका क्या होगा वो सारी बातें पहले आपसे डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव मैटर की तरफ मूव करके चलेंगे ठीक है हाँ सर जी एकदम ठीक है लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं शिवम है आयुष है ट्यूटोरियल वर्ड है ये हर जगह मिलता है मेरा भैया संदीप जैन है और जी एंटरटेनमेंट ये क्या है एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन दैट्स ग्रेट सचिन है आइए तो यहां पर आकर आ, हम देखते हैं मालिक यह आइएगा जिसमें सबसे पहले बात यह करी जा रही है आपसे यह है आपकी बुक पहले हम शुरुआत करके चलेंगे अपने कस्टम लॉ के साथ में और उसके बाद जीएसटी की चर्चा करी जाएगी ठीक है जी तो कस्टम लॉ की आपकी ये बुक यहां पर आ रही है निकलकर और उसके बाद में ये इसका कंटेंट हो गया यहां ये थोड़ा सा मेरे बारे में हो गया कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम है ये एंड उसके बाद फिर यहां से चैप्टर वन की बात आती है इंट्रोडक्शन की लेकिन इसी चैप्टर के अंदर कुछ छोटी मोटी जानकारी आपको और देनी है जैसे कि सबसे पहली बात निकल के आती है सर जी हमें यह तो बता दो कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज हमें यहां देखने के लिए मिलेगी तो आपके सिलेबस के अंदर कस्टम लॉ आता है ट्वेंटी मार्क्स का कस्टम लॉ यह लॉ तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होता है वो इंपोर्ट करता है या इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो आपके कस्टम लॉ के अंदर बनाए गए हैं सी इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया इसे हम सी ए फाइनल वाले बच्चों से इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे और इसकी जो वेटेज रहेगी वो ट्वेंटी मार्क्स की वेटेज रहेगी ऐसे करके ठीक है जी एक आता है मालिक आपका यहां पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करी जाती है विदेशी व्यापार के दौरान इंटरनेशनल ट्रेड की जंग को जीतने के लिए जंग जीतने का मतलब क्या है अगर कोई भी लड़ाई जीतनी होती है तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से रणनीतियां तैयार की जाती हैं और कुछ नियम कानूनों और रणनीतियों के तहत ही हम एक जंग को जीत पाते हैं इट ओके यस सर यस सर तो ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कौन सी जंग होती है और उसे जीता कैसे जाता है इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हर कंट्री ये चाहता है कि उसके यहां से एक्सपोर्ट बूस्ट हो एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट जो है वो घटे क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी निश्चित तौर पर और हम ग्रो करेंगे और दूसरी अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो वहां से फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारा खाली होता रहता है इसलिए सरकार सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं देती बल्कि इंपोर्ट को घटाने पर भी ध्यान देती है एक्सपोर्ट को बढ़ाते रहो फॉरेन करेंसी के रिजर्व को भरते रहो भरते रहो लेकिन अगर इस बोतल के अंदर छेद हैं तो आप कितना भी पानी भरते रहो इसमें से पानी निकलता रहेगा और अल्टीमेटली बोतल के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है सर जी तो इसलिए एक्सपोर्ट को तो बढ़ाना है ही है साथ में इंपोर्ट को घटाना भी हमारा उद्देश्य होता है इसी के लिए तैयार किए जाते हैं कुछ रणनीतिकारों ने कुछ रणनीतियाँ अपनी बनाई हैं जिसे हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी या विदेश व्यापार नीति के नाम से जैसे चाणक्य नीति ऐसे ही विदेश व्यापार नीति है उसके तहत कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं जिनको फॉलो हमें करना होता है और उसके तहत इंटरनेशनल लेवल की जंग को हम जीत जाते हैं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे बड़ा ही शानदार सा चैप्टर है आपका इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसकी वेटेज मात्र नंबर के क्योंकि ये अपने आप में सिर्फ एक ही चैप्टर है है ठीक उसके बाद बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की मालिक सब जानते हैं कि गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला ये एक टैक्स है और इंट्रोडक्शन क्लास तो आपने आज तक पिछले तीन सालों में इतनी बार देख ली होगी इतनी बार देख ली होगी इंट्रोडक्शन तो जीएसटी का आप खुद भी खड़े होकर दे सकते हो मैं ठीक बोल रहा हूं ना हाँ बोलो हाँ हाँ सर जी हाँ बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं तो ऐसे करके यहां पर बात की जाएगी और जो जीएसटी आपका वो आएगा आपका सेवनटी फाइव मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा ठीक है सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देख लेंगे इसको भी हम बहुत बढ़िया जी जहां तक सवाल है नंबर ऑफ लेक्चर्स का तो जो लेक्चर की ड्यूरेशन रहेगी एवरी लेक्चर की वो मान के चलो तीन घंटा पंद्रह मिनट से साढ़े तीन घंटा सवा तीन साढ़े तीन घंटे के आसपास की ड्यूरेशन रहेगी ऐसे करके और इसमें जो लेक्चर्स होंगे आपके वो कस्टम लॉ के अंदर स्टैंडर्ड नंबर ऑफ लेक्चर फिफ्टीन है फॉरन ट्रेड पॉलिसी में दो है और जीएसटी के अंदर आपके फोर्टी थ्री लेक्चर्स लगने तय हैं तो इस प्रकार से यहां पर आपके साठ लेक्चर का मैं कार्यक्रम बनाकर चल रहा हूं साठ लेक्चर के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ठीक है जी हां सर जी बिल्कुल ठीक है तो अकॉर्डिंगली अगर एक लेक्चर सवा तीन साढ़े तीन घंटे के आसपास का रहता है तो इस हिसाब से साठ लेक्चर के अंदर आपका जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो लगभग दो सौ से दो सौ दस घंटे के आसपास का ड्यूरेशन बन जाता है और इसकी सबसे अहम बात जरा दिमाग में सटीकता से सा। भाई साहब इधर आप इसे बात कर रहा हूं उधर सटीकता से दिमाग में बैठेगा क्योंकि सिर्फ लॉ पढ़ लिया भाई साहब समझ में भी आ गया कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया लेकिन प्रैक्टिस करके ना देखी सी इंस्टीट्यूट उसमें से आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया है वो सब ना देखा आपने तो मान के चलना भाई साहब तैयारी आपकी आधी है फिफ्टी परसेंट तैयारी है भले ही आपने कॉन्सेप्टेटरी चाहे शिखर लेवल की क्यों ना आपने अचीव कर लियो प्रैक्टिस ना करके देखी तो बेकार है कार चलाने की बात करते हो कार कैसे चलाई जाती है किताबें तो ढेर सारी पढ़ ली लेकिन एक्चुअल में चला के ना देखी कभी भाई साहब ठोक ही दोगे मैं बता रहा हूं चल नहीं पाएगी कार भले ही आपने कितनी शानदार किताबें क्यों ना पढ़ रखी हो कि चार की कार को कैसे चलाया जाए जब तक एक्चुअल में प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे बात नहीं बनेगी ठीक है ना तलवार चलाने के लिए ढेर सारी किताबें हैं सिखाने के लिए कि भाई तलवार कैसे चलाई जाती है लेकिन जब तक एक्चुअल में तलवार को पकड़कर चलाकर नहीं देखोगे ना तब तक दिक्कत है बाबू जी नहीं चला सकते दुश्मन के सामने ऐसी किताबें पढ़ के पहुंच जाओगे तो एक ही झटके में खत्म कर देगा वो तो इसलिए युद्ध के मैदान में जा रहे हो वो बैटलफील्ड आईसीएआई अपना जाल बिछा कर रखता है ऑल ओवर इंडिया अलग, अलग अलग जगहों पर सेंटर बना रखे कि आजा मेरे राजा देखें जरा किसमें कितना है दम मेरे एग्जामिनर में दम ज्यादा है या तुझ में दम ज्यादा है तो जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे वो दाव खेलेगा उनका क्या काट है वो आपको पहले से पता होना चाहिए कैसे कैसे वो आपकी बॉल डालने वाला है उनको कैसे कैसे प्ले करना इसलिए क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन बेहद जरूरी है एक और महत्वपूर्ण बात चैप्टर तो मैंने आज खत्म कर दिया क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूं आपसे एक महीने बाद क्या मजा आएगा क्या समझ आएगी द आंसर इज नो दो दुख नुकसान होंगे इसके आज चैप्टर पढ़ लिया खत्म कर दिया चैप्टर क्वेश्चन आंसर ना किए तो एक तो चैप्टर पे पूरा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता दूसरा जब एक महीने बाद उस चैप्टर का बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखोगे ना तो फिर चैप्टर याद ना आ रहा होगा तो वह क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए माय डियर इधर चैप्टर खत्म और अगले चैप्टर पे तब बढ़ेंगे तब जाएंगे जब पहले वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेंगे तो मैं मजे की बात आपको यह बता रहा हूं कि ये जो मेरे लेक्चर यहां पर आ रहे हैं ना ये इन इस के अंदर, इस के अंदर मेरे क्वेश्चन आंसर जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर लगभग 800 पेज की किताब है वो सारा का सारा इसी ड्यूरेशन के अंदर कवर है ईच एंड एवरी चैप्टर के बाद हमारे क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया जाएगा थरोली आज तक जितने भी एम टी पी आर टीपी फास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सीए के अंदर सी एम ए के अंदर सी एस के अंदर जितना भी मसाला आया है इस जीएसटी की दुनिया में और कस्टम्स के अंदर वो सबके लिए मेरे पास एक भारी भरकम क्वेश्चन बैंक है वो सारा क्वेश्चन बैंक यहां पर हम करके चलेंगे यस सर okay? yes. अगला पॉइंट आता है आपका यहां पर अपडेशन को लेकर है सर जी ये तो बता दो हमें कि अपडेशन कैसे कैसे रहेगी और कहां तक हमें इसके लिए अपडेट होकर चलना होगा सीए इंटर की बात बता दीजिए कब डालेंगे बता दूंगा सीए इंटरमीडिएट की जो क्लास थी रिविजन लगा रखी है अभी तो आज लेट नाइट वो शायद आ जाएगी ठीक है अपडेशन की बात करते हैं कि ये जो आ, हमारा मई में एग्जाम है तो उसके लिए हमें कहां तक की और कैसे अपडेशन की बात करी जाती है सी इंस्टीट्यूट कहता है कि बच्चा जब भी तेरा एग्जाम है ना तो उससे छह महीने पहले आ जा छह महीने पहले तक जितने भी चेंजेस आए हैं चाहे वो सर से नोटिफिकेशन से, सेक्शन के अंदर का चेंज है जितने भी चेंजेस हैं वो सब थारे ऊपर एप्लीकेबल करवा दिए जाएंगे अब ही सोचकर बताओ तो अड्डा एग्जाम भाई साहब मई 2021 में है तो छह महीने पहले की कट ऑफ डेट क्या पड़ेगी सर जी ये पड़ेगी 31 अक्टूबर 2020। 31 अक्टूबर 2020 तक आपको अपडेट होना है सर जी हाँ आ, लेकिन सर जी आज तो पांच अक्टूबर है कोई बात नहीं पच्चीस छब्बीस दिन बकाया है ना अभी कोई बात नहीं कस्टम के अंदर दो ही चेंज आए हैं मैं मान के चलू छह महीने मतलब पांच महीने तो बीत गए छठा महीना चल रहा है पिछले अगर हम बात करके चले सिर्फ दो ही चेंज आए हैं और मुझे 99.99% .99 भरोसा है कि इन 25 दिनों में भी कस्टम के अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा यह सब कोरोना की माया है ठीक है जी वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी कम अमेंडमेंट्स रह गई हो आपके इस इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस के अंदर ठीक है लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई चेंज आ भी गया तो हम तो आपकी क्लास बिल्कुल लाइव पढ़ा रहे हैं फ्रेश आपको दे रहे हैं तो साहब हम उसको इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे यानी इस बैच के अंदर मैं आपको बिल्कुल इस डेट तक तैयार करके दूंगा 31 अक्टूबर 2020 तक मैं आपको पूर्ण रूप से तैयार करके चलूंगा ठीक है जी अब किसी बच्चे का एग्जाम सर जी मेरा एग्जाम तो उसमें है नवंबर 2021 हजार इक्कीस में मैं लू क्या लेना ले, करना खत्म कर अरे अमेंडमेंट क्लास एक हो सकती है दो हो सकती है जिनका एग्जाम नवंबर दो में है एक दो अमेंडमेंट क्लास के लिए छह महीने तक वेट करना भाई यह समझदारी का सौदा बिल्कुल भी नहीं है सो हाईली रिकमेंडेड फॉर द स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम नवंबर 2021 में है ये बैच जरूर जरूर लीजिएगा जिनका एग्जाम नवंबर 2021 में है तो सर हमारे लिए तो अमेंडमेंट आएंगे नवंबर 2021 वालों के लिए हां उनके लिए कट ऑफ डेट पड़ेगी 30 अप्रैल 2021 करके उनकी कट ऑफ डेट आएगी छह महीने पहले ऑब्वियस सी बात है तो सर जी इस बैच के अंदर अपडेशन होगी हमारी इकतीस अक्टूबर दो तक की और तो फिर ये जो छह महीने का जो गैप आएगा ये वाला इसके लिए अमेंडमेंट या इसके लिए अमेंडमेंट मिल जाएंगी और YouTube पर वो अवेलेबल करवा दी जाएंगे अब एक क्लास भी हो सकती है दो भी हो सकती है हार्ड टू हार्ड तीन हो सकती है जहां तक मेरी समझ में आती है बात तो एक दो क्लास के लिए यार छह महीने का वेट करना ये समझदारी वाला सौदा बिल्कुल भी नहीं है देखिए अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने हैं रैंक आप प्लान कर रहे हैं तो मान के चलो कि आपकी तैयारी एग्जाम से जितना जल्दी पहले हो जाए उतना अच्छा हालांकि बोला तो यह जाता है कि छह महीने पहले तक आपकी कोचिंग वोचिंग सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए लेकिन लॉकडाउन का पूरा मजा लिया आपने खूब लूडो खेला पबजी खेला आपने तो क्या कर सकते हैं बताओ अब लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी कोचिंग वोचिंग सब खत्म कीजिएगा जिससे कि आपके पास खुद पढ़ाई करने का समय ज्यादा से ज्यादा बचा रहे राइट सर यस सर तो ये बात हो गई यहां पर आकर उसके बाद बात करते हैं किताबों की श्रृंखला को लेकर कि हमारी कौन कौन सी किताबें इस बैच के अंदर रखवाई जाएंगी और आपको दी जाएंगी एक किताब आती है कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की मालिक ये रही कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो किताब है आपकी और ये आ जाएगी यहां पर आकर एक किताब में तो एक किताब तो ये होगी उसके बाद जीएसटी के आते हैं आपके तीन वॉल्यूम किताबें भी प्रिंटिंग में है तो उनके कवर पेज चेंज हो जाएंगे जीएसटी के आपके एक ईयर ही मैं आपको मोटाई दिखा रहा हूं आप मोटाई देखना चाहते हैं ना बुक कितनी मोटी किताब है तो मोटाई देख सकते हैं इनकी तो ये तीन मॉड्यूल आपके जीएसटी के आएंगे और तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये सिचुएशन बन जाती है ठीक है जी एक कस्टम तीन मॉड्यूल आगे जीएसटी के आपके यहां पर और प्रैक्टिस करने के लिए एक आएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर ये रहा जी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर लगभग 800 पेज की ये किताब है मालिक लगभग 800 पेज की और इस बुक के अंदर सब कुछ है यार मतलब जान लगा रखी है आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस अभी रिसेंटली सीआईसीआई ने कुछ एक और एडिशनल क्वेश्चंस डाले थे वो क्वेश्चंस सब कुछ इसके अंदर मिलेगा यानी कि चार छह दिन पहले जो आपकी ये अभी लेटेस्ट आर टीपी आई है ये भी इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको शामिल मिलेगी कवर पेज चेंज हो जाएगा नवंबर वा दो हजार बीस वाला दिखा रहा हूं आपके लिए जो आएगा उसका कवर पेज चेंज हो जाएगा ठीक है तो इसमें सीएमए सी एटसेट्रा सबके क्वेश्चन आंसर इसके अंदर छिपे हुए हैं ठीक है सर जी और इसी बुक को हम क्लास के अंदर डिस्कस करके चलेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे हम क्लास में ही अपना करके चलेंगे ठीक सर जी उसके बाद आएगी आपकी एक बुक एम सी क्यू की आपकी बुक हो गई है और इसमें ढेरों तरह के एमसी क्यू यहां दिए हुए हैं मालिक खूब सारी प्रैक्टिस करने के लिए तो ये तो हो गई आपकी किताबें यहां पर आकर तो एक और तीन चार और पांच छह तो किताबें हो गई उसके बाद चार आएंगे आपके वड्डे वे चार्ट जो इस समय मेरे हाथ में है एक चार्ट ये रहा एक दो तीन और ये आपका चार अगर मैं एक सैंपल के तौर पे दिखाऊं तो ये बड़े बड़े चार्ट हैं मालिक जिसमें जीएसटी का आपका पूरी समरी यहां पर दी हुई है तो कुछ इस प्रकार के चार्ट ये यहां आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है जी हां सर जी एकदम ठीक है तो इसमें आपके ये फोर चार्ट एक थोड़ा छोटा है बाबा की बूटी के नाम से जानते हैं और तीन का साइज यही वाला है ठीक है जी तो ये होगी हमारी किताबों की बात है तीन पॉइंट मैंने आपके साथ में डिस्कस यहां पर कर लिए सिलेबस का क्या सीन है नंबर ऑफ लेक्चर्स क्या होंगे और सर जी ये तो बता दो कंप्लीशन कब तक जाएगा हमारा तो इसका जो कंप्लीशन मान के चलो आप तो बीच में देखो संडे वनडे की छुट्टी वुट्टी भी हो सकती है मैं मना नहीं करता और तो आप मान के चलो कि ये आपका मिड दिसंबर मिड दिसंबर तक आपका ये जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा राइट right, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे बढ़ते हैं मालिक तो अपडेशन की बात होगी किताबों की बात होगी अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से भाई साहब इधर 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 हाउ टू प्रोसीड हमें बढ़ना कैसे है और पढ़ना कैसे हमारा तरीका क्या रहेगा एंटायर जर्नी के दौरान आज हमारा परिचय अच्छे से हो जाना चाहिए ठीक है ना जी हाँ सर जी एकदम ठीक है परचे बहुत जरूरी है मालिक हां जी परचय बहुत जरूरी है सीए इंटर की रिवीजन वीडियो कब अपलोड करोगे भाई साहब ये आपकी अपलोड हो जाएगी आज रात तक ठीक है जो लगा रखी है मैंने चार घंटे की वीडियो है हाउ टू प्रोसीड्स तो इसमें सबसे पहले मैं देकर चलूंगा आपको साहब हेलीकॉप्टर व्यू हम शुरुआत करेंगे अपनी कस्टम से ठीक है कस्टम कस्टम के बाद एफटीपी एफटी के बाद आएगा फिर आपका जीएसटी मैं हर बार ऐसा ही करके चलता हूं क्योंकि एक इंटरलिंकेज आती है जीएसटी नया लॉ है कस्टम लॉ पहले से ही वेल सेटल्ड लॉ है तो इसमें जो इंटरलिंकेज आते हैं, तो जीएसटी पढ़ते समय हमें अगर पहले से कस्टम्स के प्रोविजन पता होते हैं तो मजा कुछ और होता है इसलिए कस्टम पहले निपटा दिया जाता है ताकि लिंकेज करते समय हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो ठीक है सर जी तो यहां पर हेलीकॉप्टर व्यू हम लेकर चलेंगे अपने कस्टम लॉ का अब हेलीकॉप्टर व्यू क्या है पहली दो से ढाई क्लास तक मैं आपको इस संपूर्ण किताब का जो मेरी कस्टम लॉ की बुक है ना भाई इसका ना मैं पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा आपको कि इस पूरी किताब में क्या क्या है कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। पूरी माइंड मैपिंग पूरी कोडिंग एंटायर कस्टम लॉ की मैं आपको यहां पर दे दूंगा जब आपका पूरा माइंड सेट हो जाएगा कि कौन कौन होता है कस्टोडियन कौन होता है क्या काम करता है कस्टम अधिकारी कौन है इंपोर्टर कौन कौन सेक्षन, कौन एक्सपोर्टर कितने सेक्शन सेक्शन से वेयर हाउसिंग प्रोविजन क्या गुड्स एंड क्या ट्रांसशिपमेंट का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू जब मिल जाएगा माइंड सेट हो जाएगा डायरेक्शन आपको मिल जाएगी फिर चैप्टर वाइज हम बातों को उठा के चलेंगे चैप्टर द चैप्टर एनालिसिस उसका हम करके चलेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर एंड देन माय डियर फिर बातों को आगे बढ़ाया जाएगा फिर आ गया जी अपना यहां पर डिटेल्ड एनालिसिस और उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर हम प्रैक्टिकल अप्रोच भी लगा के चलेंगे अब जब जीएसटी की बात की जाएगी तो बनी बात जरा ध्यान से सुनिएगा कान इधर लाइए और बात ध्यान से सुनिएगा मैंने अभी जो पीछे बैच खत्म किया है जुलाई में उस बैच में पहली बार पोर्टल का जीएसटी पोर्टल का भर भर के इस्तेमाल किया है आपकी थ्योरी के साथ लिंक किया है और मेरा और आपका बच्चों का जिन्होंने क्लासेस ली उनका एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा कि मैं आपको क्या बताऊं जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां से रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ा दिया कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इनको करवाना है इस टाइम पे करवाना है ऐसे करवाना है सारी कहानी पढ़ा दी क्वेश्चन आंसर हो गए लेकिन मैंने नोटिस किया कि बच्चा भूल जाता है बीस दिन बाद उन प्रोविजंस को भूल जाता है क्या करें कि चीजें लंबे समय तक याद रहें तो मैंने किसी एक बड़े ऑथर की किताब में पढ़ा था कि चीजों को जब हम प्रैक्टिकली विजुलाइज कर लेते हैं और इवन हमने खुद भी एक्सपीरियंस ये कर रखा है कि जिस काम को अपने हाथ से एक बार हम निकाल देते हैं कर लेते हैं वो चीज हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती वो बाय डिफॉल्ट हमारी मेमोरी के अंदर आ जाती है तो यहीं से मैंने शुरुआत की अपने इस नए इनिशिएटिव की जीएसटी जो पोर्टल है उसको यूज करने की रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा दिया पढ़ाने के बाद अब आजा बेटा पोर्टल पर एक घंटा लगाया जीएसटी पोर्टल के ऊपर जितनी भी थ्योरी थी एक एक चीज पोर्टल से लिंक कराई एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन करके दिखाया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कुछ अमेंडमेंट करने होते हैं वो करके दिखाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करके दिखाया कैंसिल होने पर क्या प्रभाव पड़ता वो सार करके दिखाया में जो आपके प्रिंसिपल काम करते हैं वो सारा काम यहां करके दिखाया या जो आप आर्टिकल जाके अच्छे अच्छे लेवल का वहां काम करते हो ऑफिस में जाके सारे काम करके दिखाए अब इसका फर्क क्या पड़ा फर्क यह पड़ा बच्चा कहता है कि वास्तविकता में तो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर अब समझ में आया है जीएसटी पोर्टल से सारी चीजों को प्रैक्टिकली देखने के बाद थ्योरी से मैच करने के बाद खेरा असल हकीकत तो अब समझ में आई है खेरा अब मुझे जो फीडबैक है वो मैं बता रहा हूं आपको बच्चे का अब मुझे थ्योरी को दोबारा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं और जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं कट 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 कट, कट, कट लॉ को पढ़ते चले जाओ बड़ी इजीली हम उसको पढ़ पाते हैं और पूरा कॉन्फिडेंस चैप्टर के को पढ़ाता लंबे समय तक वो तैयार रहता है और दूसरा बच्चा ये भी कहता है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारी लिखावट में प्रैक्टिकल अप्रोच ऑटोमेटिकली आ जाती है क्योंकि वो चीज हमने एक्चुअल में देख रखी है कि ऐसा क्या और कहां पर और किस तरह से किया जाता है ऐसा सिर्फ एक चैप्टर में ही नहीं होगा यह बात हम हर चैप्टर में लगभग हर चैप्टर के अंदर अप्लाई करेंगे चाहे वो चैप्टर ई वे बिल का है मैं आपको सिखाऊंगा अपील फाइल कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा जीएसटी पोर्टल पर कि रिफंड कैसे फाइल करते हैं यहां से थ्योरी पढ़ाऊंगा क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और जीएसटी पोर्टल पर भी आपको लेकर चलूंगा कि देखो बेटा ऐसे करके रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी है ऐसे करके इस फॉर्म में अधिकारी एक्नोलेजमेंट देगा फिर यह काम होगा ऐसे ऐसे अपील करना सिखाऊंगा डिमांड की बात करी जाएंगे डिमांड का नोटिस दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है एडवांस रूलिंग के लिए कैसे अप्लाई करते हैं पूरी प्रोसीजर प्रैक्टिकली जो पोर्टल पे सारा काम हो रहा है okay? yes, तो सबसे बड़ा जो फीचर होगा प्लस पॉइंट होगा वो ये होगा ठीक है सर जी और यह हमने पिछले बैच के अंदर भर भर के अपना इस्तेमाल किया हुआ है दैट्स ग्रेट उसके बाद बात आती है लिंकेज की सबसे अहम पॉइंट आपका निकल के आता है लिंकेज का कस्टम्स के अंदर तो इतनी ज्यादा लिंकेज नहीं हो पाती लेकिन हां जीएसटी के अंदर पूर्ण रूप से लिंकेज की जाती है संपूर्ण जीएसटी को मैंने नौ हिस्सों में बांट रखा है और हम जब भी कोई भी बात कर रहे होते हैं तो सारी चीजें लिंक्ड वे में आ रही होती हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप चौदहवा चैप्टर पढ़ रहे हैं मान लीजिए वहां पर जिक्र चल रहा है लाइक कंस्ट्रक्शन सर्विस का जिक्र आ रहा है तो मैं सिर्फ आपको चौदहवा चैप्टर ही नहीं पढ़ा रहा हूंगा बल्कि मैं तो पूरा एनालिसिस शुरू से करके ला रहा हूंगा कि पहली क्लास से लेकर अब तक कंस्ट्रक्शन सर्विस के बारे में हमने क्या जाना यह सर्विस है कि नहीं है गुड्स है सर्विस है सप्लाई है स्टेट है इंटर स्टेट है टेक्सल पर्सन है पूरी एक स्टैंडर्ड चेन है हमारी उस पूरी चेन के अंदर हम इसको उठाकर रख देंगे और एक पूरी की पूरी एक शीट एक एनालिसिस हमारा तैयार हो जाता है और हमें इतनी आदत पड़ जाएगी इतनी आदत पड़ जाएगी इस चीज को लिंक करने की बातों को कि हम हर छोटी बड़ी चीज को लिंक कर पाएंगे और जब चीजें लिंक हो जाती हैं तो ब्लिंक नहीं हो पाती चीजों को खुला खुला, खुला छोड़ दोगे दिमाग में फैली पड़ी रहेंगी भाई साहब तो चीजें जल्दी से छिटक जाती हैं दिमाग से लेकिन अगर बातों को लिंक करके रखोगे आप उनको जोड़ के रखोगे तो चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग के अंदर स्टोर रहती हैं और पूरा कॉन्फिडेंस आपको देती हैं और वैसे भी पोस्ट सी ए लाइफ जब तुम्हारे सामने कोई क्लाइंट आएगा तो ये ना पूछेगा कि हा बताना असअप्लाई के चैप्टर में क्या लिखा ये ना पूछेगा आपसे वो पूछेगा भाई साहब मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बिजनेस है मेरे लिए बताओ मैं जीएसटी अपना कैसे सेव करूं तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि एंटायर जीएसटी के अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को लेकर क्या क्या प्रोविजन है सारे प्रोविजन को अपने सामने रखने के बाद तभी तो उसमें कुछ आप प्लस माइनस कुछ आर एनडी कर सकते हो ना कि मैं किस तरह से इस बंदे की टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकता हूं तो आपकी तो कमांड होनी चाहिए ना सारी चीजें इकट्ठी स्कैन कर लोगे आप चीजों को इस वे में मैं आपको करा के चलूंगा और मेरा अटूट मानना है कि आप नौकरी नहीं करनी चाहिए आपको अपना काम धंधा करो यार पैसे कम कमाओ या ज्यादा कमाओ इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन अपने काम में खुला आसमान होता है अपने तरीके से काम करते हो खुद के बॉस बनो नौकरी मत तलाशो कुछ ऐसी बड़ी सोच रखे चलो कि चार छह लोगों को नौकरी देने की कैपेबिलिटी आपके अंदर हो आगे बात समझ में इससे थोड़ा सा विजन बड़ा रख के चलो ना कि नौकरी वाली बात करके चलो कभी अच्छा खासा मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको बहुत लोगों की सोच होती नहीं नहीं हमारे यहां तो कभी किसी ने बिजनेस किया ही नहीं हमारी तो बैकग्राउंड ही ऐसी हम तो नौकरी कर सकते हैं ऐसे वैसे बहुत सारे आपके बाधाएं होती हैं बीच में कुछ दिमागी और कुछ अदरवाइज मैं बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस की तरफ कैसे मुख को आगे बढ़ा सकते हैं कैसे उसका रुख कर सकते हैं इस नौकरी के जंजाल से निकलिए नौकरी देना सीखो मांगना नहीं ठीक है जी तो इसलिए हम इस प्रकार की बात करके चलते हैं और उसके बाद इतना लिंकेज होने के बाद मैं आपको चीजों को मेमोराइज भी करना सिखाऊंगा वहां पर ठीक है and उसके बाद मैं आपको बता दूं जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ओके सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो मालिक इतना होने के बाद अब सुनो और सुनो सुनो यह तो हो गया काम यहां पर लेकिन हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी ही नहीं होगी हमें इसके आगे भी जाना है आगे कहां जब सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा ना मालिक उसके बाद मैं आपको वो वो बोलते हैं ना आफ्टर सेल सपोर्ट्स, वो मैं आपको यहां पर देकर चलूंगा आपके जो भी रिविजन वीडियोज हैं वो मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड करा के चलूंगा लगभग हमारे सेवन रिवीजन वीडियोस होते हैं पांच होते हैं जीएसटी के और दो होते हैं कस्टम्स और एफटीपी के सेवन रिवीजन वीडियोस आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप अपने जब चाहो चीजों को फटाफट से रिवाइज कर सको और एग्जाम में आप उस रिवीजन वीडियो के आधार पर फटाफट से रिवीजन करके जा सको जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिया करूंगा प्रैक्टिकल लाइफ के स्टडी मेरी वेबसाइट सी पर जाकर आप देखिएगा कस्टम्स की प्रैक्टिकल केस स्टडीज पड़ी हुई हैं। पांच पांच छह छह पेज की प्रैक्टिकल लाइफ के स्टडीज और पंद्रह पेजेस में उसका आंसर लिखा हुआ नहीं पंद्रह नहीं, ग्यारह ग्यार पेज में आंसर है और चार पेज में क्वेश्चन है उसका पंद्रह पेज की एक केस स्टडी है उससे क्या होता है केस स्टडी के अंदर सात आठ चैप्टर घुस जाते हैं एक केस स्टडी में सात आठ चैप्टर घुस जाते हैं साहब जिससे कि अगर आपने एक केस स्टडी सॉल्व कर दी ना तो एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और सात आठ चैप्टर का इकट्ठा रिविजन आपका वहां पर हो जाता है ठीक है जी और क्या सर जी और आपके जो आर आएंगे उसके वीडियोस भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे यानी कि ऐसा नहीं कि बस आपने ये क्लासेस बाय कर लिया उसके बाद में फिर खत्म मामला ऐसा नहीं है ये सारे के सारे सपोर्ट मैं आपको यहां पर देकर चलूंगा और इतना सब होने के बाद फिर क्या होगा फिर कमल खिलेगा फिर कमल खिलेगा और जब कमल खिलेगा तो वो ऑल इंडिया हाइएस्ट ग्रुप में दिखाई देगा और वो भी ग्यारहवीं बारहवीं बार, भी बार। दस बार ऑल इंडिया हाईएस्ट आप ही की क्लास में से मालिक आ चुका है ग्यारहवीं बार ऑल इंडिया हाईएस्ट लाना है प्रभु की ऐसी कृपा है राधे रानी की ऐसी कृपा है कि मेरी बुक पर मेरी बुक पर ऑल इंडिया हाइएस्ट बच्चे का फोटो हर बार चेंज होता है मैं यही चाहता हूं कि इस पर हर बार फोटो चेंज होता रहे ये बुक का कवर पेज सूना ना रहे ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये दसवीं बार ऑल इंडिया हाईएस्ट बच्चे का है पिछली बार वाले का जो पिछला रिजल्ट आया था आपका और अभी तो खैर जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनमें से ग्यारहवीं बार का है और आप में से बारहवीं बार का मुझे निकालना है ऑल इंडिया हाईएस्ट ओके सर जी हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे मैं अपनी तरफ से जान लगा दूंगा माय डियर मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा लेकिन मैं उतनी ही मेहनत आपसे भी चाहूंगा ताकि ऑल इंडिया हाइएस्ट मार्क्स हमारे आ सके राइट right, सर दूसरा इस पूरी आ, हमारे डिस्कशन के दौरान सिलेबस को कंप्लीट करने के दौरान आपको कोई अलग से रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है रखो तो छोटी मोटी कॉपी टाइप रख सकते हो कभी कभार कभी मौज आ गई कुछ आर एन डी करने बैठ गए भावों में बह गए तो उस रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे अदरवाइज हमारी जितनी भी नोटिंग होगी अगर बाई मैनुअली uh, कुछ नोटिंग करनी पड़ती है तो मैंने बुक में उतना स्पेस दे रखा है इसमें भी और इस बार जीएसटी की बुक के अंदर भी मैं स्पेस देकर चलूंगा कि आप वहीं पर सारी नोटिंग अपनी कर पाएंगे अलग से कोई रजिस्टर मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर वाकई में रजिस्टर में कुछ नोट हुआ भी तो मान के चलना वो चीज ऐसी होगी जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होगी अगर रजिस्टर में कुछ नोट भी हुआ तो राइट हाँ बोलो हाँ हाँ सर जी हा अच्छा जी संजीत रवि का थैंक यू जी थैंक यू नायक जी और अभिषेक हैं और 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 यहाँ पर दीपक हैं और साहब आपके ये रावत ट्यूटोरियल अच्छा जी तो मालिक आगे बात को बढ़ाते हैं यहां पर आकर तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया फटाफट बता दूं सिलेबस के बारे में बताया नंबर ऑफ लेक्चर के बारे में बताया अपडेशन के बारे में बताया किताबों के बारे में बताया प्रोसीड्स कैसे करना है हेलीकॉप्टर व्यू होगा दो ढाई लेक्चर कस्टम में लगाएंगे और चार से पांच लेक्चर ऐसे ही जीएसटी में लगाऊंगा आपके हेलीकॉप्टर व्यू को लेकर पूरा जीएसटी चार पांच लेक्चर में समझाने के बाद फिर वन बाय वन करके चलेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच होगी जीएसटी पोर्टल का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा चीजों को लिंक किया जाएगा मेमोराइज करने की ट्रिक मैं आपको दूंगा क्वेश्चन आंसर पूरा यहां पर डिस्कस किया जाएगा आरटीपी एमटीपी जितने भी आपके सारा का सारा वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा और हां मैं टेस्ट आपके लिए जाए उस पर भी मैं काम कर रहा हूं लेकिन ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है ठीक है जी टेस्ट के ऊपर भी आप किस प्रकार से टेस्ट लिए जा सकते हैं इजी वे में तो वैसे करके उस पर भी काम चल रहा है तो अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और यहां से अपनी हम सब्जेक्टिव बातें करना चाहते हैं और मैं अपने कस्टम का शुभारंभ यहां से करना चाहता हूं अगर आप आज्ञा दें तो तो यहां पर पहले कुछ मेरी बेसिक बेसिक सी बातें हैं टैक्स क्या है कैसे होता है और उसके बाद फिर अगले पेज से ये चार्ट शुरू हो जाएंगे ध्यान सुनना भाई साहब इधर 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 भटकना नहीं है इधर आ जाओ मेरे बच्चा इधर आ जाओ मेरे लाल काले पीले यहां आ जा यहां पर 10 चार्ट मिलेंगे आपको शुरुआत दौर में 10 चार्ट मिलेंगे उन 10 चार्ट के अंदर मैं पूरा का पूरा कस्टम आपके सामने एलबोरेट कर दूंगा यानी कि यहां से लेकर ये आएगा जी आपका ये शुरुआती दौर में आपको 10 चार्ट मिल रहे हैं और यह आपका हो जाएगा ये यहां यहां पर पहले चैप्टर के अंदर आपका पूरा इंट्रोडक्शन कम हेलीकॉप्टर व्यू कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर से हमारी असल में शुरुआत करी जाएगी चैप्टर दर चैप्टर आर यू रेडी यस सर यस आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट्स ग्रेट माई बॉय दैट्स ग्रेट एंड मैं बता रहा हूं अरे मैं मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं जब ऑफिस में जाओगे ना भाई साहब तुम अपना काम करने के लिए यहां क्लास करने के बाद में फिडेंस सातवें आसमान पर होगा बता मैं आपको डरना लगेगा बिल्कुल ऑफिस जाने में मन करेगा ऑफिस जाने का किसी भी चीज से हमें डर कब लगता है जब वो चीज हमें आती नहीं है और अगर हमें कोई चीज आ जाए तो फिर अपना हुनर अपना कला दिखाने के लिए हम तत्पर रहते हैं और दौड़ दौड़ के उस काम को करने का प्रयास करते हैं तो मैंने आपको अगर जीएसटी से या इनडायरेक्ट टैक्स से प्यार ना करवा दिया तो भाई साहब क्लास बेकार लास्ट क्लास में साठवें लेक्चर में आप सभी का ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी और कस्टम की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आनी चाहिए अगर पॉजिटिव आती है तो मेरा क्लास लेना सफल हो जाता है अदरवाइज बेकार खून में मिक्स होना है आपके इस इनडायरेक्ट टैक्सेस को ठीक है इतना लिंक प्रैक्टिकल जीएसटी पोर्टल हर तरीके से मैं आपकी मदद करके चलूंगा तो क्या आप तैयार हैं अब हां सर जी हम तैयार हैं तो चलो मालिक कर देते हैं इसकी शुरुआत जय जय श्री राधे अपने पास जल आप जरूर रख के चलें क्योंकि दो दो घूंट बीच में जल पी लेना बड़ा जरूरी होता है और आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूं अगर आप की हेल्थ ठीक है आप फिट हो तो दुनिया जहान आपका है पर अगर आप फिट नहीं हो तो भाई साहब सब बेकार है सब बेकार है कुछ भी नहीं है इस दुनिया के कभी कभी जब तबीयत खराब हो जाती है बेड पे पड़े रहते हैं क्या है कुछ काम करने को मन नहीं करता कुछ खाने को मन नहीं करता सब बेकार लगता सारी नेगेटिविटी भर जाती है लेकिन जब जब फिट रहते हैं तो हर चीज को कर गुजरने के मन में एक जोश और जुनून होता है इसलिए हर बात से पहले अपने आप को फिट रखना सीखो और फिट रखने का पहला गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं मालिक कि आप सूरज ढलने से पहले जो मर्जी खाइए कोई पाबंदी नहीं है जो आपको अच्छा लगता है वो खाइए लेकिन सूरज जब ढल जाए तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है कहने का मतलब ये कि आपका जो डिनर है वो सूरज ढलने से पहले हो जाना चाहिए मैं कोई भी बात तब बोलता हूं जब पहले उस नियम को मैं खुद फॉलो करके देख लू मेरा डिनर हो चुका है पांच बजकर पंद्रह मिनट पर मेरा डिनर हो चुका था कंप्लीट में कर चुका था और अब मैं सिर्फ पानी पीऊंगा बॉडी में एनर्जी रहती है और सुबह को जब उठोगे तो पेट एकदम ऐसा लगेगा भूख लग रही होगी आपको और बहुत ही शानदार तरीके से अगर जो एक्सेस वेट है आपका वो भी रिड्यूस होगा निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कुछ मत करो लेकिन ये काम करना शुरू कर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरा कहना मानेंगे क्योंकि सबसे पहले फिट रखना जरूरी है ऑल इंडिया हाइएस्ट बाद की बात है फिट रखना बहुत जरूरी है अपने आप को ठीक है चले आगे हाँ सर जी चलिएगा तो कथा प्रारंभ होते है और सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज टैक्स हालांकि एग्जामिनर मुझे लगता नहीं कि वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ टैक्स क्या है लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि छोटी छोटी बातें हैं मैं आपसे करके चलूं दो चार बातें कि टैक्स क्या है क्यों होता है कैसे होता है ठीक है ना कर लो ना हाँ जी कर लो तो भाई साहब ये बताइए टैक्स क्या होता है तो कहने वालों ने भला क्या कह दिया कह रहे कि भाई साहब अ ऑफ मनी कतई जहर कंपल्सरी एक्सटोशन ऑफ मनी का मतलब हो गया भाई साहब धन की जबरदस्ती वसूली है सर जी <laughs> ये कौन है सर जी है सर जी जो बच्चा से पूछता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम ऐसे ही बोलोगे मुझसे है सर जी यहां तक की अगर हम बात करें कंपलसरी एक्सटोशन ऑफ मनी का मतलब तो इसका मतलब ये हो गया कि धन की जबरन वसूली सर जी ये तो हफ्ता वसूली हो गई अरे तो मुंबई में जो भाई लोग करते यही काम तो करते हैं सर जी तो सरकार भी क्या भाई लोगों की गिनती में आएगी अरे नहीं भैया बात पूरी सुनो अधूरी बात बेकार होती है कंपल्सरी एक्सटोशन ऑफ मनी मेड एनी एक्ट आई मेड एनी एक्ट टू सपोर्ट द नेशन मेड अंडर एनी एक्ट एक्ट का मतलब वो लीगलाइज कर दिया गया हो ओए 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 ओए। हफ्ता वसूली लीगलाइज नहीं होता लेकिन हफ्ता वसूली को लीगलाइज कर दिया जाए तो वही आपका टैक्स का रूप ले लेता है However, ये तो नहीं पूछा जाएगा कि टैक्स क्या है लेकिन मैं जो भी बात कर रहा होऊंगा याद रखना और समझ के रखना उतना भरोसा रखना मैं ऐव ही कोई बात नहीं करूंगा आपका एक सेकंड में बर्बाद करने का प्रयास नहीं करूंगा एक बड़ी बात बता रहा हूं हर क्लास में रोज रोज नहीं बताऊंगा कराटे देखी है आपने हाँ देखिए तो एक बच्चा कराटे सीखने के लिए जाता है मास्टर के पास में वो मास्टर क्या करता है वो बच्चे सर गाड़ियां साफ करवाता है कभी एक हाथ से करवाता है कभी इससे करवाता है कभी दोनों से करवाता है बच्चों को लगता है मास्टर बेवकूफ बना रहा है ये आया हूँ कराटे सीखने के लिए गाड़ियां साफ करवा रिया है लेकिन बाद में से पता लगता है कि वो जो मास्टर है वो उसे गाड़ियां साफ नहीं करवा रहा बल्कि उसे एक चैंपियन बनाने के लिए उसकी मसल्स को तैयार कर रहा है ताकि वो कराटे सीखने के लिए उसकी मसल्स तैयार हो पाए और उसे पता भी नहीं चल रहा उसकी मास्टर की ट्रेनिंग चल रही है और बच्चे को पता भी नहीं चल रहा रहा है इसलिए मालिक कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मैं हंसी मजाक और मौज मस्ती के मूड में हूं और मैं टॉपिक से हट गया हूं लेकिन विश्वास रखना मैं टॉपिक से कभी नहीं हटूंगा और जो भी बात करूंगा रेलिवेंट बात करूंगा और वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़े कॉन्सेप्ट की बैकग्राउंड चल रही होगी जहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं टॉपिक से हट रहा हूं हमारा अंदाज थोड़ा सा मजाकिया टाइप में है तो आप और वैसे भी दो चार क्लास रह लो हमारे साथ में सब पता लग जाएगा कि चल क्या रहा है ठीक है ओके सर जी तो वर्ड इज टेक्स्ट में तो ये आ गया जी भाई टेक्स्ट क्या होता तो ये लाइन भी मैं बताऊं जीएसटी के अंदर एक वैल्यूएशन चैप्टर आएगा वहां पर इस लाइन की जरूरत पड़ेगी जैसे ग्रंथों में नहीं पढ़ते कि भाई त्रेता युग में भगवान ये वाले भगवान जी आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे तो इस लाइन की जरूरत जीएसटी के अंदर चैप्टर नंबर सिक्स कॉम्पिटिशन का आएगा वहां पर इस लाइन की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको आज वो पढ़ा के चल रहा हूं बेसिक बैकग्राउंड में ठीक है जी हाँ सर जी और चेहरे पर ना स्माइल रखा करो जब भी घर से निकलो मुस्कान पहन आज पहली क्लास है बाबू मन की भड़ास निकाल लू पूरी जब भी घर से निकलो मुस्कान पहनकर निकलो मुस्कान का मतलब स्माइल से है कहीं कुछ और ले जाओ जब भी घर से निकलो मुस्कान पहन कर निकलो क्योंकि तो मुस्कान साथ है स्माइल मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती है इसलिए जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है आपका खुश रहना अंदर से और जब आप अंदर से खुश रहते हो तो हंसना नहीं पड़ता मुस्कुराना पड़ता नहीं है ऑटोमेटिकली अंदर से ऐसी उमंग उठ रही होती है कि चेहरे पर अपने आप अंदरूनी एक स्माइल आ ही जाती है यह करने की जरूरत नहीं है ऐसे करने की जरूरत नहीं है यह ये ये तो बनावटी है अंदर से यहां से यहां से स्माइल उठ के आती है माय डियर अंदर से निकल रही होती है और चेहरे पर झलक रही होती है ये चेहरा मॉनिटर होता है हमारे अंदर जो घटित हो रहा है उसका मॉनिटर होता है तो अंदर से खुश रहना सीखो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है इसके भी तरीके बताऊंगा मैं कभी आपको जब समय मिलेगा अदरवाइज कि खुश कैसे रहा जाए अगर खुश रहना सीख गए तो जीवन की हर चीज को आप हासिल कर सकते हो खुश रहकर ठीक है जी अगली बात आती है भाई साहब इधर इधर ओ बच्चा इधर आ जा

तो मान लो डायरेक्ट टैक्स है लेकिन अगर लगा इसको और दर्द किसी और को ही हो रहा है तो मान के चलिएगा कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई टैक्स मिस्टर एक्स के ऊपर इंपोज हो रहा है लग रहा है उसके ऊपर लेवी हो रहा है लेकिन उसका जो टैक्स लोड है वो किसी और व्यक्ति के द्वारा बेयर किया जा रहा है तो इसे बोल देते हैं आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स लेकिन जिसके ऊपर लगा उसका बर्डन भी उसी ने सहा जिसको इंजेक्शन लगा दर्द भी उसी को हुआ तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है जैसे इनकम टैक्स हो गया और आईडीटी में आपका जीएसटी आ जाता है ठीक है यस सर ओके सर जी जैसे भाई साहब मान लीजिएगा आपने मुझे यहां पर फीस दी जैसे दस हजार रुपए की मेरी फीस थी यहां पर ठीक है अच्छा जी इसके ऊपर जो जीएसटी मेरा देना बनता है वो मैं आपसे लूंगा सरकार तो मुझसे लेती है क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूं धंधा कर रहा हूं तो सरकार तो मुझसे मांगेगी लेकिन मैं मेरी जेब से थोड़ा ना दूंगा मैं आपसे लूंगा भाई सरकार ने मांगा आप दीजिए मैंने आपसे जीएसटी वसूल कर लिया अट्ठारह सौ का ये हो गया ग्यारह आप में से कोई मुझे बता सकता है मेरी फीस कितनी है देखकर बताइए मेरी फीस कितनी है देखता हूं कौन बताएगा स्वागत शिवम जय बताओ ना मेरी फी... और तुम्हें मैं आराम से ऐसा ना बैठने दूंगा भाई फिर सोच रहे हो कि मैं मैं बोलता रहूंगा तीन साढ़े तीन घंटे भाई साहब आप ऐसी मौज करते रहोगे ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं चलेगा जी मेरी फीस कितनी है मेरी फीस दस हजार है या मेरी फीस ग्यारह हजार आठ सौ रुपया है भाई साहब सर जी मेरी जिसको मैं मेरा कह सकूं वो कितना है हाँ वही तो सर जी आपकी फीस यहां पर है दस हजार रुपये दस हजार मेरी मेरी फीस पर पर प्रैक्टिकल लाइफ में चूंकि वो माया में ग्रस्त हैं मैं मेरा इसको मान लेता हूं ग्यारह आठ सौ को और जब मेरा में से देना पड़ता अठारह सौ रुपये तो मुझे लगता है कि मैं जीएसटी भर रहा हूं ये गलत सोच है ये गलत सोच है भाई साहब मेरी फीस दस हजार आठ सौ रुपए है यहां पर इस, इस अठारह सौ रुपए पर मेरा कोई अधिकार नहीं है यह तो सरकार ने मुझसे मांगा था कि अपने बच्चों से लेकर मुझे देना सो हमने दे दिया ठीक है जी अब इसमें से इसमें से अठारह सरकार को चले जाएंगे पे टू गवर्नमेंट अठारह सो रुपये तो भाई साहब चले गए तो मेरे पास में नेट रह जाता है यहां पर आकर 10000 रह जाते हैं इसमें से मेरा कुछ खर्चा पानी भी निकल कर आएगा खर्चा पानी मेरा आ गया यहाँ पर ₹4000 का ₹6000 की मेरी यहाँ पर इनकम बन जाती है मान लीजिए जीएसटी का रेट इनकम टैक्स का रेट मेरा 30% का रेट बन रहा है तो 6000 30% ₹1800 अच्छा ये भी ₹1800 आ गया अब ये वाले जो ₹1800 हैं क्या इनको भी मैं आपसे मांग सकता हूं द आंसर इज नो ये तो हमारा टैक्स है ये तो मैंने मेरी जेब से ही भरना पड़ेगा मेरी फीस में से ही मुझे देना पड़ेगा तो ये आ गया भाई साहब हमारा डायरेक्ट टैक्स और ये आ गया भाई साहब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स छोटी सी बात थी मन में थी मैंने आपको शेयर कर दी है अगला पॉइंट आइए सी पॉइंट आपका निकल आ रहा है दूसरा आप ना आराम से बैठिएगा ये जो भी नोटिंग शूटिंग मेरे हाथ की चल रही है ये सब मैं आपके साथ में शेयर कर लूंगा ठीक है आपके साथ ही पूरा शेयर कर लूंगा आप आराम से बैठिएगा ठीक है जी ओके सर जी और हां सर जी किताब किताब जो होगी ना मालिक जो किताब है आपकी मैं बता हम्म हम्म किताब अभी प्रिंटिंग में है तो दो तीन दिन में मेरे पास में आ जाएगी किताब और देन मैं आपको आपकी किताब डिस्पैच करवा दूंगा ठीक है जी अच्छा सर जी उसके बाद भाई साहब आगे बढ़िएगा आगे क्या बोलते हैं आगे निकल के आता है यहां पर आपका सी पॉइंट कि साहब एक बात तो बताओ टैक्स में और सेस में फर्क क्या होता है बोर्ड की तरफ मत देखो मेरी तरफ देखो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो कुछ दिखाई देता है इधर देखो इधर दिख रहा है कुछ लाल डोरा दिखाई देता है टैक्स में और सेस में यहां क्या होता है सर देखिए पहली बात तो समझनी होगी कि भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं कोई बाके बिहारी कहता है कोई उसे माखन चोर कहता है है ना और कोई को, कोई मधुसूदन कहता है कोई रणछोर कहता है अलग अलग नाम उसके यहां पर दे रखे हैं लेकिन है वो अल्टीमेटली एक कृष्ण ही ऐसे ही जिसे हम टैक्स के रूप में जानते हैं उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं टैक्स को टैक्स के नाम से भी बुलाया जा सकता है टैक्स को सेस के नाम से भी बुलाया जा सकता है है ना टैक्स को ड्यूटी के नाम से भी बुलाया जा सकता है टैक्स को एक अदर नाम से भी बुलाया जा सकता है बस देखना यह है बस देखना यह है कि वो कंपलसरी एक्सटोशन ऑफ मनी अंडर एन एक्ट है या नहीं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात करता हूं चेक करके बताइएगा एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं जो रिकवर किए जा रहे हैं एज रा शीला नहीं, शीरा, शीरा का मतलब होता, molasses, जो शुगर कैन के जब प्रोसेस करते हैं तो निकलता है रिकवर्ड अंडर यूपी शीरा नियंत्रण अधिनियम 1962 बताइए क्या यह टैक्स की डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है या नहीं करता yes, ये सरकार को पेबल हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और एक एक्ट एक के तहत इसकी वसूली की जा रही है तो निश्चित तौर पर यह हमारी टैक्स की परिभाषा को फुलफिल करता है और यहां पर टैक्स बना दिया जाएगा। दूसरी बात आती है स्टील डेवलपमेंट चार्जेस है भाई साहब स्टील डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो रिकवर किए जा रहे हैं एज पर द डिसीजन ऑफ ज्वाइंट प्लांट कमेटी मतलब स्टील इंडस्ट्री जो है उसके जो कुछ एक बड़े बड़े जो प्लेयर थे उन्होंने सबने एक अपनी संस्था बनाई कि भाई स्टील इंडस्ट्री के उद्धार के लिए डेवलपमेंट के लिए हम कुछ चंदा इकट्ठा कर लेते हैं और जो पैसा इकट्ठा होगा अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए ही उसे खर्च कर देंगे यहाँ गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है कोई एक्ट नहीं है तो ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है मुझे बताइए क्या ये पैसे को मालिक हम लोग टैक्स का नाम दे सकते हैं द आंसर इज नो नहीं दे सकते अगला पॉइंट एनी सेबल अंडर सैस एक्ट। सैस को क्या टैक्स कहा जा सकता है रख किसी भी नाम से हो मैं तो यह कह रहा हूं भाई साहब एडमिन चार्जेस को भी टैक्स बोल दिया गया था सेस को भी टैक्स बोल सकते हैं ड्यूटी को भी टैक्स बोल सकते हैं कोई भी खर्चा इस लाइन को पूरा कर देगा उसे यहां पर टैक्स का नाम दे दिया जाएगा याद रखना इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे चलकर ठीक है सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ऐसे करके यहां पर बात आ गई लेकिन फिर भी माना कि टैक्स का ही हिस्सा है लेकिन फिर भी एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में अब वो क्या है जी वो डिफरेंस ये है कि जो पैसा टैक्स के नाम से वसूल किया जाता है ना भाई साहब तो उसका यूटिलाइजेशन कहां किया जाएगा हरा भाई यू थारा पहले से प्रस्क्राइब ना हो वैसे ना वो तो कहीं भी कर सकती है सरकार पुल बनवाने में सड़कें बनवाने में अस्पताल बनवाने में जहां मर्जी वहां कर सकती है लेकिन सेस के नाम से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उस पैसे को वहीं पर खर्च किया जाता है जिस नाम से उसे इकट्ठा किया गया है जैसे मान लीजिए हेल्थ सेस हेल्थ सेस जो लगाया जाता है बेसिकली टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर जैसे चैनी खैनी चैन से मजा लो है ना वैसे बात बताऊं जो लोग नशा करते हैं उनको नशा करते वक्त जिस आनंद की अनुभूति होती है नशा ना करने वाले व्यक्ति को उस आनंद की अनुभूति 24 घंटे होती है ठीक है हाँ तो जो व्यक्ति चैनी खैनी चैन से मजा लो खाता भाई साहब तो उसके ऊपर सरकार ने हेल्थ सेस लगा दिया क्यों क्योंकि सरकार तो बड़ी दूरदर्शी है ना अब वो कैसे सरकार को पता है कि भाई ये व्यक्ति जो आज ये चैनी खैनी खा रहा है कल को ये बीमार पड़ेगा बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ेगा भाई साहब और बीमार पड़ेगा तो इसको अस्पताल की जरूरत पड़ेगी तो सरकार ने आज से ही कुछ पैसा इससे लेना शुरू कर दिया यहां से पैसा लेते रहे लेते रहे लेते रहे और उस पैसे से यहां अस्पताल बनवाना सरकार ने शुरू कर दिया आठ दस साल में इसका कैंसर बनके तैयार हुआ आठ दस साल में अस्पताल बनके तैयार हुआ इसके हाथ से ही रिबन कटवा दिया आन मिलो सजना ऐसे करके ठीक है जी तो कहने का मतलब यह हेल्थ सेस के नाम से पैसा इकट्ठा किया गया है तो उस पैसे को हेल्थ सेस के लिए ही खर्च किया जाएगा राइट सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दैट्स ग्रेट डियर ओके तो यह है यूटिलाइजेशन एजुकेशन के नाम से पैसा आया है तो एजुकेशन सेस एजुकेशन uh, पर्पज के लिए ही उसे यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया सर आर्मी से होना चाहिए ठीक कह रहा तू बच्चा मैं तो उससे सहमत हूं बिल्कुल ठीक है सर जी अब टैक्स और ड्यूटी में क्या फर्क है ये आपके वो बेसिक क्वेश्चन है बारीक बारीक से कि भाई साहब पढ़ तो पूरा जाते हैं लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर रह जाते हैं कि भाई ये क्या बवाल है भाई साहब तो टैक्स जो है एक ब्रॉडर टर्म है ड्यूटी टैक्स का ही एक हिस्सा होती है ये कोई अलग से नहीं होती है ठीक है सर जी लेकिन जो टैक्स है वो गुड्स के ऊपर सर्विस के ऊपर पर्सन के ऊपर जैसे कि आपका इनकम टैक्स गुड्स सर्विस पे नहीं लगता बल्कि वो आपका पर्सन के ऊपर लगाया जाता है जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया ठीक है जी तो वो किसी के ऊपर भी लग सकता है टैक्स लेकिन जिसे हम ड्यूटी के नाम से जानते हैं ना मालिक या तो गुड्स पर ही लग सकती है ड्यूटी ना तो सर्विस पे लगती है ना पर्सन पे लगाई जाती है तो ये डिफरेंस हो गया बेसिकली आपका टैक्स और ड्यूटी के बीच में राइट right सर ये सारी नोटिंग वोटिंग जितनी भी है इस सारी की सारी शीट्स में आपके साथ में शेयर कर लूंगा सो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है हा आगे बढ़ते हैं अब धीरे धीरे हमारी कथा गहरी होती चली जाएगी और हम इसमें धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरते जा रहे हैं नीचे महासागर की तरफ और डुबकी लगाएंगे और लगाकर ऊपर भी निकल के आएंगे यह हमारा वादा है आपसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अगला पॉइंट आता है यहां पर आपके लिए डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को लेकर अब यह क्या है ग्लोबली दो तरह के प्रिंसिपल्स काम करते हैं एक होता है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल एक होता है ओरिजिन प्रिंसिपल डेस्टिनेशन प्रिंसिपल यह कहता है कि जहां पर गुड्स या सर्विसेज का फाइनल डेस्टिनेशन है फाइनल कंजम्पशन प्लेस है उस गुड्स या सर्विसेज के संबंध में टैक्सेस उस कंट्री या स्टेट को मिलने चाहिए इसके विपरीत ओरिजिन प्रिंसिपल है उसका मत यह है कि जिस कंट्री या स्टेट के अंदर गुड्स या सर्विसेज ओरिजिनेट होते हैं टैक्सेस उस कंट्री या स्टेट को मिलना चाहिए लेकिन ओरिजिन प्रिंसिपल जो है आपका इक्का दुक्का हार्डली वर्ल्ड में इक्का दुक्का कंट्री फॉलो करती होगी नहीं तो लगभग सभी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को ही फॉलो करके चलते हैं क्योंकि ये सही है उचित है लॉजिकल है कैसे लॉजिकल है वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं बात की दृष्टि से जैसे जीएसटी की बात करते हैं मान लीजिए हरियाणा का एक व्यक्ति दिल्ली में आता है समझना भाई साहब इधर क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे लॉजिकल क्वेश्चन ये तो आप जानते हैं सरकार क्या बोलती है सरकार कहती है कि जो टैक्स का पैसा हम आपसे ले रहे हैं ये पैसा डेवलपमेंट के रूप में आपके ऊपर ही बारिश बनकर गिरे डेवलपमेंट की बारिश के रूप में ये पैसा हम आपको वापस लौटा देंगे सरकार ऐसे ही परिभाजित करती टैक्स को पहले हां बोलो कि जो भी टैक्स आ रहा है डेवलपमेंट की बारिश के रूप में यह बारिश आपके ऊपर ही बरसने वाली है ठीक हाँ है अब हरियाणा का एक व्यक्ति दिल्ली आता है और दिल्ली से वो सामान परचेज करके हरियाणा लेकर चला जाता है सभी जानते हैं मोटी सी बात है कि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है इसके ऊपर आईजीएसटी लगाया जाएगा आईजीएसटी का बंटवारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को होता है आधा हिस्सा टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी और बाकी आधा हिस्सा स्टेट को मिलेगा अब मुझे बताइए यहां पर कौन से स्टेट को अपने हिस्से का आधा जीएसटी मिलना चाहिए दिल्ली स्टेट को या फिर हरियाणा स्टेट को? लॉजिक के हिसाब से बताइएगा मैं ये नहीं पूछ रहा कौन सा प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल लॉजिकली बताइए सरकार ने कहा था कि टैक्स का पैसा बारिश बनकर तेरे ऊपर ही बरसेगा तो यहां पर जो टैक्स का पैसा निकला वो किसकी जेब से निकला हरियाणा वाले बंदे की जेब से टैक्स का पैसा निकल के आया तो उस टैक्स के पैसे से जब स्टेट में बारिश हो तो डेवलपमेंट की बारिश दिल्ली में होनी चाहिए या हरियाणा में होनी चाहिए अगर बारिश दिल्ली में हो गई तो हरियाणा वाला बंदा क्या बोलेगा कर भाई साहब तुम तो कहते कह थे डेवलपमेंट मुझे मिलेगा मेरे जेब से तो टैक्स तो गया टैक्स तो हरियाणा से गया भाई साहब बादल बरस रहे हैं दिल्ली में क्या ये उचित है द आंसर इज नो इसीलिए डेस्टिनेशन प्रिंसिपल सबको प्रिय लगता है कि जहां पर गुड्स या सर्विस कंज्यूम हो रहे हैं जहां कंज्यूमर की लोकेशन है जहां जिसकी जेब से क्योंकि इसका लोड अल्टीमेट कंज्यूमर पे ही जाके पड़ता है तो जिसके जेब से पैसा निकला है उसी स्टेट को यह पैसा मिलना चाहिए ताकि वो बारिश के रूप में वहीं पर उसी स्टेट के अंदर बरसना शुरू कर दे इस वजह से डेस्टिनेशन प्रिंसिपल आपका वर्ल्ड वाइड फेमस है आई होप बात समझ में आ गई होगी हां बोलो हाँ माई डेयर पहले हां बोलो हां हां सर जी हां बिल्कुल ठीक बात है अब सुनो मेरी बात आगे अगर मान लीजिए इंडिया के बाहर से अब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है तो इस पर टैक्सेस कहां लगाए जाएंगे अमेरिका में मान लो वहां से गुड्स आया है या फिर इंडिया में बोलो जी बोलो कहां लगेंगे इसके ऊपर टैक्सेस कहां पर लगाए जाएंगे अमेरिका में या ऑब्वियसली बात है सर इंडिया में बाय फॉलोइंग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल हम बाई फॉलोइंग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल इस गुड्स के ऊपर इंडियन सरकार को टैक्सेस मिलेंगे बाय वे ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी दूसरी अहम बात अगर इंडिया से गुड्स इंडिया के बाहर चला जाता है तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा द आंसर इज नो सर क्योंकि की हम बात करके चलते हैं तो इंडिया के बाहर जब कंज्यूम होगा तो वहां की सरकार टैक्स वसूलेगी हम इस पर टैक्स नहीं वसूलेंगे एक क्वेश्चन है फटाफट जवाब दीजिएगा गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी जाती है बाय द इंपोर्टर लेकिन फाइनली वो गुड्स इंडिया में कंज्यूम नहीं होता है बल्कि उसे इंडिया के बाहर के लिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता है यानी गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में इंपोर्ट किया गया यहां इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी जाती है और उसके बाद फिर उसे यहां से किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है मेरा सवाल आपसे यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर यह जो ड्यूटी कलेक्ट कर ली है मालिक बताइए मुझे सचिन शिवम दीपक बताइए गुड्स फाइनली इंडिया में कंज्यूम नहीं हुआ है तो इंडियन सरकार तो यहां ड्यूटी कलेक्ट करके बैठी है अब गुड्स कहां कंज्यूम होगा इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर दिया मान लो श्रीलंका माल भेज दिया तो प्रैक्टिकली बाई फॉलोइंग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जो टैक्सेस है वो तो श्रीलंका सरकार को मिलने चाहिए लेकिन कलेक्ट तो ये करके बैठ गए तो बताइए इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस को वापस करना चाहिए कि नहीं तो मैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल का वास्ता अपने कलेजे पे हाथ रख के बताइएगा इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स वापस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए करने चाहिए सर जी और जब ये इंपोर्ट ड्यूटी जो कलेक्ट कर ली थी इसे सरकार वापस करेगी ना भाई साहब तो मैं आपको बता दूं इसे कहा जाता है ड्यूटी ड्रॉबैक रखिए बोला भाई ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम से इसे हम जानकर चलते हैं दैट्स ग्रेट माई वही यहां पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए हम यहां पर इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट कर ली उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है तो यहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है हालांकि यहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक की परसेंटेज 98 परसेंट की होती है दो परसेंट थोड़ा सा प्रोसेसिंग चार्ज काट लिया जाता है सरकार करी भैया कुछ हमारे भी तो एम्प्लॉय को सैलरी वैलरी देनी है भैया कुछ हमारे बारे में सोच के चलो तो निचोड़ ये निकलता है और गुड चाहे देशी हो या विदेशी हो भाई साहब अगर इंडिया में कंज्यूम ना होकर इंडिया के बाहर कंज्यूम हो रहा है तो टैक्सेज वही लेंगे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स का कोई अधिकार नहीं है इज इट ओके और नॉट हां सर जी एकदम ठीक बात है तो मालिक बढ़ते हैं आगे की तरफ आगे क्या निकल के आता है सुनो जरा अब यहां पर अगले पॉइंट के अंदर क्या आपको पता है ओल्ड टैक्सेस और न्यू टैक्सेस का क्या स्ट्रक्चर है क्या आप जानते हैं आज के डेट में कौन कौन सी चीजों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है बल्कि आज भी पुराने टैक्सेस ही उनके ऊपर लग रहे हैं डू यू नो अबाउट द सेम सर जी हमें पता है तीन साल से सुनते आ रहे हैं इस चीज को तो हम फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं नंबर एक नंबर दो पर एल्कोलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है जिस पर जीएसटी नहीं लगता बल्कि इस पर अपने पुराने जो टैक्सेस थे एक्साइज ड्यूटी वैट वगैरह वो सभी लगाया जाता है मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट का नाम बताइए जिस पर पुराना टैक्स और नया टैक्स दोनों लगते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसपे पुराना टैक्स यानी कि एक्साइज वगैरह भी लगाया जाता है और नया टैक्स यानी कि जीएसटी भी उसके ऊपर लगाया जाता है इकलौता मात्र एक ऐसा प्रोडक्ट है टोबैको जो टोबैको है मालिक यहां पर उसके रेस्पेक्ट में मैं आपको बता दूं जो एल्कोलिक लीकर है उस पर एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वेट की चर्चा की जाती है उखड़ा नहीं और नए वाले में भी आके ज्वाइंट हो गया तो ये दोनों में ऐसे करके पैर खोल के यूं खड़ा हुआ ऐसे करके भाई साहब यहां भी और यहां भी तो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है और वैट ना लगकर उसके ऊपर जीएसटी भी लगाया जा रहा है एक छोटी सी बात बताता हूं आपको और मुझे बताइए जीएसटी आने के बाद टोबैको महंगा हुआ होगा या नहीं क्या आप जानते हैं कि जीएसटी के रेट किस प्रकार से तय किए गए थे है, ना? मैं हूं कि के चार के रेट है पांच बारह अठारह और अट्ठाईस परसेंट के लेकिन इनको फिक्स कैसे किया गया था क्या बेस बनाया गया था अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी का रेट फोर्टीन परसेंट का था और वेट का रेट भी परसेंट का था या मान लो 12 परसेंट का था या, या ये ये मान लो यासेंट का था तो इनका जो टोटल बना वो कितना बना 28 बना 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 या फिर 24 बना, इतना बना? है ना तो ये सरकार ने क्या देखा कि जो इन दोनों का टोटल आ रहा है क्योंकि एक्साइज और वेट दोनों खत्म हो गई थे इन दोनों का जो टोटल आ रहा है उसके नियर बाई रेट कैटेगरी कौन सी है पांच वाली है बारह वाली है अठारह वाली है अट्ठाइस वाली, वाली है जो नियर बाई कैटेगरी है उसके अंदर इसको इन्होंने क्लासीफाई कर दिया तो अकॉर्डिंगली जो टोबैको आया वो 28% परसेंट जीएसटी की कैटेगरी में आ गया और साथ में इसके ऊपर जो एक्साइज लगने वाली थी वो एक्साइज भी लगती रही तो बताइए जीएसटी आने के बाद महंगा हुआ या सस्ता हुआ भाई साहब मेरी बात सुनो एक्साइज भी लग रही है और जो जीएसटी है वो कुछ और नहीं बल्कि सम टोटल ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड वेट है वो भी लग रहा है भाई साहब तो इसका मतलब अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट डेफिनेटली महंगा माय डियर हो जाएगा बिकॉज जीएसटी इंक्लूड्स द रेट इफेक्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज वेट राइट यो और साथ में कॉम्पनसेशन से ऊपर तो भाई साहब क्या बताएं आपको हम और उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके ऊपर जीएसटी आपका लगाया जाता है वो पुराने सिस्टम के अंदर नहीं है तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं अब बात करते हैं अपने हम यहाँ पर चार्ट नंबर वन की चर्चा मालिक आपसे करी जा रही है यहां से आपकी जनरल बैकग्राउंड शुरू की जाती है ठीक है अच्छा सर जी ये तो आप जानते हैं इम्पोर्ट किसे कहते हैं इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट कहा जाता है और इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाना एक्सपोर्ट कहा जाता है इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए न लगनी चाहिए बाई फॉलोइंग द डेस्टिनेशन डेस्टनेशन म्यूनिस्पल ठीक है भाई इंपोर्ट अगर करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी लाइबल टू इंपोर्ट ड्यूटी अभी जैसे आप जानते हो नवरात्रे आ रहे हैं माता रानी के नौ रूप हैं अलग अलग रूप में नवरात्रे बनाए जाते हैं तो ऐसे ही मेरी जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसके भी नौ नौरूप है डियर इंपोर्ट ड्यूटी कहने में तो एक है लेकिन इसके अलग अलग रूप हैं जैसे कि एक आती है बेसिक कस्टम ड्यूटी और कई सारी एडिशनल ड्यूटीज़ भी हैं जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी सेफ गार्ड ड्यूटी है ना सी वी डी थ्री वन सी वी डी थ्री फाइव ऐसे करके अलग अलग नाम जैसे माता रानी के माँ भगवती माँ शैलपुत्री माँ सरस्वती अलग अलग नाम हैं ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग नामों से इम्पो ड्यूटी चार्ज करी जाती है जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो बाय फॉलोइंग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल कोई किसी प्रकार का इंडियन टैक्स का लोड इसके साथ में नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी कुछ एक एक्सेप्शनल प्रोडक्ट है डियर। बुरा मत मानिएगा भगवान झूठ ना बुलाए कुछ चुनिंदा उंगलियों पर गिने जाने वाले प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर दिल पर पत्थर के हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर ये बड़े ही रिच क्वालिटी में पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड फेमस है तो सरकार इस मौके को छोड़ती नहीं है और इसके ऊपर कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स के ऊपर मुश्किल से पंद्रह बीस आर्टिकल्स होंगे जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है बाकी किसी पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं करके चलते हैं। और आप देखेंगे आप देखेंगे कि एंटायर कस्टम लॉ के अंदर जो लॉ मेकर का झुकाव होगा ना वो झुकाव इंपोर्ट की तरफ होगा एक्सपोर्ट की तरफ तो नाम मात्र की बात करेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी बेसिकली है ही नहीं माय डियर राइट सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दैट्स ग्रेट सर उसके बाद बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ आगे क्या है वो सुन लीजिए बैकग्राउंड ऑफ कस्टम लॉ के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं ये बात पुराने समय की है ये जो है एग्जिस्ट करता है प्राचीन काल से ही जब राजाओं का जमाना हुआ करता था मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब ये कहानियां सुनने को मिलती थी कि एक राजा के सात रानियां थी सुनने में कितना अच्छा लगता था ना एक राजा के सात सात भाई सब सात सात रानियां थी है ना आजकल तो भगवान एक दिन दे एक दे। तो उस समय क्या था कि जब कोई आ, व्यापारी एक राजा के राज्य से दूसरे राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाया करता था तो उस राजा के लिए कुछ ना कुछ सूटेबल गिफ्ट उपहार भेंट लेकर जाया करता था ताकि राजा की कृपा दृष्टि उस व्यापारी के ऊपर बनी रहे और अपना काम धंधा अच्छे से करता रहे सिमिलरली जब इस राजा के राज्य से कोई व्यापारी इधर आया करता था तो वहां पर भी वो इस राजा के लिए कुछ ना कुछ भेंट गिफ्ट उपहार साथ में लेकर आया करता था ताकि राजा खुश हो कृपा दृष्टि बनी रहे और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो ये उस समय की रीति थी रिवाज था चलन था प्रथा थी ट्रेडिशन था उस समय का ये कस्टम था और वक्त के साथ साथ ब्रिटिश ब्रिटिश पीरियड में 1786 में आकर प्रथा को कर दिया गया और यही कस्टम कस्टम ड्यूटी के नाम से प्रचलित हो गया डियर उस समय इंटरनेशनल ट्रेड करने के तीन माध्यम हुआ करते थे और आज भी तीन ही हैं जल थल और वायु करके जल थल वायु के लिए अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्ट बने हुए थे एक था सी बाई सी रूट के लिए सी कस्टम एक्ट अपना बना हुआ था और एयर के लिए बना हुआ था इंडियन कस्टम एयरक्राफ्ट एक्ट करके यहां पर बना हुआ था जी एंड माय डियर मैं आपको बता दूं ये बना हुआ था और जो जमीनी माध्यम से जो व्यापार हो रहा था उसके लिए लैंड कस्टम एक्ट 1924 आपका ये बना हुआ ठीक है सर जी कोई बात नहीं और किस प्रोडक्ट पर रेट ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा उसके लिए यहां पर बने हुए थे इंडियन टैरिफ एक्ट 1934 करके हमारा यह बना हुआ था अब वक्त के साथ यू तो ढेरों परिवर्तन हुए लेकिन फाइनली जो हमारे सामने आज के रेट में है वो परिवर्तन ये हुआ कि ऑल द थ्री एक्ट्स आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल एक्ट कस्टम एक्ट 1962 जितने भी लीगल प्रोविजन है चाहे वो लेवी का है कलेक्शन का है एग्जाम का है, अपील का डिमांड का रिफंड का का, सारे के सारे प्रोविजन कस्टम एक्ट 1962 में चाहे वो जल का हो थल का हो, या फिर वायु का क्यों ना हो माय डियर। और जो इंडियन कस्टम टैरिफ एक्ट करके था जो टैरिफ एक्ट था वो आपका टैरिफ बन गया इंडियन टैरिफ एक्ट बन गया कस्टम टैरिफ एक्ट नाइनटीन के रूप में यह प्रचलित हो गया और इसके अंदर रेट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटीज रेट ऑफ कस्टम ड्यूटीज इसके अंदर लिख दिए गए थे आइए थोड़ा सा और एलब्रेट करते हैं दो एक्ट हो गए तो दुनिया जहान के लीगल प्रोविजन तो भाई साहब इसके अंदर आ ही गए लेकिन जो आपका ये कस्टम ओ भाई इधर इधर जो आपका कस्टम टेरिफ एक्ट है 1975 उसमें बेसिकली दो शेड्यूल बने हुए हैं एक शेड्यूल नंबर वन और एक शेड्यूल नंबर टू है शेड्यूल नंबर टू के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट दिए हुए हैं जो चुनिंदा आर्टिकल्स पे है मात्र और जो शेड्यूल वन करके है इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज के रेट दिए हुए हैं मालिक इंपोर्ट ड्यूटी के दो प्रकार के रेट होते हैं एक होता है स्टैंडर्ड रेट और एक होता है प्रीफरेंशियल रेट स्टैंडर्ड रेट मतलब एक आम रेट जो लगता है नॉर्मली लेकिन प्रीफरेंशियल रेट का मतलब होता है कंसेशनल रेट अब ये कंसेशनल रेट का क्या मसला है और कब एप्लीकेबल होता है मैं आपको बताता हूं कंसेशनल रेट तब लगाया जाता है व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन माय डियर अगर एमएफएन से आ रिया है अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है मोस्ट फेवर्ड नेशन सबसे पसंदीदा मुल्क सबसे चहेता कंट्री है ये दो बेसिकली कंट्री के बीच की बात की जाती है यहां पर क्या करते हैं कि दो कंट्री आपस में समझौता करती हैं और समझौते के दौरान वो कहते हैं कि भाई हम आपके यहां से जैसे अमरीका वालों ने कहा कि इंडिया से अगर चार चीजें अमेरिका में आएंगी तो उन पर वो कंसेशनल रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे अमेरिका में बाकी कंट्री से जो आता है उस पर स्टैंडर्ड रेट होगा लेकिन अब इंडिया से अगर वो चीज जाएगी तो कंसेशनल रेट होगा ऐसे हमने बोल दिया कि भैया अमेरिका से ये फलाने फलाने आइटम अगर इंडिया में आएंगे तो ड्यूटी का रेट चार परसेंट कंसेशनल है अदरवाइज किसी कंट्री से आएगा तो स्टैंडर्ड रेट दस परसेंट का लगाया जाएगा तो इससे क्या होगा इस तरह के प्रोविजन से ये होता है कि जो कंट्री हमारे एम एफ एन मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस रखते हैं उनसे जब कंसेशन रेट लगेगा तो वहां से इंपोर्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऐसे यूएसए के एंगल से पर्टिकुलर कॉमोडिटीज का इंपोर्ट इंडिया से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज तो इससे दो देशों के बीच में व्यापारिक संबंध और गहरे होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो देशों के बीच में ज्यादा अच्छे से हो पाता है इस प्रकार से यहां पर यह बात करी जाती है तो जैसे स्टैंडर्ड रेट और एक हो गया प्रीफरेंशियल रेट इफ गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन लेकिन प्रैक्टिकली कैसे इसको देखा जाएगा अब मेरी बात समझना जरा मान लीजिए यूएसए और इंडिया के बीच में ऐसा कोई समझौता है जिसमें यह मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात अपने करके चलते हैं ठीक है सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी अब इंडिया के बाहर से गुड्स तो आ गया लेकिन कस्टम अधिकारी जो इंडिया में बैठा हुआ है वो भाई साहब इस बात को कैसे सुनिश्चित करेगा कि ये गुड्स अमेरिका से ही आया है ये गुड्स मेड इन अमेरिका है या फिर ऐसे मान के चलिए कि इंडिया से अगर कोई गुड्स अमेरिका में जा रहा है तो अमेरिका के अंदर जो कस्टम अधिकारी बैठा हुआ है वो इस बात की जांच करना चाहेगा कि ये जो गुड्स आया है क्या ये मेड इन इंडिया गुड्स है अगर है इस बात का प्रूफ मिलता है तभी तो वो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अलाउ करके चलेगा जी हां बोलो हाँ तो ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र बनवाया जाए जिस को सिद्ध करे कि ये गुड्स कहां का बना हुआ है आप बोलोगे सर जी मोहर देख लो गुड्स के पीछे अरे मोहर तो कहीं की भी लग जाएगी मोहर का क्या है मोहर तो कहीं की भी लग जाएगी तो कहीं की भी लगवा लो नहीं एक अथॉरिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास में आपके पास में भी होगा मारे पास में भी है मान लीजिए किसी का भी जन्म अगर किसी अस्पताल में हुआ है तो सबसे तो पहले सबसे पहले तो जो अस्पताल है उस बच्चे का बना के देते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के भैया इस बच्चे का जन्म इनके माता पिता ये और इसका जन्म इस अस्पताल में कर, इतने बजकर इतने मिनट पर इस डेट को हुआ है ये बन के आता है उसके आधार पर फिर पिताजी जाते हैं नगर पालिका में जाते हैं और वहां से वो बनवा के उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ जाता है यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी फाइनली एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर देती है और उसी के आधार पर हमारी जन्म तिथि को सुनिश्चित किया जाता है एम आई राइट ऐसे ही यहां पर होगा यहां पर भी हमें ये देखना है कि इस गुड्स का जन्म कहां हुआ है इस गुड्स का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए र उसी के आधार पर सामने वाली कंट्री में इस पर कंसेशनल ड्यूटी का बेनिफिट मिल पाएगा अब इसे मान लीजिए इंडिया से केबल बन के जा रहे हैं यूएसए में और यूएसए और इंडिया के बीच में यह है कि वहां पर वहां पर यह प्रोविजन है कि अगर इंडिया से केबल आएगी यूएसए में तो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी लगाया जाएगा तो यहां की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो चैंबर ऑफ कॉमर्स है बेसिकली वो यहां पर मालिक इस बंदे को इस एक्सपोर्टर को इंडिया वाले बंदे को एक सर्टिफिकेट जारी करेगा दरअसल पहले तो ये जो एक्सपोर्टर है ये चेंबर ऑफ कॉमर्स को चिट्ठी लिखेगा एप्लीकेशन देगा भाई साहब ये ये माल मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं अमेरिका को आप ये लिख दो इसके ऊपर सिद्ध कर दो कि हां ये मेरा गुड्स मेड इन इंडिया है ये कंसाइनमेंट में आगे भेज रहा हूं तो यहां पर एक ठप्पा लगाकर देते हैं एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं गुड्स का हां भैया ये गुड्स मेड इन इंडिया ही है यहां की गवर्नमेंट अथॉरिटी सर्टिफाई करती है और ये डॉक्यूमेंट पहुंचता है वहां अमेरिका में इंपोर्टर के पास में और इस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो व्यक्ति कंसेशनल रेट का बेनिफिट ले पाता है सिमिलरली अगर अमेरिका से कोई माल आएगा तो वहां जो अमेरिका में एक्सपोर्टर बैठा है वो अपने यहां की गवर्नमेंट अथॉरिटी से उस गुड्स का उस लॉट का उस कंसाइनमेंट का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के इंपोर्टर को देगा इंपोर्टर अपने हिंदुस्तान के अंदर कस्टम अधिकारी को देगा उस बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर कस्टम अधिकारी इस इंपोर्टर को कंसेशनल रेट अलाउ करके चलेगा देखना चाहते हैं कैसा होता है बर्थ सर्टिफिकेट अंग्रेजी में बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन हां सर जी अंग्रेजी में बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन और ये रही उसकी एक्चुअल इमेज जैसे दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन है ये जिसके आधार पर प्रिफरेंशियल रेट अलाउ किए जाते हैं यहां पर आकर ये एक इंडिया का एक्सपोर्टर है आरजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये इसका एड्रेस हो गया नई दिल्ली ऐसे करके ठीक है ये कंसाइनर है यानी कि एक्सपोर्टर है किसको माल भेज रहा है क्यूमी इलेक्ट्रिक एंड ट्रेडिंग कंपनी एलएलसी ये है सर्टनेट ऑफ ओमान को माल जा रहा है वो वहां इंपोर्टर हैं गुड्स कैसे-कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाय रेल न्यू दिल्ली टू मुंबई और बाय सी जाएगा मुंबई टू वहां पर ओमान में पहुंच जाएगा साहब बाइस पहुंचेगा ऐसे से करके। क्या क्या सामान है कंसाइनमेंट क्या जा रहा है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करना है तो केबल है बेसिकली तो केबल क्या होता है जो लकड़ी के राउंड राउंड वो नहीं होते बॉक्स जो होते हैं उनके ऊपर लपेटी जाती है केबल ऐसे जाती है आपने देखा होगा है ना तो वो ड्रम है बेसिकली कि ड्रम संख्या टू फाइव थ्री टू सेवन से लेकर इतने तक तीन ड्रम ये हो गए और तीन ड्रम आपके ये हो गए और इन तीन ड्रम में हमारी कितनी कितनी केबल है या कितना कितना सामान है जो भी है उसकी क्वांटिटी यहां पर आ जाती है इतने किलोमीटर या इतने वेट करके यहां पर आ जाएगा और यहां पर लिख कर देंगे कि इसका जो ओरिजिन क्राइटेरिया है वो इंडिया है इस सर्टिफिकेट के अंदर जो भी माल लिखा है उसका ओरिजिन इंडिया है और नीचे यहां पर आ जाएंगे जो एक्सपोर्टर है उसकी मोहर आ जाएगी और यहां पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था उसका स्टैंप आ जाएगा कि हमें जो जानकारी दी गई है एक्सपोर्टर के द्वारा कि ये कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस सारे को भी कंट्रोल रखते हुए हमें सिद्ध करते हैं कि ये मेड इन इंडिया गुड्स है ऐसे करके ये सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है इंडिया से सर्टिफिकेट वहां के इंपोर्टर को सल्ट उमान के अंदर और वहां पर जाकर वो बंदा अपने कंट्री में मालिक अपने कस्टम अधिकारी को देगा और सर्टिफिकेट के आधार पर उसे प्रिफरेंशियल रेट यानी कि कंसेशन रेट का बेनिफिट मिल पाएगा मुझे बताइए बात पकड़ में आई या नहीं आई यस और नो बात पकड़ में आई हो तो हां बोलो हां मालिक फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं ठीक है सर जी यस सर क्या लिखा है यहां पर देखो जरा हाउ टू क्लेम प्रीफरेशियल रेट इंपोर्टर हैज टू सबमिट इंपोर्टर हैज टू सबमिट अ प्रूफ एज टू कंट्री ऑफ ऑरिजिन द सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इज इश्यूड बाई डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फॉर ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड द सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड बाई एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर एंड इंपोर्टर टू हिज कस्टम ऑफिसर और उसके आधार पर यहां पर ये इसका बेनिफिट क्लेम किया जाता है उसके बाद में आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टम लॉ के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कस्टम्स के उसकी हम यहां पर बात करने के लिए जा रहे हैं ठीक है बताओ आप क्या ऑब्जेक्टिव है क्यों बनाया गया है आखिरकार ये कस्टम लॉ सर अब बड़ी बेहतरीन बात आपके सामने यहां पर आ रही है जरा ध्यान से सुनिएगा मालिक आंखें खोलिए और मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए दूसरा इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आता है रेवेन्यू कलेक्ट करना और उसके बाद नंबर आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना दूसरा तीसरा आसानी से समझ में आता है कहना क्या चाहता है लेकिन पहले का क्या मतलब है कस्टम लॉ से डोमेस्टिक इंडस्ट्री भला कैसे प्रोटेक्ट हो सकती जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए तो कतई जहर बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं यस yes, सर भाई मेरी बात सुनो हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमारा स्वभाव रहा है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते जो अपनों के साथ है व्यवहार वही हमारा परायों के साथ होता है इसी पैटर्न पर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम हमेशा पैरिटी मेंटेन करके चलते हैं पैरिटी मेंटेन करेंगे बिटवीन देसी एंड विदेशी में चाहे गुड्स देसी हो चाहे गुड्स विदेशी हो दोनों के बीच में पैरिटी मेंटेन करी जाएगी इज इट ओके यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी अब कैसे मेंटेन की जाए जरा मेरी बात को सुनिएगा भाई जैसे मान के चलो ये हो गया साहब आपका यहां पर इंडिया यहां है इंडिया और ये है आपका आउटसाइड इंडिया यानी कि जापान मान सकते हैं आप ऐसे ठीक है जी जब इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जो इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट तैयार यहां पर किया जाता है तो इसके ऊपर इसके ऊपर एक जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं टोबैको की बात कर लेते हैं तो यहां पर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आ जाती है लेट सपोज वन थाउजेंड रुपीज की ठीक है और इसके ऊपर लगा दी जाती है यहां पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाती है अगर मैं टोबैको की बात करूं तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाती है और वो लग गई आपकी यहां पर मैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए लेके चल रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए मान लो टेन परसेंट से वो लगा दी जाती तो ये यह यहां पर निकल के आ जाएगा आपका जी या एक्चुअल रेट से लेने ले, कोई दिक्कत नहीं है ये ट्वेंटी एट परसेंट से यहां पर लगा दी जाएगी ट्वेंटी क्यों सिक्सटीन सिक्सटीन परसेंट से यहां पर ही लगा दी जाएगी और ये आगे एक सौ साठ रुपए की और एक टोटल आ जाता है, 1160 करके आ जाता जाता है 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 करके अब ये जो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में इतने रुपए का पहुंच रहा है अब यही प्रोडक्ट जब इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा मालिक जरा तो ध्यान से देखते रहिएगा ये आपका यहां पर पोर्ट आ जाएगा और पोर्ट पर आकर मान लीजिए अगर मैं बात करके चलूं कि इसकी वैल्यू लेट सपोज ये जो इंपोर्ट किया गया है इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो भी हजार रुपये ही है मान लीजिए इसकी वैल्यू हजार रुपये ही है ठीक है सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मेरी एक और अजम्पशन लेके चल रहा हूं इंक्लूडिंग बी सी डी बीसीडी का मतलब है बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी का मतलब हो गया बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं, उसमें पहला रूप इम्पोर्ट ड्यूटी का बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है जो सभी आर्टिकल्स के ऊपर अपनी लगाई जाती है ठीक है जी हां सर जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो मेरी एजमशन है कि बीसीडी लगने के बाद यह निकल के आता है अब यहां पर आकर क्या होगा ये प्रोडक्ट भारतीय बाजार में पहुंच रहा है ग्यारह रुपए का और जो विदेशी है वो यहां इंडिया में पहुंच रहा है इंडियन मार्केट में पहुंच रहा है एक रुपए का तो पोजिशन यू करके हो जाती है मालिक अब यह क्या है कि जो देसी है वो महंगा पहुंच रहा है और जो विदेशी है वो सस्ता पहुंच रहा है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाले सरकार के पास पहुंच जाएंगे सरकार ये हो गया करे ये क्या है ना भाई साहब हमारा प्रोडक्ट महंगा हो रहा है बाहर से आने वाला सस्ता हो रहा है वी वॉन्ट जस्टिस नहीं, जस्टिस के साथ साथ वी वॉन्ट पैरिटी सरकार हमें पैरिटी दीजिए बराबर का फील्ड दीजिएगा या तो हमारे ऊपर से भी एक्साइज ड्यूटी को हटा दीजिए या उनके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी को लगा दीजिए बात बराबर यहां पर हो जाएगी सरकार ने कहा शुभ शुभ बोलो लक्ष्मी आने की बात करो जाने की नहीं तुम्हारे ऊपर से एक्साइज ड्यूटी हटाएंगे नहीं बल्कि इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे तो उन्होंने यही किया यहां पर आकर के ठीक है भैया पैरिटी मेंटेन करनी है तो लगाइए यहां पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किसी ने कहा रेट क्या लोगे करेक्ट किस लिए लगा रहे हैं वो समझो को कंपनसेट करने के लिए तो रेट वही लेके चलेंगे ना चले पे था साठ रुपए की लगा दी और ये आ गया विदेशी आगे दोनों पे डाल मेंटेन पैरिटी। लेकिन किसी ने कहा कि हाय राम ये क्या कर रहे हो रहा इंडिया में करने पर तो सुना था कि ड्यूटी लगती है इंपोर्ट तो करने पर सेंटल शर्म नहीं आती बस निकल आएंगे अपोजिशन वाले आएंगे हाय 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 हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो निकल आएंगे भाई साहब बाहर कह रहे ये क्या चल रहा है ये भाई साहब ये क्या तमाशा चल रहा है दिक्कत वाली बात है ये तो तो यहां पर आकर सरकार ने क्या किया आपने देखा होगा कि अगर किसी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेसिकली आपसे कि अगर किसी बदमाश व्यक्ति को अगर किसी बदमाश व्यक्ति को वो साधु महात्मा वाले कपड़े अगर पहना दिए जाएं तो मुझे बताइए वो जो व्यक्ति होगा वो बदमाश दिखाई देगा या साधु महात्मा दिखाई देगा साधु महात्मा वाले कपड़े हो तो इस पर लिखा होता है पीले वाले कपड़े सीताराम सीताराम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय राधे राधे राधे, राधे 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 ऐसे लिखा होता है बात बातें जो दिखता है सो बिकता है अगर साधु महात्मा के कपड़े पहना दोगे तो वो बदमाश व्यक्ति भी साधु महात्मा ही दिखना शुरू हो जाएगा तो ऐसे ही इन्होंने किया है तो ये सेंट्रल एक्साइड ड्यूटी लेकिन सेंट्रल एक्साइड ड्यूटी को इसी के नाम से लगाते तो बवाल पैदा हो जाता है अकबर इसको हटा देते हैं तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री मर जाएगी अगर इसको लगे रहने देते हैं तो अपोजिशन वाले हमें मार डालेंगे क्या करें कुछ तो करना पड़ेगा सांप भी मरे लाठी भी न टूटे ये कंपनसेट भी हो जाए और बवाल भी बंद हो जाए तो उसका सोल्यूशन वही निकाला सरकार ने कहा कागज लेकर आइए एक कागज मंगवाया गया और उस कागज के ऊपर लिखा गया क्या सीताराम सीताराम नहीं सीताराम नहीं लिखा गया उस कागज के ऊपर लिखा गया सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी कागज के ऊपर लिखा गया काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी कि सीवीडी करके लिखा गया माइडियर सीवीडी अंडर सेक्शन थ्री वन सीवीडी सीवीडी की फुल फॉर्म है काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन थ्री वन सीवीडी अंडर सेक्शन थ्री पूरे पे लिख दिया भाई साहब और कहा कि काम कर इधर आ भाई हाँ बाबू जी कह रहे ये जो हम कर ड्यूटी लगा रहे हैं ना इंपोर्टेड वाले के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी हम लगा रहे हैं इस वाली एक्साइज ड्यूटी को इस कपड़े में लपेट दो तो एक्साइज ड्यूटी को इस सीवीडी थ्री वन विच इज चार्जेबल थ्री वन थ्री वन का मतलब है सेक्शन थ्री सेक्शन वन ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट और आप एक काम करो अपनी इस एक्साइज ड्यूटी को इस कपड़े में लपेट दीजिए और लपेटने के बाद अब बोलो कि ये क्या है हैं क्या है ऊपर तो लिखा है काउंटरवेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन थ्री सेक्शन वन ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट तो बताइए आप इसे क्या बोलोगे जो दिखता है सो बिकता है भाई साहब ये बन गई आपने एक ही झटके में इसे एक्साइज ड्यूटी से कस्टम ड्यूटी में तब्दील कर दिया अंदर मसाला एक्साइज का है और बाहर कवर कस्टम्स का है तो ऐसा करके एक्साइज ड्यूटी इफेक्ट को compensate करने के लिए कस्टम की यहां पर ड्यूटी सरकार ने लगा दी और नाम दिया करके यहां पर मुझे एक मूवी थी कौन सी थी गदर गदर मूवी थी देखिए आप लोगों ने सन्नी पाजी की तो वहां पर मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है उसमें मूवी में दिखाया गया था जो तो मूवी की बात थी वो मैं आपको बता रहा हूं कि सनी पाजी होते हैं और अमीषा पटेल जी थी अमीषा पटेल जी और मतलब एक हिंदू थे एक मुस्लिम थे ऐसे करके तो अमीषा पटेल जी को मारने के लिए कई लोग भाग रहे थे शुरू शुरू में जो दिखाया जाता है फिल्म आ जाता मूवी के अंदर तो वहां सड़क ट्रेन की पट्टी पर सनी पाजी ऐसे खड़े हो जाते हैं यूं करके और कि हम इसे मार देंगे ये ऐसे है वैसे है ये मुस्लिम है हम मार देंगे ये कर देंगे ऐसे वो दिखाते हैं उसके अंदर तो सनी पाजी उनको अमीषा पटेल को ऐसे अपने पीछे लेते हैं और कहते हैं कि नहीं कोई एकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा सब तलवार दिखा रहे होते हैं वहां फिर सनी पाजी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं वो क्या करते हैं एक चाकू लेते हैं और भाई अंगूठा काट देते हैं और मांग भर देते हैं बढ़िया सा म्यूजिक बजता है और कहते हैं मुसलमानी है ये मुसलमानी है ये हाथ काटा मांग भरी ले अब बढ़ गई है सिखनी एक ही झटके में सिखनी बना दिया और कहा कि अब किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो गुरु की कसम हाथ उखाड़ दूंगा यही सरकार कह रही है यहां पर आकर सरकार को जिम्मा यह दिया गया था भाई साहब एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी लोग शोर मचा रहे थे तलवार निकाल लाए थे सरकार ने कहा एक्साइज ड्यूटी है ये एक्साइज ड्यूटी है ये एक्साइज ड्यूटी है ये ले, ले, ले बन गई ये कस्टम ड्यूटी एक ही झटके में एक्साइज ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी बना दिया यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है उसे कॉम्पनसेट करने के लिए क्योंकि देशी और विदेशी में पैरिटी मेंटेन करनी है इक्वल लेवल फील्ड देना है उसे कॉम्पनसेट करना था तो लगा दी कस्टम ड्यूटी नाम दिया सीवीडी थ्री वन अंदर मसाला एक्साइज का है और बाहर से कवर कस्टम का बनाकर दे दिया जाता है बात समझ में आई तो बोलो हाँ जी हाँ हाँ सर जी हाँ पांच तरह की आग बताओ पांच तरह की आग बताऊंगा मालिक मैं आपको हमको अतः गलत फील्ड में आ तो तो बना देते यहां यहां ध्यान दो तुम जरा एक्टर तो यहां पर आकर हमारी बात हो जाती है लग गई जी आपके अब ये सेंट्रल का कोई नहीं बोलेगा इसको इसको नाम दिया जाएगा सीवीडी थ्री वन करके इसको नाम दिया जाएगा तो मैं क्या लगता है कि अब बात यहीं पर खत्म हो गई थी ना जी ना बात तो भी शुरू ही है बातों में बातें बढ़ने लगी और अगला कदम यहां पर निकल के भला क्या आया मैं आपको बताता हूं यहां पर आकर उन्होंने कहा कि भैया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के बाद में सुनो हमारी बात हम्म अब यहां पर उन्होंने ये लगा देते हैं भाई साहब वैट तो नहीं लेकिन अगर टोबैको तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अदरवाइज तो फिर वैट लगता है ठीक है यहां पर यहां पर लग जाता है मालिक वेट टोबैको होता तो वेट ना लगेगा लेकिन मैं कुछ और प्रोडक्ट मान लू तो वेट लग जाएगा इसके ऊपर यहां वेट लग जाता है मान लीजिए वेट लगता है और एक्साइज ड्यूटी जुड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर वेट आपका लगाया जाता है सभी लोग भली भांति जानत है तो यह है जी आपका यहां पर ग्यारह सो ग्यारह सो साठ ये आ गया और मल्टीप्लाइड बाई फोर है और भाई साहब डिवाइड बाई हंड्रेड है ऐसे करके भगवान झूठ ना बुलाए छालीस पॉइंट चार परसेंट निकलेगा ना तो भाई सब 1160 सो साठ इंटू चार और डिवाइड बाई हंड्रेड हाँ इतना ही आएगा छियालीस रुपये चालीस पैसे यहां पर आ जाते हैं और ये लीजिए ये आ गया आपका ऐसे करके ये आ गया जी बारह सो छ ना या इतना करके निकल के आ जाता है अब फिर वही नाटक हो गया ऐ तो सरकार इंडियन मार्केट के अंदर अरे तो बारह छह रुपए का आ रहा है और ये ग्यारह साठ का पहुंच रहा है मालिक फिर ऐसे हो गया है फिर ऐसे हो गया कि देसी जो है वो महंगा पहुंच रहा है विदेशी सस्ता आ रहा है सरकार से कहा कि दोनों को बराबर का फील्ड दो या तो हमारे ऊपर से वेट हटा दो या इनके ऊपर भी वेट लगा दो सरकार ने कहा वेट लगा देंगे इनके ऊपर लक्ष्मी आने की बात करो तो इसी चर तर्ज के चलते हुए सरकार ने कहा कि ठीक है भाई साहब तुमसे चिंता बिल्कुल ना करो इसका काम तमाम अभी कर देते हैं तो यहां पर उन्होंने वैट को कॉम्पनसेट करने के लिए चार परसेंट से लगा दिया कितना छियालीस रुपए चालीस पैसे यहां पर भी लगा दिए लेकिन बवाल वही उठा वैट को वैट के नाम से नहीं लगा सकते इसके लिए भी कपड़े बनवा दिए गए और कपड़ों को नाम दिया गया सीवीडी थ्री फाइव वन ऑफ द काउंटरविलिंग ड्यूटी चार्जेबल अंडर सेक्शन थ्री सेक्शन फाइव ऑफ कस्टम टेरिफ एक्ट के अंदर इसकी बात कर दी गई डियर यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर जी तो यहां पर ये निकल के आ जाएगा तो अब ये भी बारह सौ छह रुपए का यह चालीस पैसे का यहां पर हो जाएगा मुझे एक बात बताओ ये चल क्या रहा है अब कल को यहां पर ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है भाई साहब मैं छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं मान लीजिए इंडिया के अंदर एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है मालिक हाँ जी अब इंडिया के अंदर एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है भाई साहब है ना यहां पे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और भाई साहब मैं कह रहा हूं इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो वैल्यू कितनी है साहब सब वैल्यू आगे मान लीजिए हजार रुपए की और भाई साहब इस पर जीएसटी लग रहा है इंडिया के अंदर एक सौ अस्सी का जीएसटी लग गया भाई साहब ग्यारह सौ अस्सी की बात आ गई इंडियन मार्केट में इतने का पहुंच गया अब सीधी बात बताओ अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में अगर आ गया है तो उसके ऊपर अगर वैल्यू उसकी आ रही है हजार रुपए की तो मेरे बच्चा ईमानदारी से बता क्या इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए कि

सौ अस्सी की यहां पर बात करवा दी जाएगी ठीक है जी, that's great. तो हमारा क्या है हम पैरिटी मेंटेन कर रहे हैं टू मेंटेन पैरिटी कोई बच्चा बता सकता है हम ही बताएंगे और कौन बताएगा? हम ही बताएंगे। पैरिटी इसलिए मेंटेन करवा रहे हैं मेरे बच्चा इसलिए मेंटेन करवा रहे हैं मेरे बच्चा किस लिए इसलिए मेंटेन करवा रहे हैं ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके बराबर का उसे हक दिया जा सके इसलिए यहां पर ऐसा करवाया जा रहा है तो इसको यहां जीएसटी याद रहेगा आगे से याद रखोगे कि जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो वहां पे लगाया जाता है आई जीएसटी। याद रहोगे हां सर जी याद रखेंगे अच्छा चलो अब मैं आपको कॉमन सेंस को देखता हूं कि वाकई में आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि नहीं आया उसे टेस्ट करता हूं जैसे मान लीजिए भाई रेडी? टेस्ट हो आपका हां सर जी रेडी अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है उसकी वैल्यू सौ रुपए थी लेकिन वहां की सरकार उसे देती है सब्सिडी वहां की सरकार सब्सिडी देती है बीस रुपए की और ऐसे करके वो प्रोडक्ट 80 में वहां से निकलता है और मैं मान के चल रहा हूं टैक्स वगैरह को इग्नोर करते हुए और वो प्रोडक्ट अस्सी रुपये में इंडिया के अंदर यहाँ पर पहुंच जाता है इंडियन मार्केट में भारतीय बाजार में अस्सी रुपए का आ जाता है लेकिन यहां इंडिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सौ का था और सौ का ही भारतीय बाजार के अंदर ये पहुंच रहा है अब हमें बताइए इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी हाँ सर जी प्रॉब्लम तो निश्चित तौर पर क्रिएट होनी ही होनी है क्योंकि तो भारतीय बाजार में इनका मूल्य अलग-अलग आ रहा है तो एक छोटी सी बात बताइए जब वही क्वालिटी वही क्वांटिटी वही सफेदी वही झाग कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों ले ये ना ले टेंटन टन बताइए ना टेंटन टन -टें तो कोई अरे जब वही वही क्वालिटी क्वांटिटी झाग भाई साहब सब कुछ मिल रहा है तो फिर आप महंगा वाला क्यों लोगे लोगे सस्ता वाला लोगे ना तो हर कोई जब सस्ता वाला ही लेगा तो फिर महंगे वाले की क्या बिसात रह जाएगी भाई साहब फिर तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री फिर खतरे में पड़ गई तो मुझे बताइए यहां पर सरकार को क्या करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू कलेक्ट द कस्टम ड्यूटी बट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या करें ये फिर पहुंच गए सरकार के पास में डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाले सरकार बचाओ 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 अब, अब अब क्या हो हो गया गया भाई मालिक फिर से ऐसे हो गया कि देसी प्रोडक्ट जो है वो महंगा पड़ रहा है विदेशी सस्ता पड़ रहा है सरकार उनकी सरकार कितनी प्यारी है तुम भी इतने प्यारे बन जाओ या तो हमें भी सब्सिडी दे दो या फिर उनकी सब्सिडी को छीन लो जगीरा उनकी सब्सिडी को छीन लो जगीरा सब्सिडी को कैसे छीना जाएगा कौन बताएगा जगीरा सब्सिडी को छीना कैसे जाएगा बोलिए सब्सिडी को कैसे छीन सर सब्सिडी के इफेक्ट को दूर कर दीजिए और यहां पर एक काम करो एक एडिशनल ड्यूटी आप इंपोज कर दीजिए <laughs> हम क्या करेंगे इसके ऊपर हम एक खतरनाक चाल चल देंगे और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको अस्सी रुपए में आने ही नहीं देंगे जब ये यहां पोर्ट पर होगा उसी समय इसमें एक नई ड्यूटी ऐड की जाएगी सी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल के नाम से उसको जोड़ दिया जाएगा बीस रुपए के हिसाब से इसकी कीमत सौ रुपए ये अस्सी में नहीं सौ में आएगा हा 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 ऐसे करके सरकार ने ये काम कर दिया माय डियर तो इसी प्रकार से हमारा ऑब्जेक्टिव ये चल क्या रहा है पिछले बीस पच्चीस मिनट से टू मेंटेन पेरिटी पेरिटी पैरिटी दैट्स इट माइडिया एक और बात बताओ चलो अगर कोई एक्सपोर्टर वहां से अपने वतन से इंडिया में कोई माल भेज रहा है और वो नॉर्मल प्राइस से भी कम प्राइस पर भेज रहा है सौ का माल था भाई साहब ओ बाब जी और सत्तर में सप्लाई कर रहा है इंडिया के अंदर मैं तो कह रहा हूं कॉस्ट से नीचे भी आ गया क्यों क्योंकि तो उसको लगता है कि उसके प्रोडक्ट में दम है और वो सस्ते दामों पर इंडिया में बेचेगा इंडियन को अपने प्रोडक्ट का टेस्ट चखाएगा और एक बार मुंह पर खून लग जाता है तो बार बार फिर उसी की याद आती है साहेब उसको लगता है कि इंडिया में मेरा प्रोडक्ट अगर एक बार लोगों को पसंद आ गया तो भाई साहब फिर जीवन भर में मौज करूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहले मार्केट शेयर तो बना लूं इंडिया में अपने पांव तो जमा लूं एक बार इसलिए कम दामों पर बेच रहा है तो मुझे बताइए क्या इंडिया के लिए स्थिति ठीक है तो। ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसे कि गेहूं में घुन लग जाना लकड़ी में दीमक लग जाना पता भी नहीं चलेगा और इंडस्ट्री यहां पर अंदर ही अंदर खोखली हो जाएगी मालिक तो क्या किया जाए तो वहां से वो प्राइसेस को डंप कर रहा है इस प्राइस तरह से प्राइस को नीचे करना बोलते हैं डंप ऐसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में अरे इसने उसको डंप कर दिया ऐसे करके बोलते हैं ना इसने उसको डंप डंप कर दिया तो डंप करना मतलब छोड़ना छोड़ना डंप करने का मतलब है छोड़ना नीचे गिराना गिरना प्राइस की डंपिंग कर दी अब वो तो का आ जाएगा लेकिन मेरा भाई साहब का ये देसी वही क्वालिटी वही क्वांटिटी वही सफेदी वही झाग तो भाई साहब कम दामों में मिल रहा है तो सारे के सारे विदेशी को लेंगे ना देशी को कौन पूछ रहा है तो यहां पर आकर क्या किया जाए तो यहां पर पैरिटी मेंटेन करने के लिए हा 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 जगीरा पकड़ा गया भाई साहब रख कर लो डंपिंग रख रे अंग्रेजो जो रख तुम कर रहे हो डंपिंग और हम कर देंगे ऐसी कि तैसी हम लगा देंगे यहां पर नई ड्यूटी एंटी डंपिंग का मतलब यह है कि छोड़ो छोड़ो वायरस वायरस जितने छोड़ने हैं तुम छोड़ो और हम भी भाई साहब बॉर्डर पर लेकर बैठे हैं एंटी वायरस बिकॉज वी वॉन्ट पैरिटी वी वॉन्ट पैरिटी वी वॉन्ट पैरिटी ठीक है तो इसलिए हमारा जो कस्टम लॉ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना मालिक वो रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं है बल्कि इकोनॉमी को मैनेज करना है अब मेरी बात समझिए जब एक पायलट जहाज को उड़ाता है तो उसे कई सारी चीजों को ध्यान रखता है किसी लीवर को आगे करता है किसी को पीछे किसी को दाएं किसी को बाएं किसी को कुछ बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हुए तब वो प्लेन को उड़ाता है ऐसे ही हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर को भी कई सारे फैसले लेने पड़ते हैं किसी की प्रोडक्ट को रेट ऑफ टैक्स कम करना होता है किसी का ज्यादा करना होता है किसी की एग्जाम्पन देनी होती है किसी की एग्जाम्शन विड्रॉ करनी होती है बहुत सारे फैसले लेकर तब देश की इकोनॉमी को वो उड़ाते हैं लेकिन आजकल उड़ नहीं रही है इकोनॉमी तैर रही है और डूबने वाली ऐसे मतलब अंडर अंडरग्राउंड जा रही है आजकल उड़ नहीं रही है ठीक है ना वैसे करके तो ऐसे उड़ाया जाता है इकोनॉमी नाम के प्लेन को ऐसे उड़ाया जाता है साहब अगर सरकार का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पैसे ही अर्न करना होता रेवेन्यू ही कमाना होता मालिक तो तुझसे एक बात बताओ क्या सरकार कभी भी एग्जाम्शन देती द आंसर इज नो और हैवी हैवी टैक्स रेट लगाकर सरकार वहां पर चलती साहब तो इस प्रकार से अनेकों अनेक, अनेक ड्यूटियां ड्यूटीज हैं जिनको सरकार यहां पर लेवी करके चलती है तो बोला गया है कि इकोनॉमी को मैनेज करना टू डू� कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ कस्टम ड्यूटी रेगुलेटिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें उनके यहां पर हैं और बेसिक कस्टम ड्यूटी सीवीड्री वन थ्री फाइव सब्सिडाइज आर्टिकल एंटी डंपिंग ड्यूटी एटसेट्रा अलग अलग ड्यूटीज लगाई जाती हैं लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही यार ये सरकार कर क्या रही है एक चोट इसकी मारी। एक कभी, CVD ये कभी, ये कभी ये लगा दी कभी ये लगा दी कभी ये लगा दी कभी ये लगा दी भाई सब अलग अलग ड्यूटी क्यों लगा रहे हो चुनमुन टाइप ड्यूटी क्यों लगा रहे हो रख रह पुरानी कहावत है भाई कर रहा है रह। अरे भाई सौ सुनार की ना अलग एक लोहार की मार दो अरे मतलब यू है भाई कि ये क्या अलग अलग नामों से चुनमुन चुनमुन ड्यूटी लगा रहे हो अरे रह डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है ना तो भाई गाड़ दो एक ही ड्यूटी को ढंग से लगा दो डेढ़ सो दो सो पांच सो परसेंट की ड्यूटी लगा दो मजाल जो प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट भी हो जाए हो ही नहीं सकता इंपोर्ट बोलो ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा भाई ढंग की लगा दो एक बारी ये क्या सुनार से चोट मारे लोहार की कसके मारो ना चोट काम ही खत्म है खल्लास दो भाई साहब बिल्कुल बॉर्डर पे ऐसे करके लेकिन नहीं अगर हमने लठगाड़ दिया ना तो भाई साहब बाकी कंट्री वालों के पास भी लठ है वो भी लठगाड़ देंगे और हर व्यक्ति अपने बॉर्डर पे लठगाड़ देगा तो ये इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा हर व्यक्ति अगर अपनी अपनी समस्या का बहाना लेकर छुट्टी ले लेगा ले तो ये जंग कैसे जीती जाएगी मथुरादास अगर हर व्यक्ति अपना अपना हित सोचकर अपने देश की इकोनॉमी को सोचकर लठ देगा बॉर्डर पे तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा और फिर क्या बात का कस्टम लॉ की एफटीपी और क्या बात का एग्जाम ऐसे लठ नहीं गार सकते और कोई तो है जो लठ नहीं गाड़ने देगा और कोई तो होना चाहिए जो लठ नहीं गाढ़ने देगा कोई मुझे बता सकता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनको सुपरवाइज और कंट्रोल करता है एक बड़ी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं मालिक जरा पहले तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा और उसके बाद उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा एक छोटी सी बैकग्राउंड की चर्चा मैं आपसे यहां पर कर रहा हूं हाँ एक छोटी सी बैकग्राउंड है आज इंट्रोडक्शन चल रहा है मालिक इंट्रोडक्शन क्या इंट्रोडक्शन और हेलीकॉप्टर व्यू ठीक है बैकग्राउंड ये है अच्छा मैं बात कर रहा हूं आपसे जरा मुझे बताइएगा जीएसटी आने से पहले क्या था प्री जीएसटी आप जानते हैं कि जब इंटर स्टेट मूवमेंट हुआ करते थे तो उसमें सीएसटी लगाया जाता था राइट उसमें सीएसटी आपका लगाया जाता था राइट सर तो वो कैसे लगता था थोड़ा सा बताओ कि गाइड करोगे उसके बारे में हाँ बता देंगे सर जी अगर मान लीजिए यूपी से माल हरियाणा अगर जा रहा है तो यहां पे इस घटना के दौरान लगाया जाता था वैल्यू आई यहां पर सौ रुपये की और जो सी लगता था दो परसेंट से दो रुपये का लग गया एक सौ दो ये हो जाया करता था राइट सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे इतना बताइए जो लॉ बना था सी अच्छा ये पैसा किसके पास में जाएगा जो रेवेन्यू था ऑफ रूपीज टू ये किसके पास में जाया करता था ये स्टेट को जाया करता था पैसा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाया करता था कौन बताएगा अरे मेरा बच्चा राहुल आनंद आई लव यू सर अरे मेरा बच्चा 2015 बैच स्टूडेंट मेरा लाल मेरा काला मेरा पीला हाँ जी मुझे बताओ ना रेवेन्यू ऑफ रुपी टू जो सीएसटी का रेवेन्यू है ये भाई साहब जाएगा तो किसको जाएगा स्टेट को जाएगा या फिर सेंटर को जाएगा इतना बता दो तुम तो मुझे स्टेट को या सेंट्रल को सर ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा वेरी गुड ये जाएगा जी स्टेट गवर्नमेंट को और कौन से वाले स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और उसमें भी यूपी गवर्नमेंट को जाएगा ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया जी नो no डाउट जब ये यहां पर जाएगा तो हमारा जो सी है इसकी फुल फॉर्म क्या है फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल्स टैक्स क्यों भाई साहब जब इसका कलेक्शन स्टेट इस के द्वारा किया जा रहा है तो ऐसी की तैसी सेंट्रल वर्ड का क्या मतलब है यहां पर फिर सेंट्रल वर्ड का मतलब क्या है सीएसटी फिर तो इसको एसएसटी होना चाहिए था स्टेट सेल्स टैक्स वाई द नेम इज सीएसटी अब यहां पर आकर मैं एक चीज और बता दूं वो इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि लॉ जो है ऑफ सीएसटी वो मेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है मालिक <coughs> वो मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है साहिब वो मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है अब सवाल ये उठता है कि जब पैसा जा रहा है सेंट स्टेट गवर्नमेंट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में क्यों स्थिति करा रही है यहां पर आकर भाई साहब लॉ बनाकर क्या जरूरत पड़ रही है पैसा खा रहे हैं वो मेहनत कर रहे हो तुम ऐसा क्यों किया गया कि लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया अब पॉइंट मेरा यही है क्वेश्चन मेरा यही है कि ऐसा क्यों किया गया दिस इज माई क्वेश्चन कि लेवल का क्यों बनाया गया यहां पर आकर मैं बताऊं या तुम बताओगे सर सीएमए फाइनल का एक्स्ट्रा पोर्शन कैसे कवर होगा हम करा देंगे आपको चिंता मत कीजिए जो सीएमए वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आज कल मैं अनाउंस कल, कल 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 या परसों अनाउंसमेंट करूंगा उनके लिए मैं कि उनका जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बनता है सीए से अलग वो मैं उनको अलग से कवर करा के दूंगा ठीक है जी यस yes, सर तो मालिक यहां पे आइए तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था वॉइस उसका जवाब दे रहा हूं देखो यूपी है हरियाणा है जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो वहां पर आकर आपका ये सीएसटी लगता है कि यहां से माल यहां गया यहां से पंजाब गया तो सीएसटी की बात आएगी पंजाब से राजस्थान तो सीएसटी की बात आएगी तो ये क्या था कि अलग अलग स्टेट के बीच में जब कारोबार किया जा रहा है तो ये लग रहा है अगर मान के चलिए ये जो सीएसटी का लॉ है अगर ये स्टेट लेवल का लॉ होता माय डियर तो हर एक स्टेट का अपना अपना लॉ होता इनका अलग होता इनका अलग होता इनका लॉ होता लाल रंग का इनका लाल रंग का होता इनका लॉ नीले रंग का नीले रंग का होता और भाई साहब इनका लॉ हरे रंग का होता सबके लॉ अलग अलग रूप में दिख रहे होते है ना ये कुछ गाता ये कुछ बजाता इसे कुछ सुनाई आता ये कुछ और ही करता मतलब जो एक मतलब जो सेलर है उसका लॉ अलग है बायर का लॉ अलग है दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग हो रही है ऐसी की तैसी मच जाती वहां पर आकर अगर सीएसटी का लॉ स्टेट लेवल पे बना हुआ होता सो so, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया इन सभी के बीच में नीड अ यूनिफॉर्म लॉ इंटरस्टेट ट्रेड के लिए नीड अ यूनिफॉर्म लॉ की यहां पर आवश्यकता थी इसी कारण से मेरे बच्चा मेरे लाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर आकर सी बनाया जो सबके लिए यूनिफॉर्म तरीके से था स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकते थे इसलिए यहां पर इसका नाम आया सी थी। ठीक है अब जरा आओ मेरी बात यह चीज तो मैंने आपको बता दी लेकिन असल चीज मैं नहीं बताऊंगा ये बात हो रही जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं जब इंटर स्टेट की बात है अगर मैं बात करूं कि चर्चा करके चलो इंटरनेशनल की तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर बात इंटरनेशनल लेवल पे आ जाए तो जहां यूपी हरियाणा आ रहे हैं मेरे बच्चा वहां पर आ जाएगा कहीं इंडिया दिख रहा होगा कहीं पर जापान दिख रहा होगा कहीं हो पर जर्मनी दिख रहा होगा कहीं पर कुछ दिख रहा होगा कहीं पर यूएसए दिखाई दे रहा होगा तो ऐसे करके ये अलग अलग कंट्री आपस में यहां पर आ रही होंगी। तो जिस प्रकार से स्टेट के बीच में एक यूनिफॉर्म लॉ की आवश्यकता थी मालिक से करके तरीके से मुझे बताइए इन इन कंट्रीज के बीच में भी एक यूनिफॉर्म लॉ की आवश्यकता है या नहीं है बताइए आप मुझे कंट्री के बीच में भी यूनिफॉर्म लॉ की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी हां सर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो बिल्कुल ठीक बात चल रही है साहब तो इनके लिए भी मुझे एक यूनिफॉर्म लॉ चाहिए अब यूनिफॉर्म लॉ कैसे बनेगा अब ये तो है नहीं कि भाई कोई तमाम कंट्रीज को पर के ऊपर एक बॉडी आके वो लॉ बना कर दे ऐसा तो हो नहीं सकता तो लॉ तो कंट्री के अपने अपने रहेंगे लेकिन उनकी जो एक एडमिन बॉडी होगी वो यहां पर यूनिफॉर्म कर दी गई इन स्टेट को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई राजधान सुनिए स्टेट को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई लेकिन कंट्री को कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा अरे कोई ऊपर तो हो वो है सुपर पावर डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनके ऊपर बैठा हुआ है इन तमाम कंट्रीज की लगाम इसके हाथ में आ रखी है डियर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में तो जब भी और एक बात बताऊं ये जो कस्टम लॉ है ना ये आपका किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं ये हर कंट्री का लगभग एक ही जैसा लॉ है इस बात को सुनिश्चित करता है डब्ल्यू ताकि एक्सपोर्टर इंपोर्टर की सोच और समझ एक जैसी बनी रहे माइडियर Is it okay? इसलिए इंटरनेशनल लेवल का लॉ कहा जाता है और यही कारण है कि इंडिया में जीएसटी आया भाई सब तरह, तरह के टैक्सेस हो गए लेकिन कस्टम लॉ आपका सबसे नहीं हुआ कस्टम लॉ आपका खत्म नहीं हुआ इसलिए आपके सिलेबस में जीएसटी और कस्टम आज भी जिंदा है बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैं तो ठीक ही बोलता हूं साहब यस सर तो इसलिए ये डब्लू का यहां पर रोल आ जाता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कराने के लिए अब आ जाओ जरा यहां पर अब मुझे बताइए जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाई साहब ये क्या सौ सुनार की ना एक लोहार की या लठ गाड़ने की बात चल रही थी क्या यहां पर लठ गाड़ा जा सकता है कि ले भाई साहब पांच की ड्यूटी लगा दी ऐसी की तहजीब देगा भाई कौन इंपोर्ट कर लेगा ये लठ डब्ल्यू नहीं गाड़ने देगा तो बोलेगा भाई साहब हम कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड बाधित हो आप अगर कोई नई ड्यूटी लगा रहे हैं एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा रहे हैं तो आपको वो नई ड्यूटी जस्टिफाई करनी पड़ेगी आप इंपोर्ट ड्यूटीज को अनयूजली लगाकर इस इंटरनेशनल ट्रेड को बाधित नहीं कर सकते आप करोगे फिर दूसरा कंट्री करेगा फिर तीसरा करेगा फिर चौथा करेगा और इंटरनेशनल ट्रेड की ऐसी की तैसी यहां पर हो जाएगी इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते यू विल हैव टू जस्टिफाई ईच एंड एवरी ड्यूटी मालिक यहां तक बात समझ में आ गई हो तो हां बोलो हां उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं प्रभु जी मुझे बताइएगा मालिक <coughs> मुझे बताइए बाबू फिर मैं आगे बढ़ता हूं हाँ सर जी ठीक है बढ़ जाए यस सर आगे बढ़ने पर क्या निकल कर आता है सुनो जरा हमारी बात तुम लोग <coughs> यहां पर आकर प्रभु जी ये कह रहे हैं रेट्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी की यहां पर बात आपसे चल रही है ठीक है जी इन कस्टम टेरिफ एक्ट नाइनटीन की हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ कस्टम ड्यूटीज का मतलब क्या है देखो यहां आर्टिकल्स के ना कोड दिए हुए होते हैं प्रत्येक आर्टिकल का एक कोड होता है मालिक ठीक है और उनके क्या नाम है यहाँ डिस्क्रिप्शन होते हैं रेट ऑफ ड्यूटीज होते हैं वैसे करके रेट ऑफ ड्यूटीज में दो प्रकार के रेट आपको देखने के लिए मिलते हैं कि स्टैंडर्ड रेट होता है और एक आपका एस टी डी स्टैंडर्ड रेट हो गया और एक आपका होता है साहब जो प्रीफ्रेंशियल रेट होता है एक आपका यहाँ पर होता है और हर एक आर्टिकल का अपना एक कोड भी होता है जनरल रेट ऑफ बी सी डी दस परसेंट का है लेकिन कुछ आर्टिकल्स पे ये ज्यादा भी निकल जाता है लेकिन आपको रेट्स वगैरह याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है साहब वो क्यों नहीं है क्योंकि इसलिए आवश्यकता नहीं है आ, क्योंकि साहब जो रेट्स हैं आपके ना मैं आपको बता दूं तो आ, जो रेट्स हैं आपके दरअसल तो वो एग्जामिनेशन के अंदर आपके दिए हुए होंगे तो आपको रेट्स वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है चलो एक काम करते हैं अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चर्चा को पुनः हम आगे बढ़ाएंगे तो आपका ब्रेक और ब्रेक का टाइम है आपका पंद्रह मिनट का ठीक है ठीक पंद्रह मिनट के बाद हम आपसे वापस मिलते हैं ठीक है सर जी तो ब्रेक फिफ्टीन मिनट्स आफ्टर दैट हम आपसे मिलते हैं ठीक है यस वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक स्टार्ट करें हाँ सर जी कर दो तो आओ भाई जरा मेरे साथ में यहां पर आप लोग हम्म शिवम रजत अमन शौर्य कृष्णा आ जाओ सभी लोग ठीक है चलो जी तो मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई आगे चल के हम बात करते सारी चीजें क्रमवार तरीके से हमारी चल रही हैं कि क्यों है क्या है कैसे है अगला पॉइंट जो निकल के आता है वो है हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो मोड हैं वो कौन कौन से हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं एक जल हो गया एक थल हो गया और एक आपका वायु हो जाता है जब हम जल की बात करते हैं तो वैसल की चर्चा आ जाती है जब थल की बात करते हैं तो व्हीकल की बात आ जाती है और जब वायु की बात करेंगे तो एयरक्राफ्ट की बात होगी लेकिन इनके ठहरने और इनकी लैंडिंग और लाइक टेकिंग ऑफ की जो प्लेसेस हैं उनको क्या बोलते हैं जैसे एयरक्राफ्ट की बात करूं तो उसके लिए बोला जाता है होता है एयरपोर्ट ठीक है जी जो लैंड रूट के माध्यम से ट्रक वगैरह के लिए होता है उसे बोलते हैं लैंड स्टेशन और वैसल के लिए बोला जाता है पोर्ट लेकिन मैं क्या देख रहा हूं हरेक के अंदर लिखा है कस्टम वर्ड कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन क्या हर एक पोर्ट कस्टम पोर्ट नहीं होता और अगर होता है तो फिर कस्टम पोर्ट कस्टम वर्ड लिखने की अलग से जरूरत नहीं है कारण यही है डियर हर एक पोर्ट कस्टम पोर्ट नहीं होता है अब जैसे मान के चलिएगा जैसे मैं आपसे बात करता हूं अब जैसे ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है ठीक बात है हाँ सर जी एकदम ठीक है तो भाई मेरे बात समझो यूं तो कई सारे सैकड़ों पोर्ट हो सकते हैं यहाँ पर पानी समंदर का जहा जहां किनारा आ रहा है है ना लेकिन क्या हर एक पॉइंट पर ये संभव है कि कस्टम अधिकारी को वहां पर बिठा दिया जाए और तमाम प्रकार की लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मौजूद करवाया जाए क्या यह संभव है नहीं सर यह बिल्कुल भी संभव नहीं है तो क्या किया जाता है मैं आपको बताऊं इनमें से जो आपके पोर्ट हैं दरअसल जो पोर्ट सरकार को लगता था कि यहां पर हम कस्टमर अधिकारी बैठा सकते हैं या यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है तो उन, उन पोर्ट को सरकार ने कर दिया नोटिफाइड नोटिफाइड बाई सी बी आई सी उनको कर दिया गया जैसे मान लो इस वाले को कर दिया इस वाले को कर दिया इस वाले को कर दिया उनको नोटिफाइड किया गया और नोटिफाइड पोर्ट को बोल दिया गया कस्टम पोर्ट तो इसका मतलब हर एक पोर्ट नोटिफाइड पोर्ट नहीं है यानी हर एक पोर्ट कस्टम पोर्ट नहीं है बाकी जितने भी हैं जो नोटिफाइड नहीं है वो आपके कहे जाते हैं नॉन कस्टम पोर्ट जहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं होगा कोई लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा मौजूद नहीं होगी मन में एक और सवाल आता है सर अगर ऐसी ही बात है फिर तो उसके दुष्प्रभाव क्या निकल के आएंगे इंडिया के बाहर से जब कोई वैसल इंडिया में आ रहा होगा तो भला भाई साहब यहां यहाँ को आएगा वो यहां तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहां आएगा तो इम्पो ड्यूटी चुकानी पड़ेगी वो तो फिर भाई साहब यहां जाएगा नॉन कस्टम पोर्ट की तरफ वहां ना कोई ड्यूटी मांगने वाला है ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसरी भाई साहब वो जाएगा ही नहीं वहां पर तो तो मांगने वाला ही कोई नहीं है ड्यूटी की चर्चा ही नहीं होगी तो यहां के लिए सरकार कहती कि नहीं भैया हमारी बात सुनो आपको आना है तो यहीं आना स्पेशली गवर्नमेंट ने बोला है आना है तो कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट पर ही आना है कहीं और आपने नहीं जाना है जब बात जब बात मार और हां अगर आप गलती से इसकी तरफ चले गए नॉन कस्टम पोर्ट की तरफ चले गए तो हाय लगेगी तुम्हें हाय तुम्हारे इस गुड्स को इस स्मगल्ड गुड्स तुम्हारी हरकत को स्मगलिंग और तुम्हें स्मगलर कहा जाएगा एंड उसके बाद जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग आगे बात समझ में इसलिए रवाई आना है तो कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट पर आना है इधर उधर मत भटक जाइएगा ऐसे ही जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं खैर प्रैक्टिकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारे के सारे नोटिफाइड माय डियर वो सारे के सारे कस्टम एयरपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं लेकिन जो पोर्ट हैं, वो सारे के सारे कस्टम पोर्ट बनाए जाने संभव नहीं थे इसलिए यहां पर ऐसा किया गया है जी आना है तो यहीं आना है दैट्स ग्रेट माईडिया ये बात तो हमारी हो जाती है जी तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये है कस्टम पोर्ट्स की मैं बात आपसे करके चल रहा हूं एक बात और बताइए आप मुझे कि अगर यहां पर मोड की बात हम करके चलें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कौन से माध्यम से होता होगा सर जी होता है ये हम बताएं 75 परसेंट के आसपास का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका बाईसी रूट से करवाया जाता है इसके पीछे क्या कारण है कारण यह है कि बाई एयर बहुत महंगा पड़ता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चीरफाड़ कर देती है और जो व्हीकल की बात करें लैंड रूट की बात करें तो वहां पड़ोसी देशों को छोड़कर बाकी कंट्री के साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं बनती लैंड रूट से इसलिए पांच परसेंट के आसपास का इंटरनेशनल ट्रेड ये लैंड रूट से करवाया जाता है और लगभग ट्वेंटी परसेंट के आसपास का हमारा एयर के माध्यम से करवाया जाता है तो आप यहां पर जो लॉ की टोन देखेंगे उस टोन के अंदर आप ये पाएंगे कि भाई इसमें जो आपका झुकाव है लॉ मेकर का लॉ लिखने का और बातों को समझाने का वो इंपोर्ट की तरफ बहुत ज्यादा है हम्म, और इंपोर्ट में भी वो आपका फोकस बनाएगा मैक्सिमम बाई सी रूट पर क्योंकि अधिकतम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी माध्यम से करवाया जाता है राइट सर यस सर तो ये थे आपके कुछ छोटी सी जानकारी कि भाई सीबीआईसी के द्वारा जो नोटिफाइड है उन्हीं की चर्चा हम करके चलते हैं तो इस प्रकार से आपका पहला डायग्राम खत्म हो जाता है और अब हम बढ़ना चाहते हैं अपने चार्ट नंबर दो की तरफ क्या आप तैयार हैं हां सर जी हम तो तैयार है तो क्या क्या देखा इसके अंदर छोटी मोटी बातें करें इंपोर्ट की बातें करें एक्सपोर्ट की बातें करें इंपोर्ट करने पर इंपोर इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अलग अलग प्रकार के लॉ थे कंबाइन करके कस्टम एक्ट बनाया गया कस्टम टैरिफ एक्ट बनाया गया स्टैंडर्ड रेट प्रेफरेंशियल रेट की हमने बात करी इसके ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना पैरिटी मेंटेन करना ड्यूटीज का कलेक्शन करना और सारा रेगुलेट करके चलना और ये मोड देखे हमने कस्टम पोर्ट क्या होता है नॉन कस्टम पोर्ट क्या होता है क्या सिग्निफिकेंस वो सारी चीजें देखी अब आते हैं अपने चार्ट नंबर दो पर जैसा कि मैंने वाइस जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि हमारा मैक्सिमम जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड सी रूट के माध्यम से करवाया जाता है ठीक है हाँ सर जी तो चलो थोड़ा सा समंदर घुमा के लाते हैं आपको हम तो यहां पर ये जो है आपकी इसे कहते हैं मालिक बेस लाइन क्या बोलते हैं इसे इसे बेस लाइन के नाम से जाना जाता है ठीक है मालिक जी इसे जानते हैं हम लोग बेस राम राम जी मजा आता है आपकी आवाज सुनकर मेरा बच्चा मेरा लाल मेरा काला मेरा पीला ललित गुप्ता हीरो नंबर वन तू सच में हीरो है अब यहां पर आकर बात करते हैं मालिक कि ये बेस लाइन आपकी कही जाती है मैं समंदर की तरफ आपको लिए चल रहा हूं कभी गए हो समंदर वैसे अगर गए हो तो क्या देखा आपने यहां पर मुझे बताओ कभी इस तरह की चीज दिमाग में आई कि भाई साहब ये टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कहां तक है नहीं सर वहां तो दिमाग कुछ और ही होता है कुछ और ही दिमाग में चल रहा होता है कभी ये इस तरह की बात नहीं सोचते ना आप लोग कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक बारह नोटिकल माइल तक का एरिया टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है ऐसे करके कभी आया दिमाग में नहीं सर जी तो भाई मैं आपको बता दू नहीं आया तो यहां देख लीजिए यहां पर टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया जो है आपका वो ट्वेल्व नोटिकल माइल तक अपना कंसिडर किया जाता है ठीक है वो यहां तक की हम बात करके चलते हैं साहब और उसके बाद फिर अगर हम बेस लाइन से ही मीजर करके चले अगर ये जीरो पॉइंट है मेरा तो बेस लाइन से यहां 200 नॉटिकल माइल की जो दूरी है ये एक हमने पैरामीटर यहां पे लगाया है और 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया है इसे कहा जाता है हाई सीज के नाम से हम लोग जानते हैं राइट सर हाई सीज के नाम से इसको जाना जाता है अब सवाल ये उठता है कि यहां पर इनका सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है ये जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया का लेवल आपको दिख रहा है बारोटिकल माइल का ये हम क्यों देख रहे हैं मालिक आप सभी जानते हैं कि ये जो वाला पार्ट है यहां पर ये जो लैंड पार्ट है ये जो आपको यहां लैंड पार्ट दिखाई दे रहा है ये तो इंडिया है ही है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन पानी के अंदर भी इंडिया है बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये जो एरिया है ये भी आपका इंडिया का ही हिस्सा माना जाता है राइट्स ये भी आपका इंडिया ही है इसमें कोई किसी प्रकार की दो राय नहीं है अब एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं इंपोर्ट का मतलब क्या है इंपोर्ट का मतलब यहां इंडियन पोर्ट पर लैंड एरिया में आना या इंडिया में आना जवाब देना इंडिया के बाहर से बाहरी जगह से लैंड एरिया में आना या इंडिया में आना सब इंडिया में आना और इंडिया के बाहर की जगह कौन सी है ऑब्वियस बात है सर टीडब्ल्यू आई के बाद का जो एरिया भाई इंडिया की परिभाषा में नहीं आया उसके इंडिया के बियॉन्ड का पूरा का पूरा एरिया जो है वो आउटसाइड इंडिया ही तो कहा जाएगा तो इंडिया के बाहर से इंडिया में आना अगर कोई भी चीज यहां से यहां तक कि मछलियां भी अरे मैं तो कह रहा हूं भाई साहब एक बंदा है वो मछलियां लेकर आता है पकड़ के लाता है मछलियां जैसे ही यहां से यहां एंटर मारेंगी एंटर मारते ही जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो यहां पर भाई साहब इसको इंपोर्ट कह दिया जाएगा और इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी और मैं कहना चाहता हूं एक्सपोर्ट कैसे कहोगे विदेश तक पहुंचाना एक्सपोर्ट कहा जाता है विदेश तक पहुंचाना एक्सपोर्ट कहा जाएगा या फिर इंडिया के बाहर निकल जाना ही एक्सपोर्ट बन जाता है जवाब तो आपको भाई साहब देना ही पड़ेगा गुरुजी इंटर की वीडियो कब अपलोड करोगे शायद अपलोड पे लगा रखिए आज लेट नाइट तक हो जाएगी चार घंटे के आसपास का वीडियो है आज मिल जाएगा आपको इंटरमीडिएट का ठीक है बड़ा शानदार वीडियो बहुत मजा आएगा आपको तो यहां पर आकर मैं आपसे बात कर रहा हूं साहब जरा देखिए मेरी बात को अगर मैं कहूं कि क्या एक्सपोर्ट का मतलब यहां 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 सपोज यूएसए पोर्ट है तो क्या यहां पर विदेश तक ले जाना एक्सपोर्ट कहा जाएगा ना 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 ऐसा कोई जरूरी नहीं है अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में आना इंपोर्ट है तो इंडिया से इंडिया के बाहर जाना एक्सपोर्ट कहा जाता है यानी क्रॉस कर देना जैसे ही टी डब्ल्यू आई को क्रॉस किया जाता है क्रॉस करते ही नगाड़े ढोल नगाड़े बज उठते हैं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ये एक्सपोर्ट हो जाता है तो याद रखना इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट और इंडिया से इंडिया के बाहर लाना एक्सपोर्ट है यानी कि यहां पर जो डब्ल्यू की लाइन है यह महत्वपूर्ण तो है निर्णायक है टू जज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट राइट यस सर तो पहला पॉइंट आपका यही है कि सिग्निफिकेंस ऑफ टी डिटरमिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगला पॉइंट आता है इंडियन कस्टम वाटर का कि इंडियन कस्टम वाटर कहां तक आपका फैला हुआ है पहले समझिए इंडियन कस्टम वाटर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि अधिकारी लोग जो हैं वो अपनी पावर को इंडियन कस्टम वाटर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं यानी कि किसी डाउटफुल वेसल को उन्होंने सर्च करना हो सीज करना हो किसी बंदे को गिरफ्तार करना हो ये तमाम प्रकार की जो हरकतें होती हैं वो मालिक की जा सकती हैं इंडियन कस्टम वाटर के अंदर पुराने समय के अंदर जो इंडियन कस्टम वाटर था वो यहां 24 नॉटिकल माइल तक ही हुआ करता था यानी यहां से लेकर यहां तक का एरिया जो पानी है ये कहा जाता था इंडियन कस्टम वाटर लेकिन अब इसे बढ़ाकर आगे तक कर दिया गया है यानी कि इसने वाले एरिया के अंदर इस वाले एरिया के अंदर ही किसी वैसल को सर्च सीज और अरेस्ट किया जा सकता था लेकिन अब क्या कर दिया गया है मालिक इसको बढ़ा दिया गया है और यह कर दिया गया है आपका यहां बेस लाइन से लेकर यह जो पूरा एरिया है इसे बोल दिया गया है इंडियन 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 कस्टम वाटर के नाम से इसको जाना जाता है इसका तात्पर्य सीधा सीधा यहां से निकाला जाता है कि भारत की पहुंच बढ़ रही है अंदर तक घुसकर किसी भी वेसल को सर्च सीज और पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है यानी कि अधिकारी अपनी पावर को इंडिया के बियॉन्ड बट अप टू दिस वो इस्तेमाल कर सकते हैं इज इट ओके यस क्या लिखा है यहां पर बताए देते हैं ऑफिसर कैन एक्सरसाइज देयर पावर विद इन इंडियन कस्टम वॉटर दैट सेट डियर आगे बढ़ते हैं मालिक आगे यहां पर क्या निकल के आ रहा है अब जरा बात मेरे ध्यान से सुनिएगा ठीक है सर जी ध्यान से सुनेंगे यहां पर मान के चलिए एक आपका यह है ऑयल रिक्स अच्छा ऑयल रिक्स जानते हो किसे बोलते हैं ऑयल रिक्स हां सर जी आ, समंदर के अंदर ना एक बड़ा सा जहाज इंस्टॉल किया जाता है और उस जहाज पर समंदर के अंदर से क्रूड पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रिल करने की मशीनरीज उस बड़े से प्लेटफॉर्म पे लगाई जाती है वेसल पे लगाई जाती है इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग ऑयल रिक्स के नाम से जानते हैं ठीक है यस सर अब सवाल क्या उठता है मान लीजिए यहां यूएसए पोर्ट यूएसए से हम कोई लाइक मशीनरी वगैरह नॉर्मली इंडिया में मशीनरी नहीं मिलती है उस पर्पज के लिए तो ऑयल रिक्स के लिए कुछ मशीनरी इंपोर्ट करके चलते हैं ठीक है जी यहां पर आ गई मशीनरी और फिर क्या होगा कि जो मशीनरी होगी इसको यहां से कहा ले जाया जाएगा यहां से मशीनरी पहुंचेगी मालिक आपकी नहीं, नहीं, यहां पर आएगी मशीनरी ठीक है यहां इंडिया में मशीनरी नहीं यहां से आएगा क्रूड पेट्रोलियम बेसिकली सॉरी यहां से आएगा ये क्रूड पेट्रोलियम इधर लाया जाएगा अब मुझे एक बात बताइएगा ये जो मशीन का यहां पर हम लेकर आए हैं क्या यह घटना इंपोर्ट कही जाएगी या नहीं इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है आपको बस दो पॉइंट देखने ओरिजिन और डेस्टिनेशन इसका जो ओरिजिन है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है सर जी डेस्टिनेशन यहां पर दिखाई दे रहा है यस सर तो चेक करो क्या ओरिजिन इंडिया के बाहर और डेस्टिनेशन इंडिया के अंदर है अगर ऐसा है फिर तो ये इंपोर्ट कहा जाएगा वरना ये इंपोर्ट नहीं बनेगा तो मुझे बताइए जो ऑयल रिक्स है आपका क्या ये लोकेशन इंडिया का हिस्सा है द आंसर इज नो ये लोकेशन भी इंडिया के बाहर की जगह है तो कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से चलता है और इंडिया के बाहर ही रह जाता है तो इसका मतलब वो इंपोर्ट नहीं हो पाया ये ऑयल रिक्स ऑफ ओ था जी ठीक है ओ का ऑयल रिक्स था वो इंडिया के बाहर ही रह गया इंपोर्ट नहीं हो पाया इंपोर्ट नहीं हो पाया तो ऑब्वियस बात है इंपोर्ट ड्यूटी की यहां पर बात हम नहीं कर सकते हैं इट्स क्वाइट क्लियर राइट सर अब आगे आ गया जाओ जरा अब ये जो क्रूड पेट्रोलियम यहां से आगे ले जाया गया इंडिया में लाया गया इंडिया की सरजमी पर लाया गया क्या इसे हम यहां पर इंपोर्ट के नाम से बुला सकते हैं या नहीं चेक करो ओरिजिन क्या था ये आया कहां से था ये आया था साहब यहां से इस लोकेशन से जो कि इंडिया के बाहर की जगह है और जो डेस्टिनेशन है वो क्या है क्या वो डेस्टिनेशन इंडिया है हां सर डेस्टिनेशन तो इंडिया है इसमें दो राय नहीं है तो ओरिजिन इंडिया के बाहर और डेस्टिनेशन इंडिया में है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये घटना इंपोर्ट आपकी बन जाएगी और इंपोर्ट बनेगी तो इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगा दी जाएंगी अब मुझे बताओ ये जो भी यहां पर हुआ क्या ये सही हुआ यस और नो सर हुआ तो लॉजिकल है लेकिन एथिकल नहीं है यह सही नहीं है क्योंकि देखो ना सर ओ एनजीसी ने ऑयल रिक्स बनाया इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मशीन इंडिया के बाहर से इंपोर्ट हुई जो रियल में अब्रॉड से आ रही है उस पर कोई ड्यूटी ना लगी और दूसरा सब पेट्रोलियम में तो वैसे आग लगी पड़ी है इतना महंगा हो रखा है ऊपर से आप ये ड्यूटी और लगा लो हैं? कल ड्यूटी जब लग जाएगी इसके ऊपर तो तो ये तो और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा सर जी ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ऐसा तो नहीं होना चाहिए मालिक ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर करें तो क्या करके चले साहब तो सरकार ने यहां पर कहा कि देखो हमारा टारगेट क्या है हमारा टारगेट यह है कि यहां पर यहां पर जो बाहर से मशीनरी आ रही है उस पर तो ड्यूटी लगनी चाहिए और जो क्रूड पेट्रोलियम यह इंडिया की सरजमी पर आया है इस पर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए मतलब जहां लग रही है वह नहीं लगनी चाहिए और जहां नहीं लग रही है वहां लगनी चाहिए अब ऐसा कैसे पॉसिबल है अब कोई ऐसा सोल्यूशन निकालो कोई ऐसा तोड़ निकाल के दो जिससे कि हमारे जो टारगेट है वो अचीव यहां पर हो जाए पहले लॉ बनता है कि पहले टारगेट सेट होते हैं बाबू टारगेट सेट होते हैं पहले, उन टारगेट की पूर्ति के लिए लॉ मेकर अपना लॉ बना के चलता है तो एक तीर से दो निशाने मारे सरकार ने इस एरिया को पता है क्या बोला कि ये एरिया जितना भी है इस एरिया को ऑलडिक्स वाले एरिया को हम लोग डीम्ड इंडिया के नाम से जानकर चलेंगे एक डीमिंग फिक्शन यहां पर क्रिएट कर दिया गया कि इतना जो एरिया है ऑयल रिक्स वाला इट विल बी कॉल्ड एज डीम्ड इंडिया इट विल बी कॉल्ड एज डीम्ड इंडिया मेरे बच्चा ऐसा करके इन्होंने यहां पर बोल दिया जी मैं पूछना चाहता हूं आपसे अगर ये डीम्ड इंडिया एरिया है तो अब मेरे प्रश्नों का फिर से उत्तर दीजिए मालिक मेरे प्रश्नों का फिर से उत्तर दीजिए अब जो मशीनरी इंडिया के बाहर से इंडिया अब भाई साहब इधर जो मशीनरी इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रही है मुझे बताइए क्या उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी चेक करो वो इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ ओरिजिन क्या था ओरिजिन यूएसए था सर जी अब डेस्टिनेशन क्या है डीम फिक्शन लग चुका है और जब डीमिंग फिक्शन लग जाते हैं ना साहब तो मैं आपको बता दूं अगर मैं कहूं कि ये डीम्ड स्नेक है तो आप कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते मानते तो अच्छी बात नहीं तो मानना पड़ेगा जबरदस्ती है मानना पड़ेगा आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते हाँ नहीं नहीं हाँ जी तो सांप सांप में तो जहर होता है इसमें तो इंक अपना जो तर्क है अपनी जेब में रखो आवाज नीचे जो कह दिया सो कह दिया डीम फिक्शन जबरदस्ती का सौदा होता है ये मैं नहीं कह रहा हूं लॉ मेकर कह रहा है ठीक है तो यहां पर आकर ये डीम्ड इंडिया बोल दिया अच्छा एक बात और बताओ इसको इंडिया डीम्ड इंडिया बोलने से ये डीम्ड ये इंडिया का क्या हिस्सा बन गया या सिर्फ ख्वाबों ख्यालों और सिर्फ कल्पनाओं में ही इंडिया है क्या डीम्ड इंडिया बोलने से ये इंडिया बन गया नहीं सर डीम्ड इंडिया बोलने से ये इंडिया नहीं बना और सर अगर डीम्ड इंडिया बोलने से ये इंडिया का हिस्सा अगर बन जाता ना सर अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता कि इंडिया बन जाता तो ना जाने हम किस किस को अपना मान लेते तो ये जो फिक्शन होता है और अगर अगर अपना मान लेने से कोई अपना हो जाता तो ना जाने किस किस को अपना मान लेते और समस्याओं का अंत हो जाता लेकिन ऐसा संभव नहीं है ये सिर्फ हमारी कोरी कल्पनाएं होती हैं जो एज्यूम करते हैं कि मान लो ये चीज ऐसे है अपने टारगेट की पूर्ति के लिए तो हमारा टारगेट यही था और वो अब टारगेट में अपने में सफल हो जाएंगे हम तो अगर ये ओरिजिन इंडिया के बाहर था डेस्टिनेशन इंडिया में है तो अब मुझे बताइए इंपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा हां सर जी अब निश्चित तौर पर ये इंपोर्ट यहां पर बना दिया जाएगा तो अब इंपोर्ट हो जाएगा और इंपोर्ट अगर ये बन जाता है तो अब मुझे बताइए यहां पर आकर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी इंपोर्ट बन जाएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी भी इसके ऊपर लगा दी जाएगी अब एक चीज और बताइएगा एक चीज और बताओ जरा अब जो ये क्रूड पेट्रोलियम की हम बात कर रहे हैं अब ये इंपोर्ट की परिभाषा में कवर हो पाएगा या नहीं इंपोर्ट क्या है इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट कहा जाता है राइट सर बिल्कुल राइट है सर जी जब इंपोर्ट कहा जाता है तो ये जो ओरिजिन था ये कहां था इंडिया के इंडिया था या इंडिया के बाहर की जगह थी नहीं सर ये तो इंडिया ही था और डेस्टिनेशन कहां है सर वो भी इंडिया में है तो मूवमेंट इंडिया से इंडिया में ही हो रहा है मतलब यहां पर कोई किसी प्रकार का इंपोर्ट नहीं है और इंपोर्ट नहीं तो इंपोर्ट ड्यूटी की भी बात नहीं करी जाएगी तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि यहां ड्यूटी लगनी चाहिए और यहां नहीं लगनी चाहिए उस ऑब्जेक्टिव की पूर्ति हमारे इस डिमिंग फिक्शन से हो जाती है और यही सरकार ने यहां पर आकर मालिक कर दिया है इज इट ओके यस सर लेकिन ये जो डीम्ड इंडिया बनाया गया है ये किसके द्वारा बनाया गया है बाई मैरी टाइम जोन एक्ट एक मैरी टाइम जोन एक्ट है उसके मुताबिक इंडिया के मीनिंग को एक्सटेंड करने की पावर सरकार के पास में है और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको आगे बढ़ाया गया है तो सीधी बात यह हो गई कि इंडिया का मतलब कस्टम एक्ट के मुताबिक क्या निकल के आता है लैंड पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और साथ में टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया भी इसका हिस्सा बन जाएगा नो no डाउट और मैरिटाइम जोन एक्ट 1964 1976 के मुताबिक जो सिचुएटेड इन दिस एरिया ये जो एरिया है ना यहां पर ये वाला जो एरिया होता है अपना पता है इस एरिया को क्या बुलाते हैं हम लोग हाँ सर जी इसको बुलाते हैं बाबू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से बुलाते हैं ईईजेड के नाम से बुलाते हैं आप बता सकते हो ये इफेक्टिवली एरिया कितना है दो बैरियर्स के बीच का हा सर जी बता देंगे देखो ये एरिया हो गया जी आपका भाई यहां तक अगर देखा जाए तो बारह नॉटिकल माइल का पॉइंट था और ये स्केल पर है 200 नॉटिकल माइल का तो इफेक्टिवली ये एरिया आपका 188 नॉटिकल माइल का इफेक्टिव एरिया ये आपका हो जाता है ठीक है ना हाँ सर जी एकदम ठीक है तो इड e -E और अगर आप इसके अंदर डुबकी लगाओगे नीचे जहां मूवी देखिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा समंदर के अंदर जाते हैं तो निचली वाली जो सतह होती है ईजेड e ऊपर -E वाले हिस्से को बोल दिया सरफेस को जो निचली वाली जगह होती है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से उसे जाना जाता है तो ईजैड e -E या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर जो भी ऑयल रिक्स पाए जाते हैं उनको यहां पर डीम्ड इंडिया के रूप में कंसिडर किया जाता है और अकॉर्डिंगली वो अपने यहां पर एप्लीकेबल कराए जाते हैं तो प्रैक्टिकली इज द मीनिंग ऑफ इंडिया लैंड पार्ट ऑफ इंडिया प्लस ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स एंड ईड यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जितने एरिया में ऑयल रिक्स हैं उतने एरिया को भी डीम्ड इंडिया ही कहा जाएगा राइट यस सर उसके बाद मेरे बच्चा आगे बढ़ते हैं और यहां पर लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ इज एड रेलिवेंट फॉर ऑयल रिक्स केस ओनली एंड एरिया इन ई इज एड ऑयल रिक्स लोकेटेड एज ए पार्ट ऑफ द इंडिया एज पर मैरिटाइम जोन एक्ट नाइनटीन सेवनटी सिक्स क्या मैं आगे बढ़ जाऊं हां बोलो हाँ हाँ सर जी बढ़ जाइए क्योंकि यहां पर हमने बेसिकली टी डब्लू आई का मीनिंग देखा इंडियन कस्टम वाटर देखा और ये जो इंडिया है इंडिया की क्या परिभाषा है वो हमने यहां पर देखा है और सबकी क्या रोल और सिग्निफिकेंस है वो हमने यहां पर देख लिए हैं आगे बात करते हैं आगे सिलसिला उठ रहा है कुछ एक डेफिनेशन को लेकर पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ टेक्निकल टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एज वी ऑल नो वेरी वेल हम किसी भी टैक्सेशन एक्ट के अंदर क्यों ना बात कर रहे हैं अच्छा इस चार्ट नंबर तीन के अंदर ना हम कई सारी डेफिनेशन हैं कई सारी टेक्निकल टर्म्स जो इस्तेमाल की जाती है ना मालिक हम उनकी यहां पर बात आपसे करने वाले हैं ठीक है जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है क्या जरूरत पड़ती है दूसरा ये एफ वैल्यू क्या होती है सीआईएफ वैल्यू क्या होती है एफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है है ना एंड उसके बाद में फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम एफ ओ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फिर उसके बाद में ये बिल ऑफ लीडिंग नाम का डॉक्यूमेंट क्या होता है एयरवे बिल क्या होता है डिलीवरी ऑर्डर क्या होता है यानी कि जो टेक्निकल वर्डिंग्स आपके लिए इस्तेमाल होने वाली है एंटायर कस्टम लॉ के अंदर तो वो सब हमें पहले से पता होगा तो शायद हम अच्छे से बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे ठीक है जी ओके सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहाँ तक ही चलेंगे उसके बाद देखेंगे ये बिल ऑफ लीडिंग क्या है है ना इम्पोर्ट मैनिफेस्ट क्या है और ये बिल ऑफ एंट्री की एप्लीकेशन क्या होती है तो इतने सारी टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल यहां पर हमें सिखाया जाएगा कि ये क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है यहां पर आपके लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड का मालिक <coughs> अब किसी भी टैक्सेशन लॉ को देख लीजिए रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है जीएसटी में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एक्साइज में भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ा करती थी वेट सीएसटी हर एक टैक्सेशन लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन तो करवाना जरूरी होता ही होता है है ना हाँ तो बोल दो हां सर जी हाँ एकदम ठीक कह रहे हो अरे मैं तो ठीक कहता हूं भाई तो ऐसे ही अगर एक व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो बताओ जरा कलेजे पे हाथ रख के क्या उस बंदे को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी हाँ सर डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करवाया जाता है बाई ऑपटेनिंग बाई ऑपटेनिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता कहां से है तो जरा एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करना एक होती बाबू आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होती है ठीक है और एक होती आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर तमाम प्रकार के टैक्सेशन लॉ आ गए और वेरियस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स आ गए जिससे आपका कस्टम डिपार्टमेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ही आता है ठीक है यस सर और जो आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होता है इनका काम होता है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना कि हम कारोबार को कैसे बढ़ाएं तो जो कारोबार है जो बिजनेस है उसके बारे में आया कहां गया कैसे गया क्यों गया वो सारा पैसा ये संभालते हैं और कारोबार ये संभालते हैं ठीक है थेके? तो यहां इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इसका जो मुख्य अंग है जो कॉम्पोनेंट है वो है DGFT डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 36 रीजनल ऑफिस इसके ऑल ओवर इंडिया है जो दिन रात दिन रात यही सोचते रहते हैं इनका वर्क यही है एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए और इंपोर्ट को कैसे नीचा दिखाया जाए बस यही सोचते हैं मैं बताऊं इसी सोचने के चक्कर में इन्होंने बना डाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के निर्माता निर्देशक डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ही होते हैं मालिक आपका कस्टम लॉ इधर साइड में आता है आपका लॉ इधर साइड में आता है लेकिन जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये बनाई है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने बनाई है कारोबार ये संभालते हैं तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है ना मालिक वो भी दिया जाता है डीजीएफटी के द्वारा दिया जाता है इनकी अपनी वेबसाइट है डी जी एस टी इन करके वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लगभग 500 सौ रुपए के आसपास की फी होती है वो भरिए आपको ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाता है टेन डिजिट का ये सर्टिफिकेट होगा इसको फॉर्म जो आपको जाके फिलअप करना है वो है ए एन एफ टू ए करके फॉर्म है ए एन एफ का मतलब आयात निर्यात फॉर्म आयात का मतलब इंपोर्ट होता है निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट और फॉर्म का मतलब फॉर्म ही होता है तो जो आयात निर्यात फॉर्म है ना तो वो आपको यहां पर फाइल करना होगा और उसके मुताबिक आप यहां पर काम कर पाएंगे तो इस तरह से यहां पर बात की जाती है तो बोला गया इट इज ए रेफरेंस नंबर फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइक ए रजिस्ट्रेशन नंबर आयात निर्यात फॉर्म डी डॉट लेकिन कुछ मामलों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे मान लीजिए अगर आप इंडिया के बाहर घूमकर आए तो आपके हाथ में कुछ लगेज वगेज होगा कि नहीं होगा बताइए ना कुछ सामान सुमून लेकर आओगे या नहीं आ, खाली हाथी आ जाओगे मुंह लटका के नहीं सर अपने लिए भी कुछ लेकर आएंगे हमें विदेशी चीजों का शौक है चीजों का ही शौक रखना किसी और का नहीं ठीक है जी हमें विदेशी चीजों का शौक है सर जी और, और हमारे जो दोस्त हैं जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ मंगा रखा है किसी ने हैंडी कैम किसी ने कैमरा तो ये सामान आप लेके आते हो विदेश से तो क्या इसके लिए भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा द आंसर इज नो तो जो भी आपका ये पर्सनल लगेज होता है कस्टम की लैंग्वेज में उस पर्सनल लगेज को बैगेज के नाम से जानते हैं तो जो बैगेज इंपोर्ट किया जाता है उस बैगेज के लिए हमें जरूरी नहीं है मालिक कि हमारे पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड पहले से हो राइट और दूसरा अगर मान लीजिए हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं बाई पोस्ट तो बाई पोस्ट जब इंपोर्ट करते हैं तो हम तो घर पे बैठे रहते हैं हमारे पास में जो इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन आता है इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन आता है हमारा पार्सल लेकर हम उसे ही ड्यूटी पकड़ा देते हैं और उससे अपना पार्सल ले लेते हैं ऐसे में हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की आवश्यकता नहीं पड़ती आगे चल के बताऊंगा मैं आपको जैसे आपने देखा होगा हर कंट्री में दो तरह के हवाई अड्डे होते हैं एक डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए होता है और एक आपका इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए होता है राइट right? हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है तो एक वो हो गया जी डोमेस्टिक एयरपोर्ट एक हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस होते हैं एक होते हैं डोमेस्टिक पोस्ट के लिए पोस्ट ऑफिस और एक होते हैं इंटरनेशनल पोस्ट के लिए पोस्ट ऑफिस उनको हम फॉरेन पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं और वो हर कंट्री में दोहरे प्रकार के अपने पोस्ट ऑफिस होते हैं राइट तो जब हम इंपोर्ट बाय पोस्ट करते हैं एक्सपोर्ट बाय पोस्ट करते हैं तो वो सब उसी इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही रूट आउट किया जाता है और उसी इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन होगा वो हमारे घर पार्सल लेकर आता है लेकिन उसके लिए हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का होना आवश्यक नहीं होता है और भाई साहब ये आपका ना दस डिजिट का टेन डिजिट का ये एक कोड यहां पर होता है क्या आप देखना चाहेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हाँ, सर जी दिखा दो तो आइए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आकर <coughs> ये राजी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ये ऊपर क्या लिखा है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जी ध्यान दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनकी तरफ से जाता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड ठीक है इनके द्वारा इश्यू किया गया है सीजीओ ऑफिस न्यू बिल्डिंग सीविंग मुंबई ओके आगे सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड यानी आईईसी है नाम आ गया जी पता आ गया व्यक्ति का फोटोग्राफ आपको फोटोग्राफ भी वहां पर साथ में देना होता है एप्लीकेशन के साथ में जो कि चिपक के यहां आता है और ये हो गया जी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो कि टेन डिजिट का होता है आप डिजिट गिन सकते हैं वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन करके हैं और जारी करने की तिथि इसका जो पेन है वो भी यहां पर आ गया और यहां पर एक स्टैंप लग जाती है और ये आपका वैलिट रहता है ठीक सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें तो कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है तो ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है इसी के आधार पर आप इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो ठीक है ठीक है सर जी इंटर का रिवीजन वीडियो आज ही आ जाएगा भाई चिंता ना करो आप लेट नाइट आएगा आज ही आएगा ठीक है ना हाँ सर जी एकदम ठीक है तो ये आ गया जी आपका इनपुट एक्सपोर्ट कोड यहां पर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है चलो जरा मेरे साथ यहां पर आने के बाद में ये तो हो गया जी हाँ सर जी, अब उसके बाद आपको ना दो टेक्निकल टर्म्स देखने को मिलती हैं एक होती है मालिक एफ ओ बी वैल्यू और एक होती है सी आई एफ वैल्यू अब एफ ओ बी वैल्यू क्या है क्या आप जानते हैं जानते हैं तो बताओ नहीं तो हम बताए देते हैं F.O.B बी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड बोर्ड का मतलब क्या बोर्ड मतलब जहाज जहाज में चढ़ा देना बोर्ड मतलब चढ़ा देना या जहाज में लोड कर देना फ्री ऑन फ्री ऑन बोर्ड जहाज में चढ़ा देना तो कहने का मतलब यह है एफओबी का F.O.B वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड उसमें जहाज में गुड्स को चढ़ाने तक के सारे खर्चे शामिल कर दो गुड्स की वैल्यू में गुड्स को जहाज तक चढ़ाने के सारे खर्चे शामिल करने के बाद जो वैल्यू बनेगी उसे एफ वैल्यू के नाम से जाना जाएगा तो यानी कि जैसे यहां से गुड्स चलता है रास्ते में भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन खर्च होती है भाई यहां पर आ गई आपकी ये वैल्यू ऑफ गुड्स आ गई ना हाँ सर जी बिल्कुल ठीक बात है उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन खर्च होती है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ये भी यहां पर आकर खर्च होती है उसके बाद में इसको लोड करवाया जाता है तो जो लोडिंग uh, का एक्सपेंसेस होगा वो भी यहाँ पर करवाया जाता है, है ना तो वो सारे खर्चे यहां तक लोड करने तक के तमाम खर्चे आपको जोड़ देने होते हैं दैट इज ऑल एक्सपेंसेस अप टू दिस पॉइंट विल बी इंक्लूडेड इन एफ ओ बी वैल्यू दैट इज एफ ओ बी वैल्यू इंक्लूड्स लोडिंग चार्जेस ऐसे करके यहां पर हम बात करके चलते हैं मालिक ठीक है जी अब सीआईएफ वैल्यू क्या है सीआईएफ की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट अब यहां रास्ते के अंदर जो इंटरनेशनल मूवमेंट हो रहा है यहां पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आती है यस सर यहां पर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी आती है यस सर तो भाई साहब ये सब जुड़ने के बाद जो आएगा उसे बोल देते हैं सी आई एफ वैल्यू पर ध्यान दीजिए मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं ये सब जुड़ने के बाद तो आ गया लेकिन छोटी सी बात आपकी ये है कि अभी हमारा गुड्स अनलोड नहीं हुआ है अभी हमारा गुड्स अनलोड नहीं हुआ है अनलोड होने से पहले तक का जितना भी खर्चा पानी हुआ है वो सब तो जुड़ेगा लेकिन अनलोडिंग चार्जेस इसके अंदर ऐड नहीं किए जाते यानी एफओबी के अंदर सिर्फ ये दो कंपोनेंट जोड़ दीजिए बस और कुछ नहीं जोड़ना आपने अनलोडिंग खर्चा भी नहीं जोड़ना आपने बस ये दोनों एलिमेंट जोड़ दीजिए आपकी सीआईएफ वैल्यू तैयार है दैट इज एक्सपेंसेस अप टू दिस पॉइंट विल बी इंक्लूडेड इन सीआईएफ सीआईएफ वैल्यू का मतलब एफओबी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बन गई आपकी सीआईएफ दैट इज सीआईएफ वैल्यू इज एक्सक्लूडिंग अनलोडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंसिस इनकर्ड आफ्टर अनलोडिंग इज इट ओके यस सर अच्छा जी मैं उसके लिए आपको क्लासेस अलग से दूंगा जी विनीत अलग से आपको मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा जो भी आपका सीएमए के अंदर जो चेंजेस है ना उसके लिए मैं आपको अनाउंसमेंट भी उसके लिए करके चलूंगा और आपको जितना भी डिफरेंसेस है वो मैं करके दूंगा ठीक है ना अच्छा जी तो अब मुझे क्रक्स बता सकते हैं क्रक्स क्या निकल के आया क्रक्स ये है अच्छा दोनों में सिमिलरिटी क्या है जरा बताएंगे एफ और सीआईएफ के अंदर एक समानता बताइए कि समानता क्या है सर समानता यह है कि देखो जिस पॉइंट पर हम एफ देख रहे हैं है तो वो ओरिजिन पोर्ट लेकिन गुड्स की लोकेशन क्या है गुड्स की लोकेशन है जहाज में कन्वेंस में है गुड्स लेकिन सीआईएफ वैल्यू जब देखते हैं तो वैल्यू कहां पर दी हुई है वैल्यू दी हुई है एट डेस्टिनेशन पोर्ट मान ली बात लेकिन लोकेशन क्या है गुड्स की गुड्स अभी भी जहाज में ही है तो ये दोनों के बीच में एक समानता नजर आती है तो क्रक्स ये है वैल्यू एट वैल्यू एट एफ वैल्यू एट वैल्यू एट ओरिजन पोर्ट वैल्यू एट ओरिजन पोर्ट एंड गुड्स इन कन्वेंस गुड्स इन कन्वेंस और गुड्स इन कन्वेंस का मतलब यहां हो गया कि लोडिंग होने के बाद यानी लोडिंग का खर्चा भी इसमें शामिल किया जाएगा और अगर यहां की बात करके चलोगे तो यहां पर क्या आएगा वैल्यू एट डेस्टिनेशन पोर्ट और कॉमन चीज क्या थी दैट इज गुड्स इनकन्वेंस यह और यह गुड्स इन कन्वेंस का मतलब क्या हो गया कि गुड्स अभी भी जहाज में है का मतलब कि अभी अनलोड नहीं हुआ यानी अनलोडिंग चार्जेस यहां पर शामिल नहीं किए जाएंगे तो दोनों ही केसेस के अंदर एक चीज ध्यान रख के चलना गुड्स इन कन्वेंस ही है इज द एफओबी एंड सीआईएफ वैल्यू अब इन्हीं एफओबी और सीआईएफ वैल्यू से निकलते हैं आपके एफओबी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट माइडियर आप बता सकते हो कि और क्या होते हैं हम बताएंगे कभी आपने वो देखा है जो खिलौना होता है लाइक बाजार से लेकर आते हैं वो ड्रम मेले में नहीं मिलते खिलौने उस में एक व्यक्ति होता है लाइक ऐसे और उसके हाथ में एक ड्रम और स्टिक्स लगे हुए होते हैं तो उसमें जितनी हम चाबी भरते हैं वो उतनी देर ही ड्रम बजाता है, है ना या चाबी वाली कार होती है जितनी उसमें चाबी भरते हैं कार उतनी दूर तक ही जाती है मोबाइल रिचार्ज कराते हैं दस रुपए का रिचार्ज कराओगे तो उतनी ही टॉक वैल्यू मिलेगी उतनी ही देर मोबाइल चलेगा सौ रुपए का रिचार्ज कराया है तो ज्यादा चलेगा तो ऐसे ही यहां पर देखना होता है इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को कितना रिचार्ज किया है अगर इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को एफओबी से रिचार्ज कर दिया है ना भाई साहब तो मुझे बताइए एक्सपोर्टर गुड्स को लेकर कहां तक दौड़ेगा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा आप देंगे जी अगर इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को एफओबी से रिचार्ज कर दिया है तो एक्सपोर्टर गुड्स को लेकर कहां तक भागेगा नहीं पवन तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं हां जी बोलो ना बोलो ना मालिक सर अगर एफ से रिचार्ज किया है एफ कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्सपोर्टर वहां तक दौड़ेगा जहां गुड्स को जहाज में छोड़कर चला जाएगा दैट्स इट दिस इज एफ वैल्यू सारे कर्म वहीं पर होंगे उसी पॉइंट पर वहीं पर आकर गुड्स की डिलीवरी हो गई मेरा काम खत्म मेरा कॉन्ट्रैक्ट एफ कॉन्ट्रैक्ट था मैंने मेरा काम खत्म कर दिया उसी पॉइंट पर ओनरशिप ट्रांसफर मान लीजिए भाई साहब उसी पॉइंट पर ओनरशिप भी ट्रांसफर मान ली जाएगी बिकॉज मैंने अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया जो आपने मेरे साथ एफ कॉन्ट्रैक्ट किया था इज इट ओके okay? हां बिल्कुल ठीक बात है सर जी नो दिक्कत वाली बात नहीं है और अगर मैं मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा कर चुका हूं तो बताइए एक्सपोर्टर को जैसे ही फ्री ऑन बोर्ड किया उसे अपना पैसा पाने का अधिकार है कि नहीं उसे अपना कंसीडरेशन पाने का अधिकार हो जाता है कि नहीं अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा कर चुका है तो यस सर डेफिनेटली उसे यहां पर मिल जाएगा डेफिनेटली सर जी उसे यहां पर अपना मिल जाएगा अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होता सी फिर क्या होता अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है सीआईएफ तो फिर क्या होगा सर सर फिर होना क्या है फिर तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा फिर होना क्या है मैं बताता हूं आपको होगा ये कि सीआईएफ किस पॉइंट पर होती है सीआईएफ होगी यहां डेस्टिनेशन पोर्ट पर लेकिन गुड जहाज में ही है तो वहां तक दौड़ेगा एक्सपोर्टर को इतनी चाबी भरी सीआईएफ वाली तो वो यहीं तक दौड़ेगा माई डियर और क्या अनलोडिंग के खर्चे भी वही देगा अनलोडिंग का खर्चा इंपोर्टर को अलग से करना पड़ेगा आपने जो सीआईएफ पैसा दिया है आपने उसे सीआईएफ पैसा दिया है अच्छा बताओ सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी पॉइंट क्या लिया जाएगा सीआईएफ बताना पड़ेगा आपको सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी पॉइंट कौन सा लिया जाएगा मालिक बताइए आप मुझे सर इसके अंदर जो डिलीवरी पॉइंट लिया जाएगा ना हम बताएं आपको वो लिया जाएगा डेस्टिनेशन पोर्ट वेरी वेरी गुड गुड्स की ओनरशिप कहां पर ट्रांसफर की हुई मानी जाएगी रत तो बताना पड़ेगा भाई गुड्स की ओनरशिप कहां पर ट्रांसफर मानी जाएगी सर जी जब तक अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन सर डेस्टिनेशन पोर्ट पर ही उसका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कहां पूरा माना जाएगा सर डेस्टिनेशन पोर्ट पर सारे कर्म कहां माने जाएंगे डेस्टिनेशन पोर्ट पर अच्छा चलो बताओ टेस्टिंग क्वेश्चन है अगर मान लीजिए पार्टी के साथ मेरा सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट था साहब पार्टी के साथ मेरा सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट था ठीक है जी और गुड्स इंपोर्ट कर रहा था और गुड्स पानी में डूब गया बीच रास्ते में डूब गया तो बताइए क्या मुझे गुड्स डूबा तो किसका डूबा इतना बता दो मेरा इंपोर्टर का डूबा या एक्सपोर्टर का डूबा सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जिम्मेदारी बनती थी डेस्टिनेशन पोर्ट तक गुड्स को पहुंचाने की लेकिन माल रास्ते में डूब गया तो किसका डूबा मेरा डूबा कि उसका डूबा बताइए ना किसका डूबा सर वहां पर मेरा कुछ ना डूबा वो अपना कॉन्ट्रेक्टर ऑब्लिगेशन फुलफिल ना कर पाया ओनरशिप ट्रांसफर होती डेस्टिनेशन पर आकर क्या उस बंदे को अपना पेमेंट पाने का अधिकार है कलेजी पे हाथ रखो बताइए क्या उसे अपना पेमेंट पाने का अधिकार नहीं सर Now, अपना कॉन्ट्रेक्टर ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करेगा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी तब तक का आएगा पैसा भाई साहब डूबा तो एक्सपोर्टर का डूबा मेरा नहीं डूबा लेकिन अब मुझे एक बात और बताइएगा अगर ऐसा हो तो कैसा होगा अगर ऐसा हो तो कैसा होगा कैसा सर जी कि मान के चलिए भाई साहब लाइक <laughs> <Like, laughs> मेरा एफओबी कॉन्ट्रैक्ट था एक्सपोर्टर आया गुड्स को अब इसमें सारे कर्म कहां पर होने हैं ओरिजिन पोर्ट पर उसने गुड्स को जहाज में लोड किया सारे काम किए हाथ झाड़े और मौज में चला गया जहाज चल दिया और जहाज जो था वो रास्ते में डूब जाता मेहरबानों आपको बताना है कदरदानों आपको बताना है कि यहां पर आकर डूबा तो किसका डूबा कॉन्ट्रैक्ट था उसने अपना काम कर दिया जहाज बीच में डूब गया अब डूबा तो किसका डूबा सर जी डूबा इस बार इंपोर्टर का डूबा क्या इस केस में मुझे बताइए एक्सपोर्टर को अपना अपना पेमेंट पाने का अधिकार है 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 कि नहीं बिल्कुल है क्योंकि वो वो काम तमाम कर चुका था गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करवा चुका है अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वो पूरी कर चुका है समझ में आ गई बात हां जी बिल्कुल समझ में आ गई बात सर जी तो वही सारी बात यहां पर लिखी हुई है एफओबी कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर देख लीजिएगा अंडर एफ ओबी कॉन्ट्रेक्ट एक्सपोर्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लीव द गुड्स ऑन बोर्ड दैट इज फ्री ऑन बोर्ड बिल्कुल ठीक है दैट इज लीव इन द दनवेंस डिलीवरी पॉइंट ओरिजिन पोर्ट है दैट इज ओनरशिप ओरिजिन पोर्ट पर ट्रांसफर हो रही है उसके बाद ही व्यक्ति अपना पेमेंट पाने का अधिकारी है सारी बात आपकी यहां पर लिखी हुई है <coughs> अच्छा ठीक है जी उसके बाद हां हाँ, सब बिल्कुल उसके बाद में आगे आ गया जाओ अंडर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट सीआईएफ में सारे कर्म बस इतना ध्यान रखना सीआईएफ में सारे कर्म कहा होने डेस्टिनेशन पर डिलीवरी वहां ओनरशिप वहां कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिगेशन वहां सारे कर्म डेस्टिनेशन पोर्ट पर ही होकर चलने हैं जी एक्सपोर्टर इज लाइबल टू लीव द गुड्स एट इंडियन कस्टम पोर्ट दैट इज डेस्टिनेशन पोर्ट दैट इज डिलीवरी पॉइंट डेस्टिनेशन सारे कर्म यहीं पर होंगे उसके बाद ही पेमेंट पाने का है अभी टेस्ट टेस्ट लूंगा लूंगा आपका मैं ओहो भाई साहब सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंपोर्टर को अलग से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो सीआईएफ में शामिल करके एक्सपोर्टर को दे दिया एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी वहां तक लाने की बनती है ठीक है जी अब सुनो थोड़ी सी करते हैं प्रैक्टिस डू यू नो कि एक्सपोर्ट बेनिफिट्स क्या होते हैं हाँ सर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर तो हमें एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं मेरे बेनिफिट का मतलब होता है रिलैक्सेशन फ्रॉम इंडियन टैक्सेस एक तो ये और साथ में कई सारे और भी बेनिफिट मिल जाते हैं एक जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा हमें कई सारी स्क्रिप्ट मिल जाती हैं स्क्रिप्ट होती हैं लाइक जैसे Let's, जैसे फूड कूपन हो गया आपका आप उसे खाना खा सकते हो ऐसी आपको स्क्रिप्ट मिल जाती हैं जिनसे आप टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हो ऐसे मान के चलो जैसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और फिर उन पॉइंट से आप अपनी भविष्य में आप, मतलब आप उन्हें रिडीम कर सकते हो किसी और टैक्स वगैरह का पेमेंट करने के वास्ते तो इस प्रकार के जो बेनिफिट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्सपोर्ट बेनिफिट मतलब एक्सपोर्ट करने के बेनिफिट रिलैक्सेशन फ्रॉम इंडियन टैक्सेस यानी कि आपको इंडियन टैक्स का पेमेंट ना करना पड़े अगर पे करना पड़ गया तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा एंड एंड गेटिंग वेरियस काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट होती हैं और इन स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे हम फॉरन ट्रेड पॉलिसी चैप्टर के अंदर तो एक्सपोर्ट करने के ढेर सारे बेनिफिट होते हैं अब उन बेनिफिट को पाने के लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको दो शर्तें पूरी करनी होती हैं ध्यान से सुना मेरी बात को अक्सर जो बच्चा ध्यान से नहीं सुनता ना वो यहां पे आके कंफ्यूजन में आ जाता है करा मुझे तभी तक याद है वेरी गुड पवन अच्छा एक बात मैं हाँ जी पूछो मैं आपसे हाँ बाबू चीजें समझ में तो आपको आ रही है ना मैं बोर तो नहीं कर रहा ना आपको ना सर जी अब बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ठीक है आगे बात करते हैं मालिक कि यहां जो एक्सपोर्ट बेनिफिट है उसके लिए ना दो शर्तें आपको पूरी करनी जरूरी होती हैं अब कौन कौन सी दो शर्तें हैं सुनिए जरा ध्यान से और कानों को इधर लाइएगा और दिमाग को खोल के रखिएगा दिमाग सुन ना हो जाए सो ना जाए ठीक है पहली गुड्स आपका एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए सिंपली एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है भाई साहब गुड्स एक्सपोर्ट होना चाहिए र, एक्सपोर्ट र, र, कान में तेल डाल लो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है विदेश पहुंचाना ना एक्सपोर्ट का मतलब होता है क्रॉसिंग ऑफ टी आई बस डब्ल्यू ए क्रॉस मेरा काम खत्म मेरा काम खत्म अच्छा दूसरी बात पेमेंट मिलना चाहिए इन फॉरेन करेंसी में पेमेंट कब मिल पाता है पेमेंट कब मिल पाता है बाबू जरा मुझे बताइए पेमेंट कब मिलता है पेमेंट तब मिलेगा जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी भाई साहब इधर पेमेंट तब मिलेगा जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी या ऐसे कि पेमेंट तब मिलेगा जब मुझे डिलीवरी मिल जाएगी या ऐसे बोलूँ कि पेमेंट तब मिलेगा मैं तब मिलेगा जब 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 मैं मेरे कॉन्ट्रेक्टल ऑब्लिगेशन को पूरा कर दूंगा या बात को ऐसे कहूं कि पेमेंट तब मिलेगा अगर एफ है तो मैं गुड्स को जहाज पे चढ़ा दूं और अगर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट था तो मैं डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचा दूं तभी पेमेंट मिलेगा तो मुझे पेमेंट भी मिलना चाहिए और ये दोनों की दोनों शर्तें पूरी होती हैं एंड वी आर एंटाइटल फॉर पेमेंट ओनली आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो दूसरी कंडीशन कब पूरी होगी जब आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपका पूरा हुआ है तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड और अगर आप गुड्स टी डब्ल्यू आई पार कर गया है तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है दो अलग अलग बातें हैं दोनों की दोनों की कंडीशन पूरी होंगी तब आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट दिया जाता है चलिए मैं सवाल पूछता हूं जवाब दीजिएगा आर आर यू रेडी रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर यस सर वी अब यहां पर बात करते हैं इन केस ऑफ एफ ओबी कॉन्ट्रेक्ट पार्टी के साथ हमारा एफओबी कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था ठीक सर जी एफओबी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह हो गया कि हमारी जिम्मेदारी गुड्स को यह हाथ था जी टी डब्ल्यू आई ये पोजिशन थी हमारी टी डब्ल्यू आई की और हमारी यहां पर जो लोकेशन बनती थी वो लोकेशन थी हमारी और हमें बस यहीं पर चढ़ा कर देना था क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एफ ओ बी हुआ करता था ठीक है तो जरा जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब देना अपनी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था अरे हमें तो अपनों ने लूटा गहरों में कहा दम था अपनी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था टी डब्ल्यू आई में डूब मरा गुड्स भाई साहब टी डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट में डूब मरा था, हम कर रहे थे और गुड्स टी में डूब मरा चेक करके बताइए क्या गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ अरे एक्सपोर्ट का मतलब क्या है ठीक से सोच समझ कर जवाब देना एक्सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ एक्सपोर्ट का मतलब होता है क्रॉसिंग ऑफ टी डब्ल्यू आई वैसा कुछ यहां पर हुआ कि नहीं हुआ नहीं सर वैसा वाला तो कुछ भी नहीं हुआ तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव नहीं, नहीं हुआ क्या आपको पेमेंट फॉरेन करेंसी में पाने का अधिकार है या नहीं बाबू गलत जवाब नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी क्या आपको पेमेंट पाने का अधिकार है पेमेंट पाने का अधिकार है या नहीं यह तय किया जाएगा कि आपने अपना वादा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन निभाया या नहीं निभाया यह आपको देखना है तो आपका चूंकि बाबू प्लीज ध्यान से प्लीज पे अटेंशन ऑन मी गलती मत कर देना मैं चाहता हूं कि आपको क्वेरी आने ही ना दू मैं कंफ्यूजन आने ही ना दू इसका मैं भरसक प्रयास करता हूं ऑलवेज क्या आपने अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा किया क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या किया हां सर एफ था हाँ, हाँ हमने चढ़ा दिया अब आगे वो मरा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं यस ये हमने पूरा किया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हमने अपना पूरा किया आगे बढ़िए जरा गुड्स संक बियॉन्ड नो ऑब्लिगेशन फुलफिल ना, ना ललित गलत कह रहे हो मेरा ऑब्लिगेशन क्या था मेरा ऑब्लिगेशन मेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तय किया जाएगा ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट एफओबी था तो मेरी जिम्मेदारी भाई साहब सिर्फ जहाज में चढ़ाने तक की थी भाई साहब वो मैंने चढ़ा दिया मरा टीडब्ल्यूआई में जाके मैंने तो चढ़ा दिया था मुझे तो मेरा पेमेंट पाने का अधिकार वही मिल जाता है बोलो ना प्लीज बोलो ना हां सर एकदम ठीक बात है चलो तो आगे बढ़ते हैं अगला अगर मैं कहूं कि गुड्स टी डब्ल्यू आई के बाद डूबा अब बताओ ये गुड्स था और ये डूबा भाई साहब यहां डूब मरा टी डब्ल्यू आई के बाद आकर डूब मरा मुझे इतना बताइए एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ एक्सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ तो इसके लिए आपको चेक करना होगा ये एक्सपोर्ट तब होता है जब टी डब्ल्यू आई क्रॉस हो टी डब्ल्यू आई क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ हाँ हुआ अगर हुआ तो एक्सपोर्ट भी हो गया बात खत्म अगर टीडब्ल्यू आई पार हुआ तो एक्सपोर्ट भी हो गया क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब यह कतई नहीं होता कि भाई साहब वहां विदेश तक पहुंचा के आइए ना इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाना एक्सपोर्ट कह दिया जाता है और वह टी डब्ल्यू आई पार कर गया तो बस मुझे आगे मतलब नहीं दैट्स इट एक्सपोर्ट हो गया इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाना एक्सपोर्ट है ना कि वहां विदेश में पहुंचाना एक्सपोर्ट कहा जाता है दूसरा क्या मैंने मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा किया या नहीं yes no. मेरा एफ ओ बी कॉन्ट्रैक्ट था मेरे बच्चा मेरा था. और के मुताबिक मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनती थी कि मैं गुड्स को जहाज पे चढ़ा दूं मैंने चढ़ाया मैंने मेरा काम पूरा किया मुझे मेरा पैसा पाने का पूरा पूरा अधिकार है तो इसका मतलब ये आंसर भी मेरा पॉजिटिव ही निकल कर आएगा राइट right, सर उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे क्या निकल के आता मान लीजिए वही क्वेश्चन है और यहां पर इस बार सीआईएफ का मामला पड़ रहा है यानी मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं गुड्स को वहां तक छोड़ के आऊं फॉरेन पोर्ट तक छोड़ के आऊं यह मेरी जिम्मेदारी बनती थी ऐसा मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था वो सीआईएफ मेरा बनता था ठीक है अब यहां पर मुझे बताइएगा गुड्स गुड्स्यूआई सी एफ कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन मेरा जो गुड्स था वो TWI में डूब मरा मुझे बताइए एक्सपोर्ट हुआ कि ना हुआ एक्सपोर्ट हुआ कि ना हुआ हुआ ये चेक करो देखने के लिए कि कि पार हुआ नहीं हुआ नहीं सर वो टी डब्ल्यू आई में डूब मरा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाया दूसरी बात क्या मुझे यहां पर एक्सपोर्ट के तमाम प्रकार के बेनिफिट मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे इस केस के अंदर यस और नो नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं मेरा वादा पूरा नहीं कर पाया हरा मेरा वादा क्या था भाई साहब हरा मेरा वादा सीआईएफ का था मैंने कहा था कि तारा गुड्स मैं तेरे 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 घर में आके पहुंचा दूंगा भाई मैं तेरे डेस्टिनेशन पोर्ट पे आके पहुंचाऊंगा पर मैं मेरा वादा पूरा ना कर पाया गुड्स गुड्सभा में डूब मरा मैं मेरा वादा पूरा नहीं कर पाया मैं डिलीवरी तो ना दे पाया मैं कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा ना कर पाया मैं ओनरशिप ट्रांसफर ना कर पाया मुझे पेमेंट पाने का कोई अधिकार नहीं है मुझे पेमेंट पाने का कोई अधिकार नहीं है अगले में जाओ अगर टी डब्ल्यू आई के बाद डूबता तो अगर बाद डूबता तो एक्सपोर्ट तो हो गया टी डब्लू एक्सपोर्ट का मतलब टीडब्ल्यू आई क्रॉस होना तो एक्सपोर्ट तो हो गया लेकिन लेकिन क्या मुझे पेमेंट फॉरेन करेंसी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा क्यों क्योंकि मेरी जिम्मेदारी कुछ और थी मुझसे कहा मेरी जिम्मेदारी थी गुड्स को वहां पहुंचाना मैं नहीं पहुंचा पाया मालिक इसलिए नहीं मिलेगा ऐसे करके यहां पर बात हो जाती है अब मुझे बताइए मैं अपना क्वेश्चन पूछता हूं क्या मुझे पहले वाले केस में एक्सपोर्ट करने के तमाम बेनिफिट मिलेंगे या नहीं एक्सपोर्ट बेनिफिट तब मिलते हैं जब दोनों आंसर पॉजिटिव हो एक्सपोर्ट भी हुआ हो और पेमेंट भी आया हो तो जाके मिलते हैं एक्सपोर्ट बेनिफिट ये इश्क मतलब ये कस्टम नहीं नहीं छोड़ो अभी तो आग का दरिया है और डूब कर जाना है ये दो ये एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं आसा ये एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं आसा एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है ये दोनों के जवाब पॉजिटिव होंगे तभी मिलेगा चूंकि एक का जवाब नेगेटिव है इसलिए यहां पर आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा नो मीनस नो पिंक मूवी देखिए नहीं देखी तो देख लेना बड़ी शानदार है दूसरे में बताइए यस 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 यहां दोनों के पॉजिटिव आंसर हैं यहां पर एक्सपोर्ट भी हुआ है और पैसा भी फॉरेन करेंसी में आ रहा है तो यहां पर तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगले वाले में बिगनो और इस वाले में भी एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे तो मैंने आपको समझाया एफओबी क्या है सीआईएफ क्या है एफओबी कॉन्टेक्ट क्या सीआईएफ कॉन्टैक्ट क्या और एक्सपोर्ट बेनिफिट क्या होते हैं और किस प्रकार से उनकी अवेलेबिलिटी होती है मालिक यहां तक की बात समझ में आई हो तो बोलो राधे राधे ठीक है सर जी आई आईटीएस आई मतलब आईटीएस डिपेंड अपॉन एक बार फिर से लिख के भेज रहा यहां तक की यह हमारी बात हो जाती है उसके बाद हमारे कुछ और डॉक्यूमेंटेशन की चर्चा की जाती है लेकिन पहले मैं आपको यहां तक जितनी भी हमने बातें करी हैं आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे लेकिन हमारे फितरत के मुताबिक आज हमने जो भी पढ़ा है उस पूरे का मैं आपको एक एल बनाकर दूंगा मतलब एक, एक, एक रिवीजन करा के दूंगा और ये जो रिवीजन की क्लिप होगी ये आपको अलग से अवेलेबल होगी क्लास वाइज ठीक है सर जी और कल जब हम शुरुआत करेंगे तो आज क्या किया था पहले उसको लिंक करेंगे उसके बाद आगे की हमारी चर्चा करी जाएगी तो आज हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा है जिसमें हेलीकॉप्टर व्यू हमारा शुरू हो चुका है और तीसरा डायग्राम चल रहा है कुल मिलाकर हमारे दस डायग्राम यहां पर आते हैं ठीक है और आपको जरूर जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी मालिक जरूर जरूर आपको बताना है ठीक है और पता है आपको हम आईआरएस अधिकारियों को भी पढ़ाते हैं कि मैंने लिखा अपने बारे में यहां पर हम आईआरएस जो अधिकारी हैं उनकी भी ट्रेनिंग करते हैं एक उनका भी होता है इसी वजह से तो इंग्लिश में भी हमारी ड्राइव आने लग गई उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो हमने कहा जब उनको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्यों नहीं पढ़ा सकते तो इसलिए इंग्लिश में भी हमारी पेन ड्राइव आती है ठीक है जी तो अब यहाँ पर मालिक आज हमने क्या सीखा तो शुरू से बता दूं हाँ सर जी सबसे पहले सिलेबस की बातें करी हमने 25 नंबर का कस्टम एफटीपी है और अपना पचहत्तर नंबर का जीएसटी है ठीक है एंड इसमें 60 लेक्चर हमारे लगने हैं करीब 200 से 210 घंटे तक का कंटेंट हमारा बनेगा अपडेशन के लिए 31 अक्टूबर 2020 तक इस बैच में मैं अपडेट आपको करके चलूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड उसके बाद फिर आपकी हम बात करके चले तो जो एग्जाम इनका नवंबर 21 में है तो उनके लिए अपडेशन 30 अप्रैल तक की चाहिए तो उनको जिनका नवंबर 2021 में उनको अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी सो डोंट वेट फॉर न्यू बैच आप फटाफट से इस बैच को लीजिएगा और अपने आगे बढ़ें अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगी जिनका नवंबर 21 में उनसे कह रहा हूँ और किताबें जो आएंगी आपकी छ किताबें बेसिकली आएंगी छह किताबें आएंगी आपकी

वट इज टैक्स कंपल्सरी एक्सटोशन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट ये कहा जाता है दूसरा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो <coughs> जिसको लगा इंजेक्शन उसी को दर्द हुआ तो डायरेक्ट वरना इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है यानी कि जिसके ऊपर इंपोज हुआ बर्डन भी उसी ने सहा तो डायरेक्ट है अदरवाइज ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है ठीक है उसके बाद टैक्स और सेस में क्या फर्क है यूटिलाइजेशन को लेकर फर्क है हालांकि सेस भी टैक्स का ही हिस्सा होती है लेकिन टैक्स का यूटिलाइजेशन प्रीफिक्सड नहीं होता सेस का यूटिलाइजेशन प्रीफिक्सड होता जिस नाम से इकट्ठी की जाती है उसी परपज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है

पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एर्कोलिक लीकर ये दो कैटेगरी वाले प्रोडक्ट फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड लीकर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं शराब इंसान शराब पीता है गाड़ी पेट्रोल पीती है ध्यान रखना शराब और पेट्रोल ये आपके जीएसटी की दुनिया से बाहर हैं इन पर पुराने टैक्सेस ही लगाए जाते हैं टोबैको दोनों में फैला हुआ है ऐसे करके इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और इसके ऊपर जीएसटी भी लगाया जाता है वैट नहीं लगता वैट की जगह जीएसटी इस पर लगाया जाता है बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज जीएसटी के दायरे में आपके आते हैं इनकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है इसलिए पहले बता देना ठीक रहता है जनरल बैकग्राउंड की बात करके चले इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी जिसके अलग अलग नौ रूप होंगे एक बेसीडी कोई सीवीडी थ्री वन सी डी थ्री फाइव एंटीडम्पिंग ड्यूटी सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल ऐसे करके अलग अलग रूपों में देखने के लिए हमें मिलती है उसके बाद एक्सपोर्ट करने पर जब हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए जब बात की जाती है तो वहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात की जाती है लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी ना के बराबर है पुराने समय से बातें चली आ रही हैं राजाओं के जमाने से बात कर रहे हैं पहले तीन अलग अलग एक्ट हुआ करते थे जल थल वायु के लिए अभी उनको कंसोलिडेट करके एक, एक एक्ट बना दिया गया है एंड उसके बाद में हम बात करके चले तो इंडियन टैरिफ एक्ट नाइनटीन है जिसमें जिसको कन्वर्ट करके बोल दिया गया है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 का नाम दे दिया गया है मालिक ठीक है सर जी तो कस्टम एक्ट 1962 के अंदर तमाम प्रकार के लीगल प्रोविजन हैं और जो कस्टम टैरिफ एक्ट है उसके अंदर दो शेड्यूल हैं सेकंड के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट फर्स्ट के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी के रेट दिए हुए हैं और फर्स्ट में एक स्टैंडर्ड रेट एक प्रिफरेंशियल रेट है प्रीफरेंशियल रेट तब एप्लीकेबल होता है वेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन ठीक है और इसके लिए इंडियन कस्टम अधिकारी को एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिज

ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को बाधित ना करे इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम करके चलता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टम लॉ क्या है पहला ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना बाई इंपोजिंग वेरियस काइंड ऑफ ड्यूटीज अगर इंडिया हमें पैरिटी मेंटेन करनी है अगर इंडिया के अंदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है किसी अगर इंडिया के अंदर एक्साइज ड्यूटी लगती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो हम उसके ऊपर सीवीडी थ्री लगा देते हैं इंपोर्टेड के ऊपर अगर यहां वैट या सेल्स टैक्स लगता है तो हम उसके ऊपर सीवीडी थ्री लगा देते हैं अगर यहां पर जीएसटी लगता है तो हम भी आईजीएसटी लगा देते हैं अगर वहाँ से मिल के आ रही है, तो हम उसको क्योर करने के लिए यहाँ पर आर्टिकल लगा देते हैं। अगर ड्यूटी तो है। है। का कलेक्शन करना और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में आते हैं तीन प्रकार की मोडेन जल थल वायु सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बाय एयर भी होता है बाय लैंड रूट भी हम बात करके चलते हैं उसके बाद में फिर हमारा चार्ट नंबर दो आया बारह नॉटिकल माइल तक टी डब्लू आई है टी डब्लू आई का सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया के बाहर से इंडिया में आना इंपोर्ट और इंडिया से इंडिया के बाहर जाना एक्सपोर्ट है यानी कि टी आई के इस 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 पार 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 या उस पार, उस उस पार से से आना इंपोर्ट और इस पार से उस पार जाना आपका एक्सपोर्ट कह दिया जाता है इज इट ओके यस सर और बेस लाइन से लेकर नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है इसे हम इंडियन कस्टम वाटर के नाम से जानते हैं और कस्टम अधिकारी अपनी पावर का इस्तेमाल इस एरिया के अंदर कर सकते हैं और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं मालिक कि यहां पर जो आपका एक नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है यानी कि बेसलाइन यानी टी डब्ल्यू आई के बियॉन्ड लेकिन स्केल पर जहां 200 नॉटिकल माइल का पॉइंट लगा हुआ है तो ये बीच का एक नॉटिकल माइल का एरिया होता है इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से हम जानते हैं इसके अंदर जो ऑयल ऑयरिक्स होते हैं उतने वाले पोर्शन को डीम्ड इंडिया कहा जाता है एज पर मेरी टाइम जोन एक्ट नाइनटीन के मुताबिक ठीक है और अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट भी किया जाता है उसके बाद में हमने कुछ मीनिंग देखना शुरू किया एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है जो कि जरूरी होता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आते हैं डायरेक्टर जनरल फॉरन ट्रेड उनकी वेबसाइट पर जाकर उनके द्वारा यह इशू किया जाता है लगभग पांच रुपए के आसपास की फी होती है लेकिन अगर पर्सनल इंपोर्टेशन है आपका या इंपोर्ट बाय पोस्ट कर रहे हो तो वहां पर इसको ऑप्टेन करने की आवश्यकता नहीं होती है फिर हमने देखा एफ ओबी कॉन्ट्रेक्ट क्या है फ्री ऑन बोर्ड ऑरिजन पोर्ट पर कन्वेंस के अंदर जब गुड्स पड़ा है वहां तक के सारे खर्चे जोड़ने के बाद जो गुड्स की वैल्यू है उसे हम एफओबी वैल्यू के नाम से जानते हैं और डेस्टिनेशन पोर्ट पर जब गुड्स जहाज के अंदर ही है वहां तक के तमाम खर्चों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू बनती है वो सीआईएफ वैल्यू बनती है और इन्हीं टर्म से निकलते हैं एफओबी कॉन्ट्रैक्ट और सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं इन्हींर्म से निकल के सामने आ जाते हैं इज इट ओके यस सर तो अगर आपका एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है कि ओरिजन पोर्ट पर गुड्स को जहाज में छोड़ दे वहीं पर सारे काम हो जाएंगे वहीं पर ओनरशिप ट्रांसफर है वहीं पर डिलीवरी हो गई वहीं पर सारे काम हो गए वहीं पर उसका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा हो गया और उसी के अनुसार उसको पेमेंट पाने का अधिकार होता है सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे कर्म पूरे होंगे डेस्टिनेशन पोर्ट पर जाकर जहां वो आप पहुंच जाएगा वहीं पर डिलीवरी ट्रांसफर मानी जाती है वहीं पर ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाती है सारे कर्म वहीं पर माने जाते हैं उसी के बाद उसका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल माना जाता है और इसी के बाद उसे अपना पैसा पाने का अधिकार होता है माई डियर इज इट ओके यस yes. फिर उसके बाद हमने देखा कि एक्सपोर्ट बेनिफिट पाने के लिए दो कंडीशन पूरी करनी होती है नंबर एक नंबर एक होती है कि गुड्स का एक्सपोर्ट होना चाहिए एक्सपोर्ट का मतलब क्रॉसिंग ऑफ टी डब्ल्यू आई होता है और उसके बाद दूसरी होती है कि हमें पेमेंट फॉरेन करेंसी में आया और पेमेंट तब मिलता है जब आपने कॉन्ट्रेक्ट और ऑब्लीगेशन को हमने पूरा कर दिया हो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही हमें एक्सपोर्ट बेनिफिट अवेलेबल हो पाते हैं ठीक है तो चलो आज क्लास की समाप्ति हम यहीं करते हैं थैंक यू सो मच विश यू ऑल द वेरी बेस्ट राधा रानी कृपा आपको सदै सदा सदा यू ही बनी रहे थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर ठीक है और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको जरूर जरूर बताना है और कल आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी ठीक है थैंक यू सो मच विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैं डेली बेसिस पर आपकी क्लास यहां रिकॉर्ड करके डालता रहूंगा कभी मौज आई तो दिन में दो क्लास भी मैं आपकी डाल दूंगा लेकिन जल्द से जल्द मैं आपको पूरा बैच कंप्लीट करके दे दूंगा राइट सर जी ओके अब चलें सर जी जीएसटी वीडियो बाबू शायद आपका वो करके लोडिंग पे लगा रखा आज रात को मिल जाएगा मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं बाबू चार घंटे का वीडियो है और वो लगा हुआ है इंटरमीडिएट का ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच क्लास मेरी तरफ से ओवर हो चुकी है और कल हमारी मुलाकात फिर होगी जुड़े रहिएगा स्टिक कनेक्टेड ठीक है हाँ सर जी एकदम ठीक बात है बाय डियर बाय मोहित बाय 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 गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट ललित शिवम तनेजा और पवन वर्मा खटक और मेरा बच्चा थैंक यू थैंक यू सो मच बाय डियर बाय बाय टाटा लव यू बाय बाय